स्टार्ट कर रहा है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्रिक ब्लास्ट और फैक्ट्स टुडे पे। मैं हूं आपके साथ अंकुश ठाकुर और मेरे साथ हैं इकबाल भाई और बाएं साइड सत्यम भाई। लेकिन सबसे पहले टॉस से हम आपको खबर बताते हैं और आज का मुकाबला जो है वो दो सबसे सक्सेसफुल टीम आईपीएल की चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाना है। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। चेन्नई की टीम और मुंबई की टीम के बीच जब आमना सामना हुआ था इस आईपीएल में इससे पहले, तो वहाँ बाजी हाथ लगी थी महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को। और वहाँ धोनी ने ही आखिरी ओवर में जयदेव उनादकट को 17 रन लगाकर मुकाबला जीता था। लेकिन इस मुकाबले पर हम काफ़ी कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे, टीम के लाइनअप पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे इकबाल भाई आपका। धन्यवाद अंकुश, तमाम श्रोताओं का अभिनंदन क्रिक ब्लास्ट पर और फैक्ट्स टुडे पर। आज मुंबई इंडियंस का सामना हो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स से और इस मुकाबले में जैसा अंकुश ने बताया कि टॉस मुंबई इंडियंस ने जीता है, पहले उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया है। चेन्नई की टीम आपकी स्क्रीन पर, चेन्नई की टीम में कोई बदलाव नहीं है। चेन्नई की टीम में ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायडू, शिवम दुबे, मोइन अली, महेंद्र सिंह धोनी, ड्वेन ब्रावो, महेश तीक्ष्णा, सिमरजीत सिंह और मुकेश चौधरी, यह है टीम चेन्नई सुपर किंग्स की। वहीं अगर बात करें मुंबई इंडियंस की तो मुंबई इंडियंस की टीम आपकी स्क्रीन पर बहुत जल्द आ जाएगी। मुंबई की टीम में कुछ बदलाव किए गए हैं। आज किरण पोलार्ड नहीं खेल रहे हैं, सबसे बड़ी खबर ये है, किरण पोलार्ड आज जी के मुकाबले में नहीं है। तो टीम आपकी स्क्रीन पर मुंबई इंडियंस की, रोहित शर्मा, ईशान किशन, रमनदीप सिंह, तिलक वर्मा, टिम डेविड, ये क्या है भाई, ये ट्रिस्टन स्टब्स। ओके, अच्छे स्टफ होंगे हम ये उम्मीद करते हैं। डैनियल सैम्स, ऋतिक शौकीन, कुमार कार्तिकेय सिंह, जसप्रीत बुमराह और राइली मेरेडिथ, ये है टीम। तो ये स्टफ जो आए हैं किरण पोलार्ड की जगह पर सत्यम, वो देखते हैं कि किस तरह का स्टफ साबित होते हैं। लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं, माना यह जाता है इनको। आई थिंक साहिल कपूर जिक्र कर रहे थे इस खिलाड़ी के बारे में, क्रिस्टियन स्टब्स के बारे में। लेकिन देखेंगे इनका भी किस तरह का प्रदर्शन रहता है। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे मित्र सत्यम नीलकमल का। स्वागत आप। शुक्रिया बहुत बहुत इकबाल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ, आप बताइए। अंकुश आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। आपकी बस ने धोखा दिया, लेकिन आप तब भी समय पे आ गए। हाँ बिल्कुल, वेल डन। परेशानियाँ आती रहती है, सही बात है। हालांकि टूर्नामेंट खत्म होने वाला है, तो मजे की बात ये थी कि भाई साहब जिस बस में बैठे थे उसकी आगे वाली बस खराब थी और वहाँ फंसे रहे। इसके बाद कुछ दूर इनकी बस चली और उन्हें कहा कि अच्छा वो खराब हुई थी, मैं भी आराम करूँगा। उनको भी ब्रेक चाहिए था। तो इससे पता चलता है कि समय से पहले घर से निकलना कितना जरूरी है। बहुत जरूरी है। वेल डन अंकुश, आप बस खराब होने के बावजूद भी आप टाइम से पहुंच गए। अनबिलीवेबल है यार, स्पेशली इस स्टूडियो में हम इस तरीके की, मतलब उम्मीद नहीं करते हैं, इस तरीके के व्यवहार की आदत नहीं है हमें। तो मतलब आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस इकबाल, हेल्प मी ब्रो। सही बात है यार, लेकिन रिएक्ट बस इतना करते हैं कि अंकुश वेल डन, कीप इट अप। थैंक यू। बहरहाल एक जो बदलाव हुआ और रोहित से ज्यादा तारीफ अंकुश नहीं बचा पाएगा, कह रहा है लेट्स मूव ऑन नाउ। नहीं, हमारे श्रोता बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो कहेंगे कि मैच कर लेंगे, वो पकड़ सुनने आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस तरह से मुंबई की टीम ने बदलाव किया और रोहित शर्मा ने टॉस के समय ये कहा कि मुंबई की टीम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आज स्टब्स को मौका दे रही है और किरण पोलार्ड आज टीम का हिस्सा नहीं है। स्टब्स के बारे में कुछ बातें आपको हम बता देते हैं कि 17 मुकाबले T20 में इन्होंने खेले हैं और उसमें 500 से ऊपर रन, 506 रन है इनके नाम, 139 का औसत है और 157 के करीब का स्ट्राइक रेट, तो बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज हैं। और इसके साथ ही एक और रिकॉर्ड है कि आखिरी चार ओवर जिन बल्लेबाजों ने खेले हैं ओवरऑल T20 में और जिन्होंने कम से कम 100 गेंदों का सामना किया है, उसमें AB डिविलियर्स के बाद सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट इस खिलाड़ी का है। वाओ, तो आप तारीफ करेंगे। और साथ में इनको जब टीम में शामिल किया गया था तो एक इन्होंने अपनी बात ही बताई कि ये गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे और उस दौरान इनके पिताजी का कॉल आता है कि आपको IPL के लिए चुन लिया गया है। इन्होंने कहा कि अमेजिंग, ऐसा भी हो गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, और आज IPL में शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं ये, शक्ल से लगता है कि दक्षिण अफ्रीका से। बिल्कुल।
और इस खिलाड़ी के बारे में अगर जिक्र और करें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी कर लेते हैं, ये 21 साल की इनकी उम्र है बस। दक्षिण अफ्रीका ए के लिए खेल चुके हैं और घरेलू क्रिकेट में वॉरियर्स के लिए ये खेलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में टीमें हैं वॉरियर्स, टाइटन्स, केप कोबराज, ये सारी टीमें हैं, तो ये वॉरियर्स की तरफ से खेलते हैं। तो आज एक बड़ा दिन है इनके लिए, ओब्वियसली कोई भी खिलाड़ी स्पेशली एक यंग खिलाड़ी आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में खेल जाता है अपने देश के खेलने से पहले तो और ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। एक बड़ा मंच देश के लिए खेलने में शायद समय लगे क्योंकि वहाँ अलग तरह का कंपटीशन है, और स्पेशली साउथ अफ्रीकन अगर आप हैं तो वहाँ तो कोटा सिस्टम भी है सत्यम, तो वहाँ पर किस तरीके से कब मौका मिलेगा ये तो नहीं मालूम। इकबाल, कोटा सिस्टम दुनिया भर में खत्म करना बिल्कुल खत्म करना चाहिए। अंकुश आप बताइए भाई। बिल्कुल खत्म करना चाहिए। इकबाल भी सहमत है इस बात से। मैं तो बिल्कुल यार पहला शख्स हूँ इस मामले में, अगर कोई अभियान चले तो मैं पहला शख्स बनना चाहूँगा। मतलब शायद कभी किसी रैली वैली में नहीं जाने वाला, लेकिन अगर कोटा खत्म करने के लिए कोई रैली निकलेगी तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कौन सी सरकारी नौकरी मिलने वाली है। बात है, पर देश के भले के लिए मैं उस रैली में जरूर शिरकत जरूर शिरकत करेंगे। बिल्कुल सही। तो हम तीनों चल रहे हैं फिर तो, बिल्कुल ऑर्गेनाइज करवाओ अंकुश। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्रिक ब्लास्ट पर और फैक्ट्स टुडे पर। काफी सारे कॉमेंट आ रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेहताब आलम है, विक्रम जी हैं, पवन रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साई शंकर साहू जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। विक्रम जी, रावत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आप तमाम दोस्तों का। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता है इस मुकाबले में, पहले उन्होंने गेंदबाजी चुनी है। चेन्नई की टीम में कोई बदलाव नहीं है और एक बदलाव किया गया है मुंबई की टीम में। कायरन पोलार्ड की जगह पर क्रिस्टियन स्टब्स खेल रहे हैं। और अंक तालिका के ऊपर अगर हम निगाह दौड़ाना चाहें तो अंक तालिका हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है इस वक्त पॉइंट्स टेबल में। और ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर अंक तालिका। गुजरात टाइटंस की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम लगभग क्वालिफाई कर चुकी है, राजस्थान रॉयल्स, आरसीबी, इन दोनों टीमों के 14-14 अंक हैं, दिल्ली कैपिटल्स के 12 अंक हैं। लेकिन अब आते हैं हम बॉटम टू पर। मुंबई इंडियंस ने 11 मैचेस में 2 मैच में जीत दर्ज की है, 9 मुकाबलों में उनको हार मिली है और सिर्फ 4 अंक हैं उनके पास, जबकि चेन्नई की टीम 11 मुकाबले खेल चुकी है, उनके पास 8 अंक हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है सत्यम कि अभी भी एक आउटसाइड चांस चेन्नई के लिए भी है क्वालिफाई करने का, जहां बट उसके लिए उनको सारे मैचेस जीतने हैं और उसके बाद बाकी मुकाबलों में उनके हिसाब के नतीजे आने चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। तो वो मिरेकल होगा अगर यहां से चेन्नई क्वालिफाई करता है। इकबाल, विजय कुमार जी एक सवाल पूछ रहे हैं, किरण पोलार्ड का जन्मदिन है, क्यों नहीं खेल रहे? सर, इसलिए तोहफा मिला है उनको, इसलिए नहीं खेल ब्रेक दिया गया उनको, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के बर्थडे पे खेले हार गए, रोहित शर्मा के बर्थडे पे खेले हार गए। उन्होंने कहा यार जिसका बर्थडे रहेगा ना उसको सीन से ही बाहर रखते हैं, तो किरण पोलार्ड को आज देखते हैं बाहर रखा है इन्होंने। क्या मुंबई की टीम जीत पाएगी, ये एक टोटके की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर मुंबई जीत गया तो मुंबई को तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन चेन्नई की जो रही सही लॉ चल रही है इकबाल, उसको बड़ा झटका लगेगा, वो बुझ जाएगी, लव बुझ जाएगी भाई, लव बुझ जाएगी, लव। तो मुकाबला बहुत जल्द शुरू होने वाला है, 6 मिनटों में इस मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी। एक बार टॉप रन गेटर्स पे भी नजर डालते हैं, देखते हैं आज कोई है क्या। वैसे कोई होगा नहीं यार। इन टीमों में से कौन ही है जो टॉप रन गेटर्स पे, एक आध लोग होंगे टॉप 10 में जरूर। कितना टाइम लोगे वे, लीजिए हो गया। आज के मुकाबले में कोई है क्या, कोई है क्या? नहीं, ढूंढो ढूंढो, नहीं है। अगर कोई, कोई होता तो ये टीम में 9वें-10वें नंबर पे थोड़ी होती। सही बात है यार, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लोग दिखाइए एक बार यार। हाँ, यहाँ पर कोई हो सकता है, आई थिंक ब्रावो हो सकते हैं इधर। नहीं, ब्रावो नहीं हो सकते, ब्रावो नहीं हो सकते है ना भाई। 16 ब्रावो हर साल होता है भाई टॉप 10 में, लुल लुल बॉले डालता है, बैट्समैन पता नहीं विकेट देके चले जाते हैं। एक ही है। तो टॉप 10 की दौड़ जहां तक है रन बनाने वालों का और विकेट लेने वालों का, उसमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई का जो मुकाबला आज शुरू होने वाला है इसमें सिर्फ एक प्लेयर फीचर कर रहा है, वो भी टॉप 10 विकेट टेकर्स की लिस्ट में, ड्वेन ब्रावो हैं 16 विकेटों के साथ। तो चेन्नई की टीम को देखें तो रविंद्र जडेजा नहीं है सत्यम इस 11 के अंदर जी, और उनकी कमी ओब्वियसली कप्तान ने भी माना कि
उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है. जिस तरीके का बैलेंस वो लेकर आते हैं टीम में, बैटिंग बॉलिंग और स्पेशली फील्डिंग का, मन में कुछ आया था जी. कप्तानी छोड़ने के बाद एक ही मैच खेले और चोटिल हो गए. यार एक मैच वेट ही कर लेते, क्या पता कप्तानी नहीं छोड़नी पड़ती. अगर आप टीम से ही बाहर हो जाते हैं, अगर आप खेल नहीं रहे हैं, तो आपको क्या ये बोलने की जरूरत है मैं अब कप्तानी नहीं कर रहा, अब खेल ही नहीं रहे. सही बात है. पूरे टूर्नामेंट से वो बाहर हो गए हैं, तो अगर एक मैच और वेट कर लिया होता तो भाई ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती. अब यही बात है ना कि उनको नहीं पता था कि अगले मैच में मैं गिरूंगा, मैं चोट लूंगा, सामने में चोट लगेगी, बाहर होऊंगा. ये तो बस मेरे दिमाग में आया था ऐसे. नहीं नहीं, मतलब ये अगर रच सकते थे तो रचा जा सकता था. आप जो कहना चाह रहे हैं कि इसको रचा जा सकता था, रचा जा सकता, लेकिन नहीं रचा गया इसको और सीधे सीधे टीम से उनको बाहर किया गया. इनफैक्ट कप्तानी से हटाया गया और हालांकि कहा यह गया कि हैंड ओवर किया उन्होंने कैप्टेंसी. हाँ, बड़े अच्छे अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता हुआ, एकदम चादर में लपेट करके, शुगर कोटेड, किसी तरीके का कोई किसी के मन में शंका ना रहे भाई. सही, यहाँ पर कुछ चल रहा है. तो भाई दोनों ओपनर्स मैदान पर हैं. रिप्लेस किया है जड्डू को, रिप्लेस शिवम दुबे को वापस से शामिल कर लिया गया है. तो वो ये तो पिछले मैच में भी खेले थे. बिल्कुल, अनचेंज टीम है. आंकड़े दिखाओ यार, डेविन कॉनवे के दिखाओ अंकुश जी. चाप चाप ब्रो, क्या कर रहा है तू भाई? प्रेशर बनाना पड़ेगा तेरे ऊपर. इस सीजन ही अपना डेब्यू किया है इन्होंने, 4 मुकाबले 231 रन 77 की औसत, 3 अर्धशतक पारियां लगातार खेली है इन्होंने. बिल्कुल, और अंकुश बैक टू बैक. आज नहीं चलेंगे, लॉ ऑफ एवरेजेस की वजह से आज अच्छी शुरुआत नहीं मिलेगी चेन्नई को मेरे ख्याल में. पहले मैच के बाद इन्हें बाहर किया गया था, तो मैंने ही क्वेश्चन उठाया था कि यार ऐसा क्यों कर रहे हो इस खिलाड़ी. भाई आप ऑब्वियसली सही सवाल ही पूछते हैं, ऐसे थोड़ी फर्जी कुछ भी बोलते रहते हैं. और 11 मुकाबले खेले हैं ऋतुराज गायकवाड़ ने, 306 रन 27.82 के औसत, 133 का स्ट्राइक रेट है, 2 अर्धशतकीय पारियां, एक मौके पे शतक भी बना सकते थे लेकिन 99 पे आउट हो गए थे. ये इनका दूसरा शतक हो सकता था आईपीएल करियर का, बट वैसा हो नहीं पाया था. इकबाल बॉलिंग के लिए कौन आ रहा है? डैनियल सैम्स आ रहे हैं, 8 मुकाबले और 8 ही विकेटें, 9.5 के इकॉनमी, बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए हैं. घंटी बजाई जाए. बिल्कुल, मुकाबले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मुकाबला इस वक्त शुरू होने जा रहा है. तो डैनियल सैम्स इस मुकाबले में पहली गेंद लेकर तैयार हैं, सामना करेंगे बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़. ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े आपने देखे कुछ देर पहले, लेट उन्होंने फॉर्म हासिल किया इस टूर्नामेंट में. पहली गेंद लेग स्टंप पर ऑन साइड में, इस गेंद को फ्लिक किया मिड ऑन के दाहिनी तरफ, गेंद को जब तक फील्ड किया जाता एक रन दौड़ करके पूरा कर लिया ऋतुराज गायकवाड़ ने. तो पहली ही बॉल पर खाता खुलता हुआ चेन्नई सुपर किंग्स का. टॉस जीता मुंबई ने, पहले गेंदबाजी करने का उन्होंने निर्णय लिया और इस वक्त दोनों ओपनर्स चेन्नई के मैदान पर हैं. डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ही बेहतरीन फॉर्म दिखाया उन्होंने पिछले कुछ मुकाबलों में बात करें. और जैसा सत्यम ने कॉनवे के बारे में बताया कि लगातार पिछले जो 3 मुकाबले रहे हैं उसमें अर्धशतकीय पारियां खेली इन्होंने और कमाल की बैटिंग की, अच्छी बल्लेबाजी की, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है. बाएं हाथ के डेवन कॉनवे पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. एक स्लिप शॉर्ट थर्डमैन पर एक खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी, पॉइंट कवर और मिड ऑफ, ये ऑफसाइड का क्षेत्र रक्षण है. इस बीच तैयार होते हुए आप डैनियल सैम्स बाएं हाथ से ओवर द विकेट ही गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज डेवन कॉनवे के लिए. बाएं हाथ का बल्लेबाज जब फील्ड पर पहली बार सामना करने के लिए तैयार है, थोड़ा सा समय जरूर ले रहे हैं डेवन कॉनवे, माफ कीजिएगा गेंदबाज डैनियल सैम्स और कप्तान रोहित शर्मा फील्ड को सजाने में. डैनियल सैम्स शुरुआत बहुत अच्छा नहीं रहा इस सीजन का उनका, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वापसी की है काबिले तारीफ. और एक मुकाबला तो उन्होंने हारा हुआ मुकाबला जिताया था. इस ओवर की अगली गेंद इस बार पैड पर अपील कर रहे हैं, जोरदार अपील है, लेकिन ऐसा लग रहा है लेग स्टंप के बाहर निकलेगी, लेकिन अंपायर रविकांत रेड्डी नहीं मानते, उन्होंने आउट का इशारा कर दिया है. एक बार डेवन कॉनवे आउट दे दिए गए हैं और नॉट टू बोस्ट, लेकिन भाई पहले ही मैंने बोला था कि आज रन नहीं बनने वाले हैं. बिल्कुल, सॉरी, आई वांट रन्स बट सम थिंग्स आर बाउंड टू हैपन एट सम पॉइंट. और रिव्यू नहीं लिया, व्हाई रिव्यू नहीं लिया गया? He should have. रिव्यू लिया जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज DRS कांट बी टेकन. साहिल कपूर इज लेटिंग अस नो. थैंक यू साहिल. कांट हैव DRS ब्रदर, यू हैव टू गो नाउ. वी आर बैक इन 1998.
आज के मैच में डीआरएस नहीं है, पावर कट अभी नहीं स्टेडियम है, में अभी नहीं है, कह रहा है बिकॉज ऑफ अ पावर कट एट द स्टेडियम। हाँ, ये आईपीएल है भाई, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, इसमें इस तरीके के ये तो लेग स्टंप को मिस कर रही है, इकबाल ये लेग स्टंप को मिस कर रही है, और इसलिए अंपायर ने भी चौड़ में उंगली उठा दी, क्या करोगे भाई डीआरएस नहीं है। ये था अंपायर का एक्सप्रेशन मुस्कुराते हुए, शरीर और चेहरे के हिसाब से तू बैट्समैन है भाई, ये तो फाइनली चेन्नई को पहला झटका लग गया है पहले ओवर में ही, दूसरी ही गेंद पर, और डीआरएस उपलब्ध नहीं है। टॉस में भी विलंब हुआ था क्योंकि फ्लड लाइट्स जो जल रही होती है उसमें से एक टावर ऑफ हो गया था, तो टॉस भी 10 मिनट तकरीबन लेट हुआ था आज। लेकिन अब विकेट में भी जब डीआरएस उपलब्ध नहीं है तो सवाल तो उठना लाजमी है, और रविकांत रेड्डी का डिसीजन निश्चित तौर पर, इस पर कई सारे सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन अब जो हो चुका हो चुका। मोइन अली अब बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं, तीसरी गेंद का सामना करेंगे, और एक कॉमेंट आ रहा है लूसी फेक्स का कहना है कि सत्यम भाई की प्रेडिक्शन हमेशा सही होती है, क्योंकि मैं सर महीने में एक बार करता हूं इसलिए गलत करता हूं तो आप लोग भूल जाते हैं, सही करता हूं तो याद रखते हैं, साहिल की तरह हर बार करूंगा तो फिर आपको लगेगा यार ये गलत बोलता है हर बार, और हम में से किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि भविष्य जानते हैं, सब सर ऐसे ही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बट यार कितना अनफॉर्चुनेट है ये कि साफ तौर पर ये दिख रहा है कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर और एक्चुअली हम भी नहीं देख सकते ना, हम डीआरएस वहां नहीं है तो हमें भी नहीं दिखा रहे। इस ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, मोइन अली ने सीधे बैट से पुश किया गेंद को, पॉइंट की ओर कोई रन नहीं। इकबाल अब बल्लेबाजों के मन में ये होगा जो भी हो जाए भाई पैड पे बॉल नहीं लगनी, नहीं लगनी चाहिए, सही बात, क्योंकि कहीं भी लगेगी अंपायर तुरंत क्या बोला था तुमने पिछले मैच में, ये ले भैया हम आंकड़े तो दिखा सकते हैं, हमारा पार कट थोड़ी हुआ है, मोइन अली आंकड़े दिखाओ भाई। चलो भाई मोइन अली जी कहाँ हैं आप? ये रहे आपके पास ही है, बगल में बैठे हैं। ठीक है जी, ये लीजिए मोइन अली। 7 मुकाबले 130 रन, 18 की औसत, 128 का स्ट्राइक रेट। इस ओवर की चौथी गेंद के साथ बाएं हाथ से ओवर द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया, जाने दिया उसको विकेट कीपर के पास, वाइड का इशारा, तो ये दूसरा रन चेन्नई की पारी में, 2-1 चेन्नई का स्कोर 3 गेंदों के बाद। बट यार ये अनफॉर्चुनेट है किसी भी टीम के लिए, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और डीआरएस नहीं है, सत्यम हम रिप्ले तो देख सकते हैं। अरे क्लियर लेग स्टंप को मिस कर रहे यार, कहां गेंद जा रही है? अगर आप में से कोई जो हमारे श्रोता दर्शक है अगर कोई मुकाबला देख रहे हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि लेग स्टंप को मिस कर रहे थे। इस ओवर की चौथे गेंद, डैनियल सैम्स बाएं हाथ से ओवर द विकेट, शॉट थी पुल करने का प्रयास, पास में ही है, शॉट मिड विकेट कैच पूरा, दूसरा विकेट पहले ओवर के दौरान गिर गया है चेन्नई का। खराब शुरुआत इकबाल, बहुत खराब शुरुआत, बेहद खराब शुरुआत, इससे खराब शुरुआत और क्या ही हो सकती है कि आपने 2 रन पर 2 विकेट गंवा दिए हैं, पहला ही ओवर चल रहा है, 4 गेंदें डली हैं, और ये तो क्या था, शॉर्ट डिलीवरी पुल करना चाहते थे लेकिन अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाए, गेंद को अंततः छोड़ने का प्रयास किया था लेकिन जो मोमेंटम उन्होंने स्टार्ट कर लिया था वो स्टार्ट वो रोक ही नहीं पाए, और बस बल्ला लग गया और ऑन साइड में झूल गई गेंद मिड विकेट पर, और एक इससे आसान कैच मुझे नहीं लगता किसी फील्डर को मिल सकता है। कुमार कार्तिकेय बल्कि ऋतिक शौकीन वहां पर थे, उन्होंने गेंद को कैच किया और मोइन अली खाता खोले बगैर वापस चले गए। ऐसा लगा कि गेंद धीमी रफ्तार की बाउंसर थी और बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पाए उसको। धीमी थी? मुझे लगा नहीं ये धीमी थी, मुझे लगा धीमी रफ्तार की गेंद थी, ताकि तब बैट तक आते आते जो है वो समझ ही नहीं आया बल्लेबाज को, टाइम नहीं तो कर पाए, ये तो है, टाइम तो बिल्कुल नहीं कर पाए, और आई थिंक उनको समझ भी नहीं आया कि करना क्या है, असमंजस में थे, जिसकी वजह से वहीं पास में एक आराम से प्यारा सा कैच देकर वापस चले गए। मोइन अली इकबाल ओवर टाइम करना पड़ रहा है आपको, रॉबी रुदप्पा के आंकड़े दिखाइए। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, ये लो भाई रॉबिन उथप्पा के आंकड़े आपके स्क्रीन पे, 11 मुकाबले 229 रन, बीच में इनको ड्रॉप किया था राइट, बीच में मिडल ऑर्डर में, मिडल ऑर्डर बैटिंग क्रम में नीचे कर दिया था, वरना पहले ओपन कर रहे थे, मुकाबले सारे खेले, 11 मुकाबले 229 रन, 22 की औसत, 138 का स्ट्राइक रेट, 4 गेंदें, 2 रन और 2 विकेटें, नॉट अ गुड स्टार्ट फॉर चेन्नई, रिकवरी का फेज जल्दी से स्टार्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू इंश्योर कि आप पावर प्ले में आप कोई विकेट नहीं गंवा रहे हैं, 30-35 रन भी अब अगर आप पावर प्ले में बना लेते हैं यहां से कोई और विकेट गंवाए बिना, आई थिंक वो बहुत बेहतरीन काम होगा चेन्नई की ओर से, और वही इनका अब टारगेट होना चाहिए कि भाई कोई और विकेट नहीं गिरने देना है। बिल्कुल
लुसिफर कह रहे हैं कि आज सीएसके आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में है। कौन सा रिकॉर्ड आप लोग समझ रहे होंगे? हाँ, वो सबसे कम स्कोर वाला। ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा तो नहीं होगा। That's not going to happen. I don't want that. नहीं, बिल्कुल हम नहीं चाहिए। इस ओवर की पांचवी गेंद, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। इकबाल, इस पारी में अब तक 33% जो रन है, 33.33% रन जो हैं, वो अतिरिक्त के हैं। ये आज का यूजलेस स्टैट ऑफ द डे हमने यहीं पे आपको देख के नक्की कर दिया है। और यार क्या गणित है आपकी, वाह। थैंक यू इकबाल, थैंक यू। यार कुछ लोग टीमें दिखाने की मांग कर रहे हैं दोबारा से। देखिए यार, फ्री है नीतीश जी ने सिस्टम दिया है। चेन्नई की टीम आप लोग देख सकते हैं। इस ओवर की पांचवी गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं गेंदबाज डैनियल सैम्स, सामना करेंगे रॉबिन उथप्पा। एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर। अब मेरी गणित फेल हो जाएगी। वाइड का इशारा। ओ वेट वेट वेट, 75% ऑफ द रन। बहुत ही आसान है ये तो। आसान हो गया, मैं होपलेस हो गया एक सेकंड के लिए। मैंने कहा वेट भाई, चेन्नई की टीम आप लोगों ने देख ली होगी। अब मुंबई की टीम देखिए आप लोग। ये है मुंबई की टीम। आज मुंबई की टीम में एक बदलाव किया गया है। क्रिस्टियन स्टब्स को आज शामिल किया गया है डैनियल किरण पोलार्ड की जगह पर, और एक बदलाव ऋतिक शौकीन आए हैं मुर्गन अश्विन। डीआरएस के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो डीआरएस अभी नहीं है, कुछ तकनीकी व्यवधान है। अगली गेंद सैम्स की लाइन में सीधे बैट का प्रयोग, पुश किया उसको नॉन स्ट्राइकर के सामने आते हुए। सैम्स ने अपनी बाईं ओर जाकर उठा लिया, कोई रन नहीं, और स्कोर अभी भी 4-2 है चेन्नई का 5 गेंदों के बाद। डीआरएस अभी नहीं है क्योंकि स्टेडियम में लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसकी वजह से डीआरएस का जो सिस्टम है वो यूज़ नहीं किया जा पा रहा है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी क्रिकेट मैच में हम देख रहे हैं कि डीआरएस अवेलेबल नहीं है किसी टेक्निकल इशू की वजह से। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कई मरतबा हम ये देख चुके हैं। इस ओवर के अंतिम गेंद, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप की ओर जा रही थी, एंगल बना के गेंद, पुश किया उसको गेंद को पॉइंट की ओर, और एक रन मिल जाएगा। इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा अब 5-2। एक ओवर की समाप्ति हो गई है, पहले ओवर की समाप्ति हो गई है। गायकवाड़ 1-1 और 1-1 ही रॉबिन उथप्पा। तो इस ओवर में 3 वाइड गेंदें की गेंदबाज डैनियल सैम्स ने, लेकिन 2 विकेटें उन्होंने हासिल की और 5 रन कुल बने पहले ओवर में। बहुत अच्छी शुरुआत मुंबई की और बहुत ख़राब शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स की इस मुकाबले में हुई है। महेंद्र सिंह धोनी को बार बार दिखाया जा रहा है कैमरे पर, और महेंद्र सिंह धोनी हालांकि चेहरे से बहुत भावनाएं व्यक्त नहीं करते, लेकिन अंदर क्या चल रहा होगा वो हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी पहले ही कह चुके हैं, इफ वी डोंट मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो धोनी चल रहे हैं भाई, धोनी को फर्क नहीं पड़ता। धोनी हैज सीन इनफ, ही डजंट केयर, एंड आई गेट इट, एंड आई लव दिस अबाउट धोनी। जितना लोड लेना चाहिए ना उतना ही लेते हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ये बहुत अच्छी बात है। और यही उनके सफलता का राज भी है। और क्या, एक ओवर के बाद 5-2 विकेट के नुकसान पर चेन्नई की टीम की शुरुआत बहुत खराब रही। डेवन कॉनवे आउट होकर वापस जा चुके हैं दूसरी ही गेंद पर, और उसके बाद तीसरी गेंद पर आउट हुए दूसरे बल्लेबाज मोइन अली। तो रॉबिन उथप्पा 1 पर और ऋतुराज गायकवाड़ भी 1 पर मैदान पर मौजूद है। जसप्रीत बुमराह शुरू करेंगे अपना पहला ओवर। इस ओवर की पहली गेंद, 2 स्लिप्स हैं, 1 स्लिप एक आप क्या बोलेंगे इसको, एक बाल थर्ड स्लिप के आसपास खिलाड़ी है, गली थर्ड स्लिप के आसपास। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, छोड़ दिया उसको, जाने दिया विकेट कीपर के पास। चेन्नई का स्कोर है 5-2 1.1 ओवरों के बाद। देवव्रत राउत का कहना है कि अगर अभी डीआरएस अवेलेबल नहीं है तो सेकेंड इनिंग्स में भी डीआरएस की सुविधा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही, नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता ऐसा है कि जैसे ही डीआरएस अवेलेबल हो जाएगा वैसे ही उसको दोबारा यूज करना स्टार्ट कर देंगे। इस ओवर की दूसरी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर ब्यूटीफुल डिलीवरी जसप्रीत बुमराह की, बीट करती हुई रॉबिन उथप्पा को, बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ती हुई चली गई विकेट कीपर के पास। स्कोर 5-2 चेन्नई का 1.2 ओवरों के बाद। याद कीजिए पिछला मुकाबला जब 5 विकेटें ली थी 10 रन देकर अपने 4 ओवरों में जसप्रीत बुमराह ने कोलकाता के खिलाफ, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की थी, शॉर्ट गेंदों पर सारे वो विकेट उनको मिले थे। आज दोबारा से हम जसप्रीत बुमराह से अगजनी की उम्मीद कर रहे हैं। इकबाल सही बात है यार, बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी की थी पिछले मुकाबले में। अगली गेंद बार ऑफ स्टंप के बाहर, फॉरवर्ड आकर ड्राइव करना चाहते थे, पूरी तरह से चूके, बाल बाल बच गए हैं रॉबिन उथप्पा। बल्ला बहुत ज्यादा दूर नहीं था, गेंद चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। 2 खिलाड़ी स्लिप में तैनात किए गए हैं और वहां पर किसी भी एज को पकड़ने के लिए मुस्तैद 2 खिलाड़ी थे,
लेकिन किस्मत अच्छी है रॉबिन उथप्पा की कि उन्होंने बल्ला चलाया जरूर लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं। इस प्रकार से अभी भी स्कोर 5, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अगली गेंद के साथ बुमराह तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, सामने है रॉबिन उथप्पा और इस बार गेंद जाकर पैड पर टकराई, अपील जोरदार, LBW की आउट। तीसरा विकेट गिर गया है चेन्नई का 5 की रन संख्या पर। DRS नहीं है, मुंह ताक रहे हैं रॉबिन उथप्पा अंपायर का और जाना पड़ेगा अब उनको। अब मुंबई की टीम भी सोच रही है जितने जल्दी विकेट ले लो क्योंकि DRS आ जाएगा। नहीं, तो विकेट नहीं ले लो, जितने पैड पे बॉल मार सकते हो उतने मार लो। और का ही था कि पैड पे बॉल लगेगी अंपायर आउट देगा। यहाँ भी ये आउट था या नहीं था मैंने देखा नहीं, मुझे लग रहा है ये तो बहुत क्लोज था, लेकिन पिछला तो खैर माशाल्लाह ये बहुत क्लोज था। गेंद टप्पा खाने के बाद हाँ आउट है यार, एक बार ऑफ स्टंप के लाइन पर थी और विकेट को शायद हिट कर जाती गेंद, लेकिन DRS होता तो हम हाइट के बारे में भी बात करते, लेकिन यहाँ कोई फायदा नहीं है। नहीं है, नी रोल के आसपास गेंद जाकर टकराई थी। रॉबिन उथप्पा को जाना पड़ेगा, एक रन बना करके जा रहे हैं। और लेकिन इस ओवर में जिस तरीके से उन्होंने खेला था रॉबिन उथप्पा ने बुमराह को, सत्यम हर एक गेंद पर बीट होते हुए नजर आए और ये विकेट मिल जाना मुझे लगता है कि बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि बहुत परेशान किया था अपनी पहली 3 गेंदों पर जसप्रीत बुमराह ने। आज ये बैट बॉल नहीं पैड बॉल खेल रहे हैं, साहिल कपूर कह रहे हैं, सही बात है। तो इकबाल जितनी बार आज पैड पे बॉल लगी है उतनी बार अंपायर ने उंगली उठा दी है। हाँ, इसके अलावा कब पैड पे बॉल लगी है जब अंपायर ने उंगली नहीं उठाई। सही बात है यार, भाई बैट का यूज़ करिए, पैड तो बिल्कुल आड़े आना ही नहीं चाहिए। आज अंपायर चौड़ में है भाई, उनको आज लाइसेंस मिला हुआ है कि जो मनाए करो, कोई कुछ नहीं कह सकता। और एक्चुअली अब जो ये विकेटें गिर रही हैं, आउट तो हो गया बल्लेबाज, बाद में भले ही दिख भी जाए कि वो लेग स्टंप को मिस कर रही थी, हाइट है बॉल पे, कुछ भी है, तो वो बैट्समैन वापस थोड़ी बुलाया जाएगा। और एक्चुअली आपको मैच ख़त्म होते होते पता चल भी जाएगा, जब DRS वापस आ जाएगा तो इन डिसमिसल्स पे भी उसको अप्लाई किया जाएगा और देखा जाएगा गेंद कहाँ जाने वाली थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। 1.4 ओवरों के बाद 5-3 चेन्नई का स्कोर, तो हर विकेट के लिए 2 से कम रन बना रही है चेन्नई की टीम। इस हिसाब से कितने रन बनेंगे अंकुश? कम बनेंगे, थोड़े ज़्यादा बनाओ भाई, इतने में काम नहीं चलेगा बाबा। और आज साहिल कपूर नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, हो पैड पे गेंद लगने वाली थी, सीधे बैट से खेल दिया वापस गेंदबाज की ओर अंबाती रायडू ने, कोई रन नहीं। 5-3 चेन्नई 1.5 ओवरों के बाद। अब DRS नहीं है, अंपायर फॉर्म में है, तो इकबाल हमें भी थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अब भाई हमें भी पैड पे ध्यान ज्यादा देना है बैट से। सही बात है यार, अंबाती रायडू इस वक्त मैदान पर हैं और पहली कोशिश ये होगी अंबाती रायडू की कि पैड पर बॉल पैड पर गेंद ना लगने दिया जाए। आखिरी गेंद के साथ जसप्रीत बुमराह तैयार है, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, अब तक इस ओवर में एक भी रन नहीं दिया उन्होंने, अंदर की तरफ आई ऑफ स्टंप के बाहर से, छोड़ दिया इस गेंद को, जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में, विकेट में डन ओवर रहा ये जसप्रीत बुमराह। वाह जी वाह यार, तालियां हो जाए एक बार। 2 ओवर के बाद हमारे बुमराह भाई 3 विकेट के नुकसान पर चेन्नई। मैच से पहले पिच रिपोर्ट बताई गई थी मैथ्यू हेडन के द्वारा और उसमें उन्होंने कहा था कि इस विकेट पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, घास का अच्छा कवर है और स्पिनर यहाँ पर कुछ खास नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस विकेट में टर्न बिल्कुल भी नहीं होगा। और 180 बनाने के बाद भी टीमें सुनिश्चित नहीं हो सकती, अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं, उसके बाद भी वो स्कोर चेज किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में पहले 2 ओवर जो हमने देखे हैं बिल्कुल उसी के अनुसार नज़र आ रहा है, पहले डेनियल सैम्स की गेंदबाजी और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने, तो 2 जो IPL के लेजेंड में से एक कह सकते हैं क्योंकि रॉबिन उथप्पा बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं और उनके साथ अंबाती रायडू, इन दोनों को परेशान किया अपने पहले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने। मेडन ओवर 1 विकेट लेकर 2 ओवरों के बाद 5-3 विकेट के नुकसान पर। और अब सैम्स इस ओवर की शुरुआत कर रहे हैं, इस बार फिर से गेंद स्टंप लाइन पर थी लेकिन उसको फ्लिक किया, गेंद फाइन लेग पर पहुंचेगी बुमराह के पास, रन लेने का मौका है। 6-3 विकेट के नुकसान पर, अब हर विकेट के लिए 2 रन बन रहे हैं। अब 2 पे आ गया, सुधार हुआ है, यस इंप्रूवमेंट। डेविन कॉनवे अनलकी, ऐसा लगा गेंद लेग स्टंप को मिस कर जाती लेकिन गेंद पैड पे टकराई थी और अंपायर की उंगली उठ गई थी। उसके बाद मोइन अली एक शॉर्ट गेंद पे शॉर्ट मिड विकेट पे कैच थमा के आउट हुए थे और अभी लास्ट ओवर में रॉबिन उथप्पा आउट हुए जसप्रीत बुमराह की गेंद पर, वो मुझे लगा कि आउट हैं। इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बाएं हाथ से ओवर द विकेट सैम्स, छोटी गेंद छोड़ दिया, जाने दिया उसको विकेट कीपर के पास। ओवर की एक
जायज बाउंसर का इशारा अंपायर का आ रहा है। 6-3 स्कोर अभी भी चेन्नई का 2.2 ओवरों के बाद। इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तालियां। द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। सही बात है यार। अच्छा, वो पिछले जो कुछ विकेट गिरे उस पर वो दिखाए जाएंगे कि नहीं हमें? हाँ, आप दिखाए जाएंगे, आप दिखाए जाएंगे। काम चालू है, काम चालू है। इस ओवर के अब तीसरी गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं गेंदबाज डैनियल सैम्स। सामना करेंगे अंबाती रायडू। ऑफ स्टंप के लाइन की गेंद को हल्के हाथों से धकेला ऑफ साइड में, पॉइंट पर गेंद गई, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 6-3 विकेट के नुकसान पर चेन्नई। बल्लेबाजों को इस बात की तला दी गई है कि नहीं कि भाई DRS अब है, दुख दुखी लेके मत खेलो? नहीं, आई एम श्योर बता दिया गया होगा। अगर हमें ये बात पता चल गई है तो आई एम श्योर उनको ही पता चल गया होगा। तो फिलहाल अंबाती रायडू 0 पर और ऋतुराज गायकवाड़ 2 पर बैटिंग करते हुए। इस ओवर की चौथी गेंद डेनियल सैम्स की तरफ से। जिस तरह से इनकी IPL में शुरुआत हुई थी बहुत ही खराब, पैट कमिंस ने तो एक ओवर में 30+ रन बटोर दिए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की वापसी उन्होंने की है दोबारा से एक बार ड्रॉप होने के बाद, इस बार पैड पर गेंद फ्लिक किया, गेंद पहुंची है सीधे स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के पास जो अंपायर के ठीक पास में है। रन लेने का मौका नहीं है। 6-3 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर के बाद 2 विकेट LBW के तौर पर आउट हुए। पहले आउट होने वाले बल्लेबाज रहे डेवन कॉनवे और उसके बाद बारी आई नंबर 3 के बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा की, और उससे पहले बीच में मोइन अली एक शॉर्ट पिच गेंद को सही तरीके से संभाल नहीं पाए और असमंजस की स्थिति में थे उस गेंद को खेलते वक्त। इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ सामने स्ट्राइक पर ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, अंबाती रायडू हैं, और उन्होंने गेंद को जाने दिया ईशान किशन के पास। रन लेने का फिर से कोई मौका नहीं, तो एक और बढ़िया ओवर घटित होता हुआ मुंबई के लिए। सैम्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और जबकि मुंबई की टीम के लिए इस सीज़न अब कुछ खास बचता नहीं है। यहाँ से जो पॉजिटिव कुछ लेकर अगले सीजन के लिए टीम जाएगी जी। कुछ युवा खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन जो उन्होंने किया है और आगे भी 2-3 मैच जो बचे हैं उसमें करेगी, तो निश्चित तौर पर आने वाले मैचों में, आने वाले सीजन में उन्हें फ़ायदा होगा। इस ओवर के अंतिम गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट, स्टंप्स की लाइन में सीधे बैट से पुश कर दिया वापस उसको गेंदबाज की ओर, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 6-3 चेन्नई का 3 ओवरों के बाद। इकबाल भाई जी, भाई बताएं जरा मुझे जी, ये हमें क्रिकेट्स पे और 6 ओवरों में 27 के नीचे या 27 के ऊपर? अभी क्या है, अभी कितना है? 6 है। हाँ, नो कर देते हैं भाई। हम अभी क्रिकेट्स पे खेल रहे हैं, अगर आप भी खेलना चाहते हैं हमारे साथ तो क्रिकेट्स पे जाइए। हमारे हिसाब से 26 तक बनने वाला है पहले 6 ओवरों में जी। अगर 26 से ज़्यादा बन जाएंगे तो हम हार जाएंगे, और अगर 26 रन बन जाते हैं, 26 तक रन बनते हैं तो हम जीतेंगे। आप लोग भी कर सकते हैं, ये जाकर क्रिकेट्स पे देख सकते हैं आप, ये क्रिकेट्स है और यहाँ आप भी खेल सकते हैं, ढेरों इनाम जीत सकते हैं। तो खेलते रहिए और जीतते रहिए क्रिकेट्स पे, और लेट्स सी कि अब क्या होता है। पहली गेंद पे चौका लग गया इकबाल, यहाँ इस नए ओवर की फॉरवर्ड आकर ड्राइव कर दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर की ओर, गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंचती हुई 4 रनों के लिए। मिड ऑफ का जो फील्डर था उसको लगा कि गेंद अब इस बार भी पैड पे ही टकराने वाली, तो एकदम रिलैक्स थे वहाँ। वो कोई किसी प्रकार का एंटिसिपेशन दिखा ही नहीं कि वो वहाँ गेंद उनकी तरफ आ रही है, और हुआ ये कि मिड ऑफ के बगल से गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर हो गया है अब 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर मुंबई, बल्कि चेन्नई का। फ्रंट फुट पर आकर बढ़िया ड्राइव खेला ऋतुराज गायकवाड़ ने। ऋतुराज गायकवाड़ 6 पर बैटिंग कर रहे हैं 2 स्लिप के साथ। जसप्रीत बुमराह दाहिने हाथ से ओवर द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर, शॉर्ट डिलीवरी, छोड़ दिया इस गेंद को, जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में गायकवाड़ ने, और इस गेंद पर कोई रन नहीं। यह IPL में तीसरा मौका है जब चेन्नई की टीम ने अपने पहले 3 विकेट 5 रन से कम के स्कोर पर गंवाए हैं, और तीनों बार ये मुंबई के खिलाफ ही उन्होंने किया है। तो दोबारा बताइए, मैं जोन आउट था। एक्चुअली चेन्नई की टीम के लिए पहला मौका है, तीसरा मौका है जब उन्होंने 5 रन या उससे कम में अपने 3 शुरुआती विकेट गंवाए हैं, और तीनों बार मुंबई के खिलाफ ही ऐसा हुआ है। इंटरेस्टिंग, ये जानना होगा कि एक भी जीते हैं या नहीं उससे पहले। इस ओवर की तीसरी गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार रिब केज के आसपास की गेंद थी, ऑफ स्टंप की लाइन पे पुश किया उसको ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर डैनियल सैम्स के पास। एक सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ चेन्नई 11.3 ओवरों के बाद 3.3 ओवरों के बाद DRS अब अवेलेबल है। हमारे कमेंट सेक्शन में भी लोग बता रहे हैं यस, DRS अब अवेलेबल है। कमेंट सेक्शन में ये मांग हो रही थी कि मैच फिर शुरू करो। ऐसे तो नहीं हो पाएगा।
जिंदगी में कंट्रोल सेट होता तो भाती क्या होती। इस ओवर की चौथी गेंद आ रही है, सामने होंगे अंबाती रायडू। 7 गेंदें इकबाल खेल चुके हैं और खाता भाई साहब का नहीं खुला अभी तक। बिल्कुल, काफी मुश्किल स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं अंबाती रायडू, और जाहिर सी बात है कि प्रेशर तो होगा, लेकिन प्रेशर को रिलीज करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगली गेंद बुमराह की, और इस बार इस गेंद को तिरछे बल्ले से खेल दिया, दूसरे स्लिप और शॉट थर्ड मैन के बीच में, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट इस बार भी, जानते थे कि ये गैप है और उसका इस्तेमाल करते हुए अंबाती रायडू खाता खोला उन्होंने 8वीं गेंद पर जाकर, और 15-3 विकेट के नुकसान पर। तो मुझे लगता है, और मैं बोलने वाला था कि प्रेडिक्शन जो 27 का है वो गलत साबित होने वाला है। एक ऋतुराज भाई हैं, उन्होंने भी कहा है कि 34 रन बनेंगे पावर प्ले के दौरान, देखते हैं क्या कुछ होता है। रोहित शर्मा हालांकि इस बार आशामंद थे कि गेंद उनके पास या किसी खिलाड़ी के पास ही पहुंचेगी, लेकिन गैप में गेंद गई और इन 4 रनों के साथ चेन्नई की टीम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर चुकी है। इस ओवर की अगली गेंद शॉर्ट बॉल, उसको शफल करते हुए पुल करने की कोशिश की, लेकिन अंपायर ने वाइड का इशारा नहीं किया। अंबाती रायडू पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती थी, लेकिन अंपायर ने सही इस बार फैसला दिया है, स्टंप्स के ऊपर से गेंद निकली। लेकिन अंबाती रायडू इस वजह से खफा दिखे थोड़े कि भाई ये वाइड थी, तो उनका ये कहना है कि मेरे शरीर से ऊपर से गई है, लेग स्टंप के बाहर से नहीं गई है। अब देखिएगा अगर रिप्ले दिखाएंगे, लेकिन अंपायर के निर्णय से और अंपायर के ऊपर खफा होना चेन्नई वालों का भी बनता भी है। इस ओवर की अब अंतिम गेंद आ रही है, सामने होंगे और रायडू एक और चौका उन्होंने जड़ दिया है। शॉर्ट गेंद थी, टॉप एज लगा और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। इस चौके के साथ अब चेन्नई 17 पे 3-4। चौका नहीं मिला ये लग रहा है, बढ़िया अच्छी कोशिश थी और डाइव लगाकर वहां पर खिलाड़ी हैं जिन्होंने गेंद को रोका, रायली मेरेडिथ, और 2 ही रन लिया गया। तो 17 पे 3 चेन्नई का स्कोर हो गया है 4 ओवरों के बाद। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा और 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए। 17-3 विकेट के नुकसान पर सीएसके 4 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद। इस वक्त अच्छी शुरुआत इसको बिल्कुल नहीं कह सकते चेन्नई की टीम की, क्योंकि चेन्नई ने अपने 3 विकेट बहुत जल्द गंवाए हैं। और विकेट किन किन का गिरा है, पहले डेवॉन कॉनवे, इसके बाद विकेट गिरा मोइन अली का, और फिर विकेट गिरा है बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा का। तो कुल मिलाकर के इस वक्त 3 खिलाड़ियों का नुकसान चेन्नई की टीम को, और दबाव पूरी तरह से चेन्नई के ऊपर है इस मुकाबले में। इस ओवर की शुरुआत हो रही, नए ओवर की शुरुआत, डैनियल सैम्स आ रहे हैं बाएं हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, कॉट बिहाइंड की अपील, और इसके साथ ही आउट करार दिया गया है ऋतुराज गायकवाड़ को। लेग स्टंप के बाहर बहुत ही खराब गेंद, पीछा किया उस गेंद का फ्लिक करने के लिए, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और चली गई विकेट कीपर ईशान किशन के दस्ताने में। 17 पर 4 झटका चेन्नई सुपर किंग्स को, और क्लियरली बैट पर बॉल लगी है। नहीं लगी होती तो अब DRS अवेलेबल है, आप ले सकते थे रिव्यू, लेकिन रिव्यू नहीं लिया गया है तो वापस जाना पड़ेगा ऋतुराज गायकवाड़ को। खराब गेंद पे आउट हुए हैं, छोड़ देते वाइड गेंद होती यार, ये तो आज की सबसे बड़ी वाइड गेंद है जिसपे अपना विकेट उन्होंने गवा दिया। क्लियरली इकबाल चेन्नई का दिन नहीं है, जिस तरीके की अंपायरिंग उनके खिलाफ हुई है, जिस तरीके का स्ट्रोक प्ले हुआ है, क्लूलेस नजर आ रही है समय चेन्नई की टीम। नॉट गुड डे फॉर चेन्नई सो फार। 7 रन बनाकर 6 गेंदों पर ऋतुराज आउट, 17 पे 4 चेन्नई 4.1 ओवरों के बाद। और डेनियल सैम्स के आंकड़े देखिए, 2.1 ओवर, 3 विकेट, 6 रन देकर, तो कमाल की गेंदबाजी उनके तरफ से हुई है। हालांकि एक बार अंपायर का भी साथ मिला, एक बार बल्लेबाज ने अपने तरफ से गलती की, लेकिन कुल मिलाकर नफितुलित संतुलित गेंदबाजी उनके तरफ से उस विकेट पर जहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने के पूरे आसार जताए गए थे, और ऐसा हो भी रहा है। 17-4 विकेट के नुकसान पर, तो ऐसा लगा था कि 3 विकेट गिरने के बाद एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश हो रही है अंबाती रायडू और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच, लेकिन ये पार्टनरशिप केवल 2 ओवरों का ही मेहमान था। और उसके बाद जैसे ही 5वें ओवर की शुरुआत हुई, पहली ही गेंद पर आउट हो गए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़। लेकिन अब कौन आ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए, महेंद्र सिंह धोनी। भाई थोड़ी देर स्लो बैटिंग कर लीजिए, हम क्रिकेट्स पे जीत जाएंगे, उसके बाद तेज खेलिएगा। कितने का हमने किया था प्रेडिक्शन, 26 तक अगर होता हाँ, है तो हम जीतेंगे। 26 तक अगर होता है तो जीतेंगे यार, एक ओवर एक गेंद रहती है, जीतने के चांसेस तो हैं। इकबाल जीतने के चांसेस हैं, किनारे उनारे लग जाए तो अलग बात है, नहीं तो अब ये कुछ देर सुस्ती बैटिंग करेंगे। धोनी आए हैं तो अभी इसको संवारने की कोशिश करेंगे, अभी जो तो बिल्कुल बिखरा हुआ तो है। मुंह छुपा के क्यों बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा था, ऐसा लग रहा है प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद को। बोल मैं काफी खुश हूँ क्योंकि धोनी की बैटिंग देखने को मिलेगी। बहुत देर तक धोनी बैटिंग कर सकते हैं आज,
सबसे जल्दी आए हैं बैटिंग करने इस सीजन, इससे पहले धोनी को बैटिंग करने के लिए आते नहीं देखा हमने इस ओवर। अभी जो है धोनी यही करेंगे, गेंद को ब्लॉक करेंगे, अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर। इस बार धोनी जो है ऋतुराज गायकवाड नहीं है स्टूल लेके कि वो गेंद को पीछा करें, और एक अतिरिक्त रन मिला इस वक्त चेन्नई को। चेन्नई का स्कोर 18 चार विकेट के नुकसान पर। फिलहाल बड़ा दबाव इस वक्त चेन्नई के ऊपर नजर आ रहा है। शुक्रिया अंकुश। महेंद्र सिंह धोनी के आंकड़े, 232वां मैच है ये आईपीएल में इनका। बहुत वरिष्ठ खिलाड़ी, बहुत बड़े खिलाड़ी, और हमारे एक बहुत ही उदयमान तगड़े खिलाड़ी आ गए हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। कौन है आप, चेहरे से पहचानते हैं। अगली गेंद ऑफ स्टंप के सामने, इस गेंद को सुरक्षात्मक ढंग से खेल दिया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर अभी भी 18 चार विकेट के नुकसान पर। सत्यम भाई अधीर ना होइए तो इकबाल भाई साथ जुड़ गए हैं, राज बाबू स्वागत आपका। धन्यवाद और नमस्कार सभी दोस्तों का। और इकबाल भाई, लाइट स्टेडियम में गई और अंधकार चेन्नई के डगआउट में छा गया। तो क्या बात, डेनियल सैम्स गेंदबाजी करने के लिए तैयारी। ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर काफी तेज गति के साथ बाहर की ओर निकली। महेंद्र सिंह धोनी ने अंतिम समय पर गेंद को जाने दिया और अंत तक निगाहें बनाए रखी बॉल पर, और यही तो उनकी खासियत है। 18 चार विकेट के नुकसान पर संभल कर बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन एक खास बात है डेनियल सैम्स की भी, कि जो भी बल्लेबाज आया है, जिन्हें भी उन्होंने आउट किया, उसके बाद जो नेक्स्ट बैट्समैन है उसका वाइड से स्वागत किया है पहले। यार देखो, अब हम लोग चाहे जितना इम्प्रोवाइज कर ले, जो मास्टर क्लास था आज के दिन का वो आ चुका है। आ चुका है बिल्कुल। लाइट गई मुंबई में, अंधेरा चेन्नई के डगआउट। वाह, चिंता की बात कोई नहीं है, धोनी आ गए हैं, अब माहौल बनेगा थोड़ा सा। सैम्स की लाइन में गेंद थी, धोनी ने ढीले हाथों से गेंद को पुश किया ऑन साइड में स्क्वायर लेग की, और दूसरे के लिए पलटना चाहेंगे निश्चित तौर पे, और दो रन पूरे भी हो जाएंगे। इन दो रनों के साथ चेन्नई का स्कोर हो जाएगा 20-4 4.4 ओवरों के बाद। महेंद्र सिंह धोनी ने खाता खोल लिया इस डबल के साथ, और तीन गेंदों का उन्होंने सामना किया है, जबकि अंबती रायडू है 6/10 गेंदों का सामना करके। डेनियल सैम्स 2.4 ओवर की गेंदबाजी, 9 रन देकर 3 विकेट ले चुके हैं और पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है चेन्नई के टॉप ऑर्डर को। अभी ऐसी स्थिति में कहां तक पहुंच पाएगी चेन्नई की टीम, एक बड़ा सवाल है, और उसका जवाब देने के लिए जो खिलाड़ी अभी मैदान पर मौजूद है, उससे बेहतर ऑप्शन कोई और नहीं हो सकता। लेग स्टंप के बाहर एक और दिशाहीन गेंद, डेनियल सैम्स दिशा से खूब भटके हैं, लेकिन साथ में विकेट भी उन्होंने निकाला है। राज, इस शुरुआत पर क्या कहेंगे आप चेन्नई की? यार शुरुआत तो बहुत खस्ता है चेन्नई की, तो नो डाउट चेन्नई यहाँ से काफ़ी मुश्किलों में है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आज चेन्नई धीरे धीरे करते करते 150 तक पहुँच जाएगी। तो ठीक है, अगर पहुँच जाती है तो सही चांस मिल जाएगा उनको। वैसे यहाँ किस तरीके के स्कोर्स बनते हैं कुछ? यहाँ अनुमान जैसा लगाया गया है कि 175 प्लस का स्कोर भी सेफ नहीं है। इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार थे डेनियल सैम्स, लेकिन उनको धोनी ने रोक दिया। वापस उनको अपने बॉलिंग मार्क पर जाना पड़ेगा। पिछले पांच मुकाबलों में इकॉनमी 7.7 की रही और 7 विकेटें ली हैं डेनियल सैम्स ने, जबकि पहले तीन मुकाबलों में 1 विकेट मिला था और 12.6 की इकॉनमी थी। तो क्लियरली फॉर्म बेटर हो गया है पिछले पांच मुकाबलों के दौरान डेनियल सैम्स का। ज़हीर खान और शेन बॉन्ड दिखाए जा रहे हैं स्क्रीन पे, निश्चित तौर पे इनका भी योगदान होगा इसमें। 21/4 चेन्नई 4.4 ओवरों के बाद। पांचवी गेंद इस ओवर के लेकर तैयार सैम्स, बाएं हाथ से ओवर द विकेट ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को धोनी ने ड्राइव कर दिया है, और हम हारते हुए एक बार फिर से 25/4 चेन्नई का स्कोर हो गया 4.5 ओवरों के बाद। पावर प्ले के दौरान ऐसे भी महेंद्र सिंह धोनी कितनी मर्तबा बल्लेबाजी के लिए आते हैं, बहुत कम, और यहाँ जब मौका मिला है तो सुई में धागा पिरो रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है कि चेन्नई पावर प्ले के दौरान आए हो? नहीं, मुझे याद तो नहीं, कभी हुआ होगा, कभी ना कभी हुआ होगा, इस सीजन तो पहली बार हुआ है और मे भी आखिरी बार। हाँ, चेन्नई की टीम खराब खेलती रही है, मतलब पहली बार ऐसा नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आज महेंद्र सिंह धोनी ने एक चौका लगा दिया। इकबाल भाई आपने देखा नहीं, लेकिन बहुत बेहतरीन शॉट था, दोबारा दिखाया जाएगा। हाँ, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार सीधे बैट का प्रयोग, पुश किया उसको वापस गेंदबाज की ओर, गेंद हाथ में टकराई नॉन स्ट्राइकर एंड पे, स्टंप्स पे लगने वाली थी, लगी नहीं, और ओवर खत्म हो गया। स्कोर हो गया है 5 ओवरों के बाद 25/4 चेन्नई का, रायडू 6/6 और 6/6 ही महेंद्र सिंह धोनी। अगला ओवर मिडन ओवर चाहिए सत्यम भाई। हाँ यार, तभी जीत पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा।
राइडू 6 पर और 6 पर महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। डैनियल सैम्स ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, दिशा से भटके हुए कई मौकों पर नजर आए, लेकिन इसके बावजूद भी 14 रन देकर के उन्होंने 3 सफलताएं हासिल की। 4 विकेटें जो चेन्नई की गिरी हैं, उन 4 में से 3 सफलताएं डैनियल सैम्स को, और 1 विकेट मिला है जसप्रीत बुमराह को। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है चेन्नई की, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को ऊपर आना पड़ा बल्लेबाजी करने के लिए चाहे जिन भी परिस्थितियों में। ये फैंस के लिए अच्छी खबर है, कम से कम महेंद्र सिंह धोनी को ज़्यादा समय तक बल्लेबाजी करते हुए वो देख सकते हैं अगर वो नॉट आउट रहते हैं। तो गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है और रायली मेरेडिथ आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद के साथ दौड़ना शुरू किया मेरेडिथ ने, ब्लॉक होल पर पहली गेंद, सुरक्षात्मक ढंग से इस गेंद को मिड ऑन की ओर खेला गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 25 से 1 विकेट के नुकसान पर चेन्नई, रायडू 6 पर 11 गेंदों का सामना करने के बाद, और धोनी 6 पर ही वो भी बल्लेबाजी कर रहे हैं 5 गेंदों का सामना करने के बाद। अभी तक 4 विकेट चेन्नई की टीम गंवा चुकी है 25 रन के स्कोर पे। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है और गेंदबाजी करने के लिए रायली मेरेडिथ को लाया गया है, जिन्होंने इस सीजन कमाल की गेंदबाजी की है। जिस समय इनको लाने की मांग उठ रही थी उस समय मुंबई की हालत बहुत खस्ता थी, जब से टीम में शामिल किया गया है गेंदबाजी में एक अलग तरह का पैनापन नजर आ रहा है मुंबई के, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जीत दर्ज करने में कामयाब ये टीम नहीं हुई है। ऑफ स्टंप के बाहर हवा में लहराती हुई गेंद सीधे पहुंची है कवर पॉइंट के खिलाड़ी के पास, रन लेने का फिर से कोई मौका नहीं 25 4 विकेट के नुकसान पर। संभव है कि जो 2 LBW की जो अपील की गई, सॉरी आउट हुए थे बल्लेबाज और DRS काम नहीं कर रहा था, उसका रिव्यू उपलब्ध ना हो। अच्छा, वो अब नहीं दिखाया जा पाएगा, हो सकता है ऐसा। 25 4 विकेट के नुकसान पर 5.2 ओवर के बाद, हालांकि दिखाया जाना चाहिए, बिल्कुल दिखाया जाना चाहिए। हॉकी काम नहीं कर रहा था एक्चुअली। अच्छा, तो वो आप बाद में भी तो कर पाएंगे, ऐसा थोड़ी कि वो तब नहीं हुआ तो बाद में कभी होगा ही नहीं। इस ओवर की 3री गेंद, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पे करारा प्रहार, खड़े खड़े गेंद को निकाल दिया पॉइंट, कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए अंबाती रायडू ने। शानदार खेलते हैं इस तरह की गेंदों को बैकफुट पर अंबाती रायडू, बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा मूव हो रही थी, लगभग अपने स्थान से खड़े खड़े इस गेंद को खेल दिया था बल्लेबाज ने और गेंद चली गई थी कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के साथ रायडू अब 10 पर पहुंच गए हैं और स्कोर हो गया है 29 4 विकेटों के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स का। इस ओवर की अब 4थी गेंद के साथ रायली मेरेडिथ तैयार हैं, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अंबाती रायडू के लिए, बैकफुट पर पहले से हटके तैयार थे, कॉट बिहाइंड की अपील अंपायर ने स्वीकार कर ली है और 5वां विकेट चेन्नई सुपर किंग्स का गिर गया है 29 की कुल रन संख्या पर। आधी टीम चेन्नई की पवेलियन में विश्राम करने के लिए जा चुकी है और यहाँ पर रिव्यू भी नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अंडर एज उन्होंने दे दिया है। सिर झुलाते हुए वापस मैदान के बाहर जा रहे हैं अंबाती रायडू, डिसअपॉइंटेड हैं काफी। 10 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना किया, समझ नहीं आया उन्हें कि करना क्या है इस गेंद पर। अंत में पहले गेंद को शॉट खेलना चाहते थे, फिर अंतिम समय में डिफेंड करने की सोची और उस बीच में गेंद बल्ले को चूमती हुई निकल गई विकेट कीपर के पास। मेरेडिथ को पहली सफलता मिल गई है और रायडू निराश कदमों के साथ वापस अपने डगआउट की तरफ रास्ता नाप चुके हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए ऑप्शन क्या है, शिवम दुबे अभी है, अब शिवम दुबे बनाएंगे रन बनाएंगे आज, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पार्टनरशिप होगी धोनी और शिवम दुबे के बीच में। इतने क्रिकेट मैचेस देखे हैं, क्या होता है 5 विकेटें 29 पे गिर जाएं तो उसके बाद एक साझेदारी बनती है क्योंकि बैट्समैन के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं होता तेज खेलने का, वो आके खड़े हो जाते हैं और एक बार आप जम जाएंगे तो रन बनेंगे उसके बाद, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ रन नहीं बन सकते हैं। अनप्लेएबल एक भी गेंद नहीं देखी हमने इस पारी के दौरान, ऐसा कुछ नहीं है इस पिच पे कि मतलब बैटिंग आप कर ही नहीं सकते। शिवम दुबे आगे आंकड़े दिखा पाएंगे एक बार, शिवम दुबे बाएं हाथ के बल्लेबाज, शुरू में बहुत प्रचंड फॉर्म था लेकिन उसके बाद फॉर्म खो गया शिवम दुबे का। अब जबकि जडेजा नहीं है तो दोबारा से इनको खेलने के मौके मिल रहे हैं इस सीजन, 9 मुकाबले 34 के औसत 160 का स्ट्राइक रेट। फिलहाल स्कोर 5.4 ओवरों के बाद 29 पे 4 है चेन्नई की टीम का और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का मुंबई का फैसला एकदम बेहतरीन साबित होता हुआ। बिल्कुल यार, बहुत सही फैसला रहा है और उस फैसले पर 4 चांद लगा दिया DRS ने। पहला विकेट अगर दूसरी बॉल पर ही ना गिरता तो शायद कहानी कुछ और भी हो सकती थी, लेकिन जिस प्रकार से विकेट गिरा डेवॉन कॉनवे का, पहली ही गेंद वो खेल रहे थे, इसके बाद
एक पतझड़ सा हमने देखा है अब तक विकेटों का। 5 विकेटें महज़ 29 रन पर। रायली मेरेडिथ इस ओवर की अब 5वीं गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं, सामना करेंगे बल्लेबाज शिवम दुबे। और इस बार शिवम दुबे ने इस गेंद को ऑन साइड में फ्लिक किया, मिड विकेट की दिशा में। गेंद के पीछे पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं। ऋतिक शौकीन ने गेंद को उठाकर थ्रो किया, लेकिन इधर दौड़ करके 2 रन पूरे कर लिए गए और इन 2 रनों के साथ स्कोर हो गया है 31 CSK का 5 विकेट के नुकसान पर। लड़के की हिम्मत देखिए आपने, धोनी को आउट कर रहा था, रन आउट लेकिन धोनी पहुंच गए थे सही समय पर, गलत जगह पे मार दिया, उधर मारना चाहिए था तो कुछ चांस भी बन जाता। 34वां मुकाबला, 678 रन, 134 का स्ट्राइक रेट। शिवम दुबे इससे पहले राजस्थान की टीम का हिस्सा थे और इस बार चेन्नई की टीम ने ऑक्शन में उन्हें खरीदा। शुरुआत बहुत बढ़िया रही इनकी, लेकिन उसके बाद फॉर्म इन्होंने खो दिया, लेकिन दोबारा से वापसी हुई है जब रविंद्र जडेजा टीम के बाहर गए हैं चोटिल होने की वजह से। 31 5 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की ये आखिरी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, तकरीबन सीने की ऊंचाई की और उसको वहीं पर शॉर्ट लेग की तरफ खेला। रन लेने का मौका था और पूरा भी हो गया वो सिंगल। 32 5 विकेट के नुकसान पर 6 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। मुंबई ने टॉस जीता पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और इससे बेहतर गेंदबाजी आखिर क्या ही हो सकती है। बिल्कुल, और जावेद आलम कह रहे हैं कि अब अगला विकेट भाई 80 पर गिरेगा। क्या बात है। हाँ, हो सकता है, मुझे लगता है 80 के भी बाद गिरना चाहिए, गिरेगा 80 के भी बाद गिरेगा, बड़ी साझेदारी होगी एक। इसके बाद बैटिंग के लिए कौन रहता है अब? टीम दिखाई एक बार ना, पूरी चेन्नई की और उसके बाद मुंबई की भी दिखाई। लोग भी कह रहे हैं कि टीम दिखा दो भाई एक बार। कितने लोगों को वैसे ये लगता है कि चेन्नई की टीम 80 भी नहीं बना पाएगी? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 100 से ज्यादा रन बनेंगे ही बनेंगे। देखिए, ड्वेन ब्रावो हैं, महेश तीक्ष्णा हैं, सिमरजीत सिंह और मुकेश भाई। तो बैटिंग भाई बेसिकली ब्रावो तक है। और मुंबई की टीम में हम जल्दी से दिखा देते हैं, रोहित शर्मा, किशन है, रमनदीप, तिलक वर्मा, टिम डेविड, स्टब्स, डेनियल सैम्स, ऋतिक शौकीन और कुमार कार्तिकेय हैं, जसप्रीत बुमराह और रायली मेरेडिथ। तो ये है मुंबई की टीम, उम्मीद है आपने देख लिया होगा। और अब वापस लौटते हैं कि अभी तक चेन्नई की बल्लेबाजी कैसी रही है। 6 ओवरों में 32 5 विकेट के नुकसान पर शुरुआत हो रही है शौकीन की तरफ से। शिवम दुबे ने गेंद को इनसाइड आउट, लेकिन शॉट कवर पर क्या बेहतरीन एफर्ट डाला था वहां खिलाड़ी ने, और उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग स्टब्स के तरफ से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, बेहतरीन एफर्ट डालकर गेंद को रोक लिया। तो दो मौके पर एक ही गेंद पर दो फील्डर ने कमाल का काम किया, एक कैच नहीं लपक पाए, हालांकि बहुत ऊपर से गेंद गई थी, मुश्किल ही था, बहुत मुश्किल था। तिलक वर्मा थे क्या वहां? यस, तिलक वर्मा ही थे ऐसा लग रहा है। मुझे पहले लगा कि रोहित शर्मा है, लेकिन रोहित शर्मा को जब मैंने स्लिप में देखा तो मुझे थोड़ा सुकून आया कि जो दूसरा फील्डर रहा होगा उसने 100% अपना जरूर झोंका होगा। अगली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद को हल्के हाथों से पुश किया कवर की दिशा में। वहां पर रन चाहते थे बल्लेबाज शिवम दुबे, लेकिन रन कोई था नहीं और ऐसे में स्कोर अभी भी 34 5 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स का। 7वां ओवर पारी का चल रहा है। पिछले ओवर में जो विकेट गिरा अंबाती रायडू का, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर के गेंद गई थी विकेट कीपर के पास और बिल्कुल साफ वहां पर एज लगा था और बल्लेबाज को भी इस बात का एहसास था, इसलिए उन्होंने कोई रिव्यू की तरफ जाने का फैसला नहीं किया। इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ ऋतिक शौकीन तैयार हैं, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट एक स्लिप के साथ अगली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद थी, फ्रंट फुट पर आकर इस गेंद को पुश किया गया कवर की दिशा में। रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। 34 5 विकेट पर चेन्नई सुपर किंग्स, दबाव पूरी तरह से चेन्नई के ऊपर और इस दबाव का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तत्पर नजर आ रहे हैं मुंबई के तमाम खिलाड़ी। अगली गेंद शौकीन की फ्लाइटेड, इस गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड में, गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे पर लग करके गई है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ स्कोर 35 5 विकेट के नुकसान पर। इकबाल भाई, शिवम दुबे को देख के ऐसा लग रहा है कि काफी समय तक रुक के नहीं खेलने वाले, जिस तरह से ये इस फील्डर की ओर आंख बंद करके ड्राइव लगा रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि इनमें मारने की इच्छा जग रही है। तो यहाँ से तो क्योंकि विकेट को रोक के खेलना होगा। कुलबुला रहे हैं जी, कुलबुला रहे हैं, वो आतुर हो रहे हैं वो मारने के लिए। उमंग सिंह का एक कॉमेंट आ रहा है, कह रहे हैं कि याद करो भाई 2020 में धोनी तीसरे ओवर में ही आए थे बल्लेबाजी करने के लिए मुंबई के ही खिलाफ। इस ओवर की 5वीं गेंद आ रही है, शौकीन दाएं हाथ से ओवर द विकेट धोनी के लिए, ऑफ स्टंप के सामने टप्पा खाई थी, अंदर आ रही थी मिडल और लेग स्टंप के सामने, धोनी ने सीधे बैट से पुश किया उसको मिड ऑन की ओर, कोई रन नहीं और स्कोर अभी भी चेन्नई का है 35 पे 5 6.5 ओवरों के बाद। 150 के ऊपर टारगेट होगा क्या, ये सवाल आ रहा है। अभी देखिए, अभी 10 ओवरों की तो बैटिंग होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे आपको क्या लगेगा।
अभी तो कुछ पता नहीं यार, अगर एक विकेट और गिर गया तो उसके बाद 100 तक भी पहुंचने के लाले पड़ सकते हैं हम, वैसा हालांकि चाहेंगे नहीं। अंतिम गेंद पारी के 7वें ओवर की, उस पर भी कोई रन नहीं। शौकीन की गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आने वाली, पैड पे टकराई थी, धोनी के पैड पे टकराई, कोई रन नहीं और ओवर खत्म। 7 ओवरों का खेल समाप्त, 35-5 स्कोर है चेन्नई की टीम का। तो 7 ओवरों के बाद 5 रन प्रति ओवर की रन गति है अभी चेन्नई की टीम की, लेकिन समझ में आता है जिस तरह से शुरुआती 3-4 ओवर के दौरान ही टीम ने जो विकेट गंवाए और उसके बाद ऐसा होना लाजमी ही नज़र आ रहा था और ऐसा अभी तक देखने को मिला भी है। तो एक रिकवरी फेज चल रहा है चेन्नई के लिए और महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर मौजूद हैं, तो इससे बेहतर बात कुछ और नहीं हो सकती है। तो दोस्तों अब समय है हम अपने स्पॉन्सर के बारे में आपको बताएं, और हमारे स्पॉन्सर हैं क्रिक एक्स, एक क्रिकेट बेटिंग एक्सचेंज ऐप जहां पर आप लाइव आईपीएल मैचेस देखकर लाइव बेट कर सकते हैं। साइन अप बिल्कुल फ्री है और लाइव चैट सपोर्ट 2400 घंटे उपलब्ध है। पेटीएम से मिनिमम 200 रुपये का आप टॉपअप कर सकते हैं और विड्रॉ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। 100% ट्रस्टेड एंड सिक्योर वेबसाइट है, तो अभी रजिस्टर करिए और फ्री आईपीएल का मज़ा लीजिए www.crickx.com पर। अगर आप आसान तरीका खोज रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन या चैट बॉक्स में पिंड किया हुआ है, वहाँ जाइए, रजिस्टर कीजिए, मज़े कर सकते हैं और साथ में आप ढेरों प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम बीच बीच के ओवर्स के दौरान करते रहते हैं। तो आप जाइए, चेकआउट कीजिए और मज़े कीजिए क्रिक एक्स पर। चेन्नई की हालत हालांकि पतली है लेकिन हो सकता है कि ये रिकवर हो जाए। तो अगर आप भी हमारे साथ क्रिक एक्स पे खेलना चाहते हैं तो पिंड कमेंट में लिंक है, वहां से साइन अप करके खेलिए, वहां से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आसान हो जाएगा अगर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, मज़ा आएगा आपको भी, बहुत मज़ा आएगा। चलिए भाई, ओवर हो गया है ख़त्म, ये पारी का 7वां, 7 ओवरों के बाद 35-5 है चेन्नई का स्कोर, 5 की रन गति है, लेकिन दिक्कत यह है कि 5 विकेटें गिर गई हैं और 5ों आपके जो मेन बल्लेबाज थे वो आउट हो चुके हैं, आधी टीम आपकी वापस जा चुकी है। बिल्कुल, काफ़ी इस वक्त परेशानियों में चेन्नई की टीम है, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, काफ़ी लोग निराश भी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग काफ़ी खफा भी हैं, काफ़ी नाराज़ भी हैं प्रदर्शन से, कुछ DRS को लेकर के, कुछ मैच शुरू कराने की मांग कर रहे होंगे दोबारा से करवा दो। सादिक आलम पूछ रहे हैं कि बाल भाई आपको क्या हुआ? मुझे क्या हुआ, मतलब क्या, मुझे नहीं पता क्या हुआ है मुझे यार, क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ है मुझे, आप ही बता दीजिए। नहीं मतलब इकबाल भाई, मैं सच कहूँ तो मैं जब से आया हूँ दोबारा से तो मुझे आपका चेहरा सूखा सूखा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब अजीब सा लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी मतलब आप फॉर्म में नहीं है ऐसा प्रतीत हो रहा है, आवाज से नहीं चेहरा देख के, चेहरा देख के थकावट लग रही है, थकावट टाइप का चेहरा, इसलिए हाँ मतलब लंबा टूर्नामेंट हो गया है यार, तो अब मुझे भी एक ब्रेक की जरूरत है। बिल्कुल आप लीजिए ब्रेक। इधर ब्रेक खत्म हो गया भाई, 7 ओवर के बाद 35-5 विकेट के नुकसान पर, राजबाबू क्या देख रहे हैं यहाँ से, कितना होगा यार? जैसा मैंने कहा था कि 150 बनने चाहिए यहाँ से, लेकिन मुश्किल है, लेकिन मेरे को लगता है MSD अगर टिक गए तो काफ़ी अच्छा स्कोर खड़ा कर देंगे, अच्छा तो नहीं, एक ठीक ठाक जिससे वो फाइट कर सके, एक तो वो स्कोर खड़ा कर सकते हैं। उसमें जरूरत पड़ेगी शिवम दुबे की भी, कि इसके बाद ब्रावो ने आना है, तो इन दोनों बल्लेबाजों पे भी अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि यहाँ से क्या कुछ होगा चेन्नई के लिए। इसी बीच अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, उसको वह खेल दिया ऑफ साइड में, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की ओर, रन का कोई मौका नहीं। 35-5 विकेट के नुकसान पर चेन्नई 7.1 ओवरों के बाद, शिवम दुबे खेल रहे हैं 6 रन बना के और 6 रन बनाए हैं MS धोनी ने, तो स्कोर हो गया 35-5 CSK। पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखें तो टॉप की दो टीमों का ये मुकाबला चल रहा है, नीचे से जो हम बात अक्सर करते हैं, मुंबई की टीम नंबर 10 पे है, चेन्नई की टीम है नंबर 9 पर, और दो सबसे सक्सेसफुल टीम IPL की, दोनों की दुर्गति हुई है इस बार। 35-5 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइक पर हैं शिवम दुबे, 10 पर खेल रहे हैं, गेंदबाजी करते हुए मेरेडिथ शॉट बॉल, उस गेंद को पुल कर दिया, उस तरफ खिलाड़ी मौजूद नहीं है, एक टप्पा और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, दमदार ताकतवर शॉट शिवम दुबे के बल्ले से निकलता हुआ। शिवम दुबे को अगर आप आगे गेंद पिच कराएंगे या फिर शॉट डिलीवरी करेंगे जो कि कमर के आसपास आ रही हो, उस पर बहुत बढ़िया शॉट खेलते हैं ये, और लगभग वैसी ही कोई गेंद जिस पर कि बहुत बढ़िया पुल शॉट खेलने का मौका मिला शिवम दुबे को, और उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ शिवम दुबे पहुंच गए हैं 10 की रन संख्या पर और CSK का स्कोर हो गया है 39 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
आठवां ओवर पारी का चल रहा है, इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ तैयार। शॉट डिलीवरी, इस गेंद को कट करना चाहते थे, कॉट बिहाइंड की अपील और इसके साथ ही आउट हो गए शिवम दुबे। छठा झटका चेन्नई सुपर किंग्स को 39 की रन संख्या पर। शॉर्ट डिलीवरी को अपर कट के अंदाज में विकेट कीपर और स्लिप के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर के विकेट कीपर के पास गई और विकेट कीपर ने अपने पंजों पर उछलते हुए शानदार कैच लपका और चलता कर दिया शिवम दुबे को। बल्ले का अंतिम समय में एक महीन स्पर्श और उसके बाद ईशान किशन ने क्या कमाल का काम किया है, उछलते हुए जो अपना हाईएस्ट वो जंप कर सकते थे उतना जंप किया और गेंद को अपने ग्लव्स में लेने में कामयाब हुए। शिवम दुबे का ये विकेट गिरा ज़रूर है और उसमें गेंदबाज से ज़्यादा श्रेय आपको विकेट कीपर ईशान किशन को देना होगा। 39.67 ओवर के बाद जी हम यही बात कर रहे थे कि शिवम दुबे कुलबुला रहे हैं और उनकी कुलबुलाहट देखिए एक शॉर्ट बॉल पे, उसको आराम से छोड़ देना चाहिए था, कोई चांस लेने की जरूरत नहीं थी यहाँ से, क्योंकि आपके इतने विकेट गिर चुके हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि यहाँ से हम कोई भी चांस ले, लेकिन वही अपनी कुलबुलाहट को रोक नहीं पाए और बल्ला अड़ा बैठे उस बॉल पे, एज लगा और कीपर के हाथों में कैच। चलिए तो कैच आउट हो चुके हैं शिवम दुबे और आउट होकर वापस पवेलियन का रास्ता भी जो तकरीबन 70-80 मीटर का होगा उसको तय कर चुके हैं और अब ड्वेन ब्रावो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। ड्वेन ब्रावो के आंकड़े हम आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राज बाबू वो काम कर लेंगे आपको स्क्रीन पे दिखाते हुए आपको आंकड़े क्या कुछ ड्वेन ब्रावो ने किया है इस सीजन। 9 मुकाबले इस सीजन कुछ नहीं है यार उनके लिए भाई, ये 9 मैच में 11 रन ये रहमान मुस्तफिजुर रहमान का आंकड़ा एक बार हम देख रहे थे और ऐसा ही था, छोड़िए अब एक ही बार लगता है बैटिंग मिली है, 11 की औसत दिखाया जा रहा है। तो ड्वेन ब्रावो के लिए आज मौका है, जब बल्लेबाजी मिली है तो भरपूर बल्लेबाजी करें। ओवरऑल देख सकते हैं मेरेडिथ की अगली गेंद, शॉर्ट पिच, लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, ईशान किशन का भरसक प्रयास लेकिन गेंद नहीं रोक पाएंगे और अतिरिक्त के चौके के साथ एक वाइड का भी रन मिलेगा, यानी कि 5 रन इस बार। और ईशान किशन ऐसा लगता है कि अपनी उंगलियां चोटिल कर बैठे हैं, बहुत दर्द से करा रहे हैं और ये अच्छे संकेत नहीं नजर आ रहे हैं मुंबई के लिए। लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, शॉर्ट पिच गेंद थी, ओ जो फिंगर टिप होता है ऊपर में बहुत दर्द होता है वहाँ जी। तो ईशान किशन को चोट लग चुकी है यहाँ पे और चेन्नई का स्कोर की बात करें तो 44-6 कहीं से भी ये देखने में अच्छा नहीं लगता है जब आप चेन्नई जैसी टीम की बात करें, पर आज ऐसा हो गया है। मुंबई की शुरू में हमने देखा कि डीएस उपलब्ध नहीं था तो उसका घाटा साफ चेन्नई को होता हुआ। इसी बीच अगली गेंद राइट टर्म ओवर द विकेट और ब्रावो बीट हो गए, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद थी, डिफेंस करना चाहते थे लेकिन बॉल और बल्ले में काफ़ी फासला, रन का कोई मौका नहीं। 44-6 7.4 बॉल के बाद चेन्नई। 161वां मुकाबला, 1548 रन, 130 का स्ट्राइक रेट, बैटिंग बहुत ज़्यादा इन्हें मिलती नहीं है, मिलती है तो अपना काम कर देते हैं और बहुत लंबे समय से हमने देखा नहीं है ड्वेन ब्रावो को खेलते हुए, मुझे तो याद भी नहीं है किस तरह का शॉट वगैरह खेलते हैं। एक होता है माइंड में फ्रेम बना लेते हैं जब कोई बल्लेबाज को आप देखते हैं। इनका एक शॉट बहुत वो लोकप्रिय है, वो आसमान की तरफ सर देख के पुल करते हैं या अच्छा। लॉफ्ट करते हैं। हाँ हाँ चलिए आज उम्मीद करेंगे उस तरह का शॉट दिखा दें, मेरी भी याद ताज़ा हो जाएगी। इस ओवर की अगली गेंद फिर से स्विंग होती हुई बाहर की ओर निकलती हुई, आउट स्विंगर और विकेट कीपर के पास पहुंची, रन लेने का फिर से कोई मौका नहीं। रायली मेरेडिथ ने भी कमाल की गेंदबाजी की है, 16 रन देकर 2 विकेट लिए हैं और यहाँ विकेट निकालने में कामयाब हुए हैं शिवम दुबे का। अंतिम समय में जो अपर कट करने की कोशिश की थी, अंतिम समय में बल्ले का स्पर्श हुआ और इस विकेट में राज पूरा क्रेडिट विकेट कीपर को देना होगा जिस तरह का कैच उन्होंने लपका है। जी कोई कह रहे हैं क्या नाम है जावेद भाई, राज आपके पास दिमाग नहीं है, कितना भी मारेंगे तो 100 बनेगा, तो मैं तो कह रहा हूँ कि 150 तक पहुँच जाए, मेरी इच्छा है ये अंकुश भाई। नहीं दिमाग नहीं है ना हमारे पास, नहीं मारे का दिमाग लेके यूज करते हैं। ठीक है चलिए। 8 ओवर के बाद 45, 6 विकेट के नुकसान पर, महेंद्र सिंह धोनी है 6 पर, ड्वेन ब्रावो है 1 पर। और यहाँ से राज मुझे लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी और ड्वेन ब्रावो की ये पार्टनरशिप जी चेन्नई के जो उम्मीदें हैं इस मुकाबले में बने रहने के लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इसके बाद आप देखें तीक्ष्ण बैटिंग नहीं करते, हमने नहीं देखा इस सीज़न, हमने मुकेश भाई तो करते ही नहीं है
वो तो कैच भी सही से नहीं पकड़ते, हालांकि एक पकड़ा था पिछले मैच में या दो मैच पहले। और उसके अलावा एक और है कौन, सिमरजीत सिंह। तो सिमरजीत सिंह को भी हमने बहुत ज़्यादा खेलते हुए नहीं देखा है। तो ओवरऑल इस जोड़ी पे बहुत दारुमदार है, ये आखिरी रिकॉग्नाइज प्लेयर है, और ऐसी स्थिति में इन्हें ही कुछ करना होगा जो कुछ कर सकते हैं। जी सही कह रहे हैं आप। और ब्रावो की अगर बात करें तो आज से 2-3 साल पहले हम देखते थे कि ब्रावो अच्छी बल्लेबाजी किया करते थे, उनके बाद उनकी बल्लेबाजी कुछ कमज़ोर नज़र से आई और उनको ज़्यादा मौके भी नहीं मिले चेन्नई की तरफ से। तो इस बार उनके पास भरपूर मौका है, यहाँ से 12 ओवरों की गेंदबाजी बसती है, तो यहाँ से एक साझेदारी बनाने की जरूरत चेन्नई धोनी के साथ ब्रावो को। तो इस अगले ओवर लेके आ चुके कुमार कार्तिकेय। बिल्कुल, कुमार कार्तिकेय सिंह बाएं हाथ से ओवर द विकेट पहली गेंद स्टंप लाइन पर, ड्वेन ब्रावो ने अपना सामने वाला पैर, अपना बायां पैर आगे की तरफ निकाला और बॉलर की दिशा में गेंद को बस खेल दिया, रन लेने का फिर से कोई मौका नहीं। कुमार कार्तिकेय की स्टोरी भी काफ़ी मार्मिक है, और जिस तरह से इन्होंने संघर्ष किया है आज उन्हें रिवार्ड उसका मिल रहा है। इस बार गेंद को खेला स्वीपर कवर की तरफ, एक रन पूरा करने का मौका था। ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो काफ़ी शिक्षित फैमिली है कुमार कार्तिकेय के, इनके पिताजी IPS ऑफिसर हैं शायद, या IAS या IPS दोनों में से कोई एक ऑफिसर हैं, लेकिन इन्होंने घर से दूर रहना मुनासिब समझा, खुद एक सिंपल सी नौकरी करते थे, प्रैक्टिस करते थे, कई बार पैसे बचाने के लिए बिस्किट भी इन्होंने खाकर काम चलाया। बिल्कुल, इस ओवर की अगली गेंद और पैड पर टकराई है धोनी के, अपील बहुत जोर से की जा रही है लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का डिसीजन दिया, रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये फर्जी अपील थी अंकुश भाई। अच्छा सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, कुमार कार्तिकेय, मैं अभी आपको याद दिलाने वाला था, एक और जो थे वो जी हैदराबाद के शशांक सिंह के बीच। हाँ, तो शशांक सिंह के बारे में मैंने जानकारी दी थी, सॉरी। कुमार कार्तिकेय जाहिर सी बात है कि उन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया है और उनकी स्टोरी हम बार बार बता ही चुके हैं। आपको बताऊं कुछ भाई, तो सत्यम भाई ने इनकी स्टोरी बहुत ब्रीफ में समझाई थी सबको, तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत स्ट्रगल था इनकी लाइफ में। और इसी बीच अगली गेंद उसको लॉफ्ट कर दिया, गेंद सीधे काव कॉर्नर की दिशा में चौका, टीम डेविड का भरसक प्रयास, गेंद को नहीं रोक पाए, गेंद उनके हाथों के सामने से निकल गई और इस चौके के साथ फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स के 50 रन पूरे हो चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। चेन्नई के प्रशंसक धीरे धीरे थोड़े बहुत खुश होते हुए, और बस महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी देखनी है और आज हम भी एंजॉय करेंगे, बाकी सबको भूल जाइए, धोनी की बैटिंग मत देखिए, स्कोर क्या हो रहा है, धोनी को बैटिंग करने दीजिए, अगर वो बैटिंग कर गए तो स्कोर एक अच्छा टोटल बन जाएगा जिस पे वो फाइट कर सके। चलिए इसी बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और उसको कट कर दिया, गेंद सीधे जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की ओर, डीप बैकवर्ड पॉइंट की ओर। एक और बेहतरीन शॉट, जैसे ही देखा शॉर्ट पिच गेंद है, महेंद्र सिंह धोनी ने आराम से इस गेंद को गैप में निकाल दिया और इस चौके के साथ स्कोर हो गया 54-6 विकेट के नुकसान पर। तो फाइनली 6 की रनगति हासिल कर ली है चेन्नई की टीम ने, थैंक्स टू महेंद्र सिंह धोनी। यस, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ से अंकुश भाई, और इसी की जरूरत है यहाँ से, अगर यहाँ से अगर ये थोड़ा टाइम भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके पास 11 ओवर बाकी है, वो इसलिए क्योंकि इतने विकेट गिर गए हैं, तो यहाँ से अगर आप थोड़ा टाइम लेते भी हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 54 आपने बना लिए हैं और 6 विकेट आपके घिरे हुए हैं। तो यहाँ से देखना होगा कि अगर ये 100 के ऊपर का आंकड़ा टच करती है, 120 130 तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि एक जब आपके इतने विकेट गिर जाते हैं और उसके बाद आप इतना स्कोर खड़ा करते हो तो तब भी आपकी तारीफ बनती है उस प्लेयर की जो जिसने इसमें काम किया है। इस बार पैड पर भटकते हुए ऋतिक शौकीन, लेकिन गेंद को थोड़ी देर के लिए हवा में खेला जरूर था लेकिन नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, उसके बाद एक गैप मिड विकेट और बॉलर के बीच में और उसके बीच से गेंद मिड ऑन की तरफ गई, एक रन पूरा हुआ सिंगल के साथ, स्कोर 55 6 विकेट के नुकसान पर। और किसी ने कमेंट करके हमें बताया कि उनके पिताजी हेड कांस्टेबल हैं, जी हाँ हमने दुरुस्त कर लिया है, एक्चुअली कन्फ्यूजन हो गया था। इस ओवर की अगली गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं शौकीन, दूसरी गेंद है इस ओवर की और सामने स्ट्राइक पर होंगे महेंद्र सिंह धोनी जो अब लय में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सही में, हाँ पिछले ओवर में बहुत बढ़िया 2 शॉट खेला था, गेंद बल्ले पर और लॉफ्ट कर दिया उसको सीधा सीमा रेखा के बाहर डीप मिड विकेट के ऊपर से, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला बोल रहा है, माही मार रहा है। और जब माही मार रहा है तो मेरे साथ 2 ऐसे शख्स आ चुके हैं जो इसको सबसे बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, अगर ऐसी बात है तो इकबाल बताएंगे। नहीं इकबाल रुक जाइए आप, यू टेक इट इजी। 61 पे 6 हो गया चेन्नई का स्कोर 9.2 ओवरों के बाद।
71 मीटर लंबा छक्का मार दिया धोनी ने स्क्वायर लेग की ओर, बहुत दूर गेंद जाके गिरी। विद द स्पिन कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में खेला था। शरीर में जितनी ताकत है सब झोंक दी महेंद्र सिंह धोनी ने, और कनेक्शन भी जबरदस्त। इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ तैयार शौकीन सामने उनके महेंद्र सिंह धोनी, 12-20 हो गए धोनी का स्कोर, 3 चौके लगा चुके हैं, 1 छक्का भी लगाया है। तो धोनी फाइनली फॉर्म अपना दिखाते हुए, और हम सभी क्रिकेट प्रेमियों को ये बहुत रास आएगा। अब इकबाल तैयार है और अगली गेंद, और अगली गेंद इकबाल ही बताएंगे। आइए इकबाल बताइए। शौकीन इस वक्त गेंदबाजी करते हुए महेंद्र सिंह धोनी को, और इस बार लेग और मिडिल स्टंप की गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेला, बहुत तेजी के साथ गेंद जा रही बाउंड्री की ओर, फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ी। डैनियल सैम्स ने जब तक गेंद को उठाया इधर दौड़ करके 2 रन पूरे कर लिए गए महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा, और इन 2 रनों के साथ धोनी पहुंच गए 22 की रन संख्या पर, और चेन्नई 63 6 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर पारी का चल रहा है और महेंद्र सिंह धोनी का चलना बहुत जरूरी है यहाँ अगर एक सम्मानजनक स्कोर बनाना चाहती है चेन्नई की टीम अंकुश, वरना इस जोड़ी के बाद अगर आप बल्लेबाजों के नाम पर देखेंगे तो कुछ ज्यादा बचता नहीं है चेन्नई के पास। ऋतिक शौकीन अगली गेंद, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया धोनी ने, ऑन साइड में गेंद को फ्लिक किया लेकिन शॉर्ट स्क्वायर लेग के आसपास वहां पर गेंद को फील्ड किया गया रायली मेरेडिथ के द्वारा। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं था धोनी का, लेकिन इंटेंट साफ दिखाई दे रहा है सत्यम कि धोनी मारना चाह रहे हैं एकदम। जावेद आलम जी कह रहे हैं कि जब तक मैच खत्म नहीं होता तब तक मैं कमेंटरी सुनता हूं। थैंक यू सर, आप और आप जैसे हजारों लाखों लोगों का प्यार है कि कैसा भी मैच हो लोग तब भी सुनते रहते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद, राउंड द विकेट, दाएं हाथ से धोनी ने जो उनका ट्रेडमार्क स्ट्रोक है वर्टिकल स्वीप, वो खेलने की कोशिश की। लेग स्टंप के बाहर गेंद आई थी लेकिन गेंद बैट पे ले नहीं पाए, और एक और डॉट गेंद। 64-6 चेन्नई 9.4 ओवरों के बाद धोनी 100 मारेगा। नितिश सिंह का कहना है, निशा का भी कहना है कि धोनी आज 100 मारेंगे आज। अंकुश वैसे इनके पास 10 ओवर खेलने का और 10 ओवर यहां से खेलने का बेहतरीन मौका है, और शतक तो पता नहीं लेकिन एक एंटरटेनिंग पारी जरूर खेल सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। इस ओवर की 5वीं गेंद, दाएं हाथ से राउंड द विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और स्टंप्स की लाइन में सीधे बैट से धोनी ने इस बार आराम से धकेला उसको वापस गेंदबाज की ओर, कोई रन नहीं, और स्कोर अभी भी चेन्नई का 64-6 9.5 ओवरों के बाद। इंटरेस्टिंग ये भी है कि मुंबई के पास जो 2 स्पिनर हैं शौकीन और कार्तिकेय, दोनों के पास अनुभव कम है और महेंद्र सिंह धोनी उनको टारगेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो एक रोचक मुकाबला ये जो अगले 8 ओवर तकरीबन होने हैं, 2 ओवर तो हो चुके हैं इनके भी और कार्तिकेय ने 1 ओवर कर लिया है, तो अगले 4-5 ओवर आप निश्चित तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग पाएंगे। इस ओवर की अगली गेंद, ड्राइव किया, गेंद पहुंची है पॉइंट के पास, 1 रन लेने का मौका है, धोनी अब नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन चूंकि ओवर की समाप्ति हो चुकी है तो नए ओवर की शुरुआत में स्ट्राइक पर धोनी ही होंगे। 65-6 विकेट के नुकसान पर 10 ओवरों की समाप्ति पर। 21 पे हैं धोनी, 16 गेंदों का सामना किया है, ब्रेंड ब्रावो हैं 3 पर 6 गेंदों का सामना करके। बिल्कुल, तो इस वक्त महेंद्र सिंह धोनी 21 पर और ब्रावो उनका साथ निभा रहे हैं 3 रन बना करके, 26 रनों की साझेदारी, और इस साझेदारी को और ज़्यादा बड़ी करने की भरपूर कोशिश होगी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। हालांकि अंतिम जोड़ी ज़रूर है मैदान पर बल्लेबाजों की, लेकिन इन दोनों के पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, न सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के पास बल्कि अगर आप ड्वेन ब्रावो को भी देखेंगे तो। एक बार मैं इनके आंकड़े आईपीएल के देखना चाहता हूँ, आप लोगों को दिखाता भी हूँ मैं, ओवरऑल ही देखिएगा इस सीजन का हाँ ओवरऑल आंकड़े ही इनके मैं अपने तमाम श्रोताओं को दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। ड्वेन ब्रावो 160 मैचेस में 1548 रन बना चुके हैं, 22 लगभग 23 की औसत है इनकी। नए ओवर की शुरुआत कुमार कार्तिकेय के द्वारा, पहली गेंद धोनी के लिए, स्वीप करना चाहते थे, ठीक ढंग से गेंद बल्ले पर आई नहीं, विकेटकीपर से थोड़ा दूर छिटकी, 1 रन दौड़ करके धोनी ने पूरा किया और लेग बाई का इशारा अंपायर का, 1 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर हो गया 66 6 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स का। तो एवरेज लगभग 23 की, स्ट्राइक रेट 130 की, और 5 अर्धशतक ड्वेन ब्रावो आईपीएल में बना चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि बल्लेबाजी इन्होंने नहीं की है आईपीएल में, और ये बल्लेबाजी कर सकते हैं इस पर तो किसी को शक ही नहीं होना चाहिए। अगली गेंद, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए, इस गेंद को थोड़ी देर तक हवा में जरूर थी, एक्स्ट्रा कवर के बगल से गेंद को खेला, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की ओर, सिंगल मिलेगा इस बार ब्रावो को, ब्रावो पहुंचे 4 की रन संख्या पर और चेन्नई विकेट के नुकसान पर। इकबाल भाई, जावेद आलम जी कह रहे हैं अगर 150 बन गए तो मुझे गिफ्ट भेजेंगे। अच्छा। तो सर जी सोच लीजिए, अच्छे रैपर में पैक कराइएगा। लेकिन सिर्फ अच्छे रैपर में नहीं, चीज भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, और इस बार धोनी के लिए बाहर की तरफ निकली गेंद,
हमारा क्या, हमें कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिला राज, हमारा दिन का पहली बॉल पे छक्का मारने वाला खिलाड़ी आज, वो आपसी संवाद हो रहा है। हाँ जी, उन्होंने पहले मेरी तारीफ की थी। अच्छा, उन्होंने कहा था राज के पास दिमाग नहीं है। इस ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, पंच किया धोनी ने, एक्स्ट्रा कवर की ओर गेंद जा रही है, रोक ली जाएगी, एक सिंगल मिलेगा। बॉब द बिल्डर पुराने श्रोता है, अक्सर इनका नाम लिया जाता है, सुपर चैट आए, कह रहे हैं बेस्ट चैनल आउट देयर, लव योर कमेंट्री, थैंक यू बॉब द बिल्डर। दैट्स एन इंटरेस्टिंग नेम टू से द लीस्ट। कार्टून होता था एक, बॉब द बिल्डर, मैं देखता था बचपन में, तभी वहीं से नाम लिया इन्होंने मुझे लग रहा है। इस ओवर के अंतिम गेंद आ रही, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, कार्तिके की गेंद, बल्ले को घुमाया, हवा में गेंद उठा दी, लेकिन खिलाड़ी के पहले एक्स्ट्रा कवर पे गेंद गिर जाएगी, एक सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा 69 पे 6, चेन्नई का 10.5 ओवरों के बाद। काफी जमाने बाद ऐसा शॉट देखने को मिला सर, वैसे ये वाले शॉट्स ये बहुत खेलते हैं। यस, कैरेबियाई फ्लेवर, या बिल्कुल, बैट घूमता हुआ झूलता हुआ। यस अंकुश भाई, मैं इसी शॉट की बात कर रहा था, इनका सर थोड़ा आसमान की तरफ होता है और नीचे से बल्ला एकदम घुमा देते हैं। इस ओवर की अब अंतिम गेंद आ रही है, सामने होंगे महेंद्र सिंह धोनी, प्रेडिक्शन छोड़िए, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, टाइम ही नहीं रहा, ड्राइव की गई गेंद, डीप पॉइंट की ओर गेंद जा रही है, एक सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ चेन्नई का स्कोर 71 पे 2, दूसरे के लिए भाग रहे हैं, दूसरा भी पूरा, 71 पे 6 चेन्नई 11 ओवरों के बाद। महोदय मिमिक्री, अरे किसकी मिमिक्री, मैं किसी की मिमिक्री नहीं करता, लोग मेरी मिमिक्री करते हैं जैसे इकबाल, और मैं जो मुझे पसंद नहीं आता फिर मैं उसको क्या करता हूं, सत्यम जी आपको पता क्या है, क्या करते हैं आप मुझे नहीं पता, चलिए आपको बाद में बताएं। उनकी आप धज्जियां उड़ा देते हैं। नहीं सत्यम जी, आप गलत सोच रहे हैं। अच्छा, मैं बड़ा प्रेम के साथ उसको साइड में लेके जाता हूँ। अच्छा, अंटे में, अंटे में, और जैसा साहिल को मैंने उस दिन कहा था, गुड़गांव की झाड़ियों में। इकहत्तर पे छे, एक तो मतलब झाड़ियों में ले जा रहे हैं, ऊपर से रूट देखिए, लड़के को जा रहा है गाजियाबाद, पहले गुड़गांव ले जा रहे हैं, मतलब कमाल ही है यार, मजा आ गया भाई आप लोगों को। अगले कुछ ओवरों के लिए इतनी मिमिक्री पर्याप्त है और चाहिए। 71 पे 6 चेन्नई का स्कोर, पहले पहली गेंद पे कोई रन नहीं इस ओवर में, बुमराह आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, बैट लेके चले गए थे, वही कैरेबियाई फ्लेवर दोबारा इस शॉट में नजर आया, लेकिन गेंद बैट पे नहीं आई, डॉट गेंद, 11.1 ओवर पूरे, 71 पे 6 चेन्नई। तो फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी और साथ में उनके ड्वेन ब्रावो एक साझेदारी बनाते हुए 32 रनों की यह साझेदारी, 12वां ओवर पारी का चल रहा है, 71-6 विकेट के नुकसान पर सीएसके। वानखेड़े स्टेडियम में यह मुकाबला चल रहा है, चेन्नई की स्थिति बेहद खराब है और एक बहुत अनुभवी जोड़ी इस वक्त मैदान पर चेन्नई के लिए मैदान पर है और इन दोनों से काफी उम्मीदें फैंस को। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप की लाइन की गेंद को ऑन साइड पर फ्लिक करना चाहते थे, बल्लेबाज ठीक ढंग से गेंद को बल्ले पर ले नहीं पाए, अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद पैड पर टकराई, गेंदबाज की तरफ आई और गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों वहां पर थोड़े हतप्रभ रह गए कि गेंद गई कहां। 71-6 विकेट पर चेन्नई, ऐसा लगा उन्होंने अपने पैर से गेंद को आगे धकेल दिया तो इसलिए बुमराह भी गया, बॉल कहां गई। इस ओवर की अब तीसरी गेंद आ रही है, बुमराह का ये तीसरा ओवर है और एक्चुअली जो स्पिनर्स की पिटाई हो रही थी ना, जो इनइफेक्टिव वो साबित हो रहे थे, उसकी वजह से बुमराह को वापस लाने का फैसला। स्लिप में खिलाड़ी दाएं हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, पुश किया उसको पॉइंट की ओर, कोई रन नहीं और स्कोर अभी भी चेन्नई का 71 पे 6 11.3 ओवरों के बाद। दोनों खिलाड़ियों के अगर आप फिटनेस देखें तो उसमें एक क्लियर अंतर नजर आ रहा है, महेंद्र सिंह धोनी जब 1.5 रन लगभग पूरा कर चुके थे तो ड्वेन ब्रावो पहले रन के लिए संघर्ष कर रहे थे और आप रनिंग बिटवीन द विकेट में भी ये देख पाएंगे। 71-6 विकेट के नुकसान पर चेन्नई का स्कोर 11.3 ओवर के बाद। मुंबई का खेमा थोड़ा राहत महसूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए जसप्रीत बुमराह, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उसको बैकफुट पर पंच टाइप का खेला और गेंद पहुंची सीधे शौकीन के पास, रन लेने का फिर से कोई मौका नहीं, बल्ला निहार रहे हैं लेकिन गेंद जैसे तैसे बल्ले पर टकरा रही है, गैप ढूंढने में नाकाम और पहली चार गेंदें डॉट बॉल रही है इस ओवर की। अंजुम का कहना है कि वो हमें जम्मू कश्मीर से सुन रहे हैं, धोनी रोहित जडेजा के बहुत बड़े फैन हैं सर, हम सब हैं,
इस ओवर की पांचवी गेंद, शुक्रिया बहुत बहुत हमें सुनने के लिए जम्मू कश्मीर से। पांचवी गेंद, सामने होंगे महेंद्र सिंह धोनी, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ फील्डिंग गेंद थी एक्चुअली। धोनी अब स्ट्राइक पे आएंगे, सिंगल ले लिया गया और इस सिंगल के साथ ब्रावो 6 पे 13 गेंदें खेली हैं और धोनी 20 गेंदों पे 24 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अंजुम सिंह जी का कहना है, सॉरी अजमेर सिंह जी का कहना है, अंजुम सिंह जी क्यों कह रहा हूँ मैं, कह रहे हैं कि भाई निश्चित तौर पे मज़ा आया और ये मज़ा मैं हर रोज़ लेता हूँ क्योंकि वो हमें हर रोज़ सुनते हैं। थैंक यू सर। अजमेर सिंह जी ये वही हैं जो मग में, मग में जो है फोन रख के नहाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अजमेर सिंह जी आप हमें लगता है कि राजस्थान से सुनते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, शॉट, धोनी ने डक किया, जाने दिया उसको विकेट कीपर के पास, ओवर खत्म हो गया है 12 ओवरों के बाद 72-6 चेन्नई। जी मोदी जी, तो मेरा आपसे एक सवाल है और अजमेर जी आपसे बड़ा ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सरल सवाल मैं पूछता हूँ, आप अजमेर से कितना दूर रहते हैं? इतना इतना या फिर इतना, बताइए। जब आप 56 इंच का सीना दिखाते ना तो जितना आपका हाथ फैलता उतना। राज जी बड़ों के बीच में बच्चों को बोलना शोभा नहीं देता, फिर भी राहुल गांधी बोलते हैं। अरे वो बच्चा न जाने कितने सालों से बच्चा ही है। ओ बड़ा शॉट, इकबाल 6 रन होने चाहिए। ये कुमार कार्तिकेय के नए ओवर की पहली गेंद पे ही ब्रावो ने कदमों का इस्तेमाल किया, बाहर निकलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया। इस छक्के के साथ स्कोर चेन्नई का 78-6 12.1 ओवरों के बाद। क्या कमाल का शॉट था ये, कदमों का इस्तेमाल, गेंद की पिच तक पहुंचे और बहुत ही जोरदार तरीके से इस गेंद को उठाया था लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 98 मीटर दूर गेंद जाकर के गिरी है और ये जबरदस्त छक्का ब्रावो के बल्ले से। यथार्थ चंद्राकर का कहना है कि आमर रियान पराग फैन एंड इकबाल भाई फैन, व्हाट एन आयरनी, हाउ कैन दैट बी, कम ऑन ब्रो। नजर ना लगे इसलिए 78-6 चेन्नई का स्कोर हो गया 12.1 ओवरों के बाद। इस ओवर की अब दूसरी गेंद आ रही है, गेंद को वापस आने में टाइम लगा, मैदान के बाहर गेंद चली गई थी, रन गति में इजाफा हुआ है, 6.41 की रन गति हो गई है। 1000 रन भी चेन्नई के लिए आईपीएल में पूरे कर लिए हैं ड्वेन ब्रावो ने, सदियों से खेल रहे हैं चेन्नई की टीम के लिए। एक स्लिप के साथ बाएं हाथ से ओवर द विकेट, कार्तिकेय की गेंद, फुल टॉस और सीधा एक्स्ट्रा कवर के हाथ में शॉट, एक्स्ट्रा कवर पे गेंद थमा बैठे, तिलक वर्मा ने कैच पूरा कर लिया है और ये लीजिए लास्ट रिकग्नाइज्ड बैट्समैन, लास्ट रिकग्नाइज्ड पेयर टूट गया एक्चुअली, बैट्समैन तो धोनी भी अभी बाकी हैं, बट इसके बाद अब बैटिंग नहीं रहती। इकबाल 78-7 चेन्नई 12.2 ओवरों के बाद। और मित्रों तैयार हो जाइए अब महेंद्र सिंह धोनी का जलवा देखने, क्योंकि अब कोई विकल्प नहीं है इकबाल, अब उनके पास फटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। बिल्कुल सही बात है, महेंद्र सिंह धोनी 21 गेंदों पर 24 रन बनाकर खेल रहे हैं और जो किया ड्वेन ब्रावो ने उसको खुद भी उन्होंने यकीन नहीं किया कि ओ मैंने ये क्या कर दिया। फुल टॉस पे विकेट मिल गया, बैट्समैन ने जबरदस्ती विकेट दिया है, इसमें इतना कुछ नहीं है, ठीक है। और जो कैच पकड़ा वो ज्यादा हाईलाइट वो था एक्चुअली, बेहतरीन कैच था अंकुश। इससे पहले भी तिलक वर्मा ने कोशिश की थी, शिवम दुबे की का वो शॉट था जो इनसाइड आउट उन्होंने खेला था, जो हम बात भी कर रहे थे, और यहाँ पर तकरीबन उसी तरह से उछल कर उन्होंने वो कैच पूरा किया। सिमरजीत सिंह आया है बल्लेबाजी करने के लिए, 78-7 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर का खेल खत्म हो गया है। इनके आंकड़े दिखाने की जहमत ना करें इकबाल भाई, क्योंकि ये दिक्कत हो जाएगी। हाँ बहुत रन इनके नहीं है, शायद एक आध रन भी होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मौके मिले नहीं हैं इस सीज़न, खेले भी हैं ये। चलिए इकबाल भाई, इकबाल नहीं बैटिंग की है उन्होंने, थोड़े बहुत किया दिखा सकते हैं, 2-4 रन बनाए होंगे। और अजमेर सिंह जी का जवाब आ गया है, और अजमेर सिंह आपके जवाब से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वैसे मैं जल्दी किसी से प्रभावित होता नहीं हूँ, लेकिन आपने जो मजे लेकर के जवाब दिया है मजा आ रहा है। उन्होंने लिखा है कि मैं अजमेर से बहुत दूर रहता हूँ, मैं हरियाणा के एक मशहूर गांव हेरिटेज राखीगढ़ी का निवासी हूँ। तो अजमेर जी आपका बहुत बहुत स्वागत, और अच्छी बात यह हो गई है कि आपने ये क्लियर कर दिया है कि आप अजमेर से नहीं हैं और आप राजस्थान से नहीं, वरना हम सभी ये मानकर चल रहे थे मित्रों।
कि अजमेर राजस्थान में है, अजमेर सिंह राजस्थान में है। फिलहाल 13वां ओवर चल रहा है, 78 सात विकेट के नुकसान पर, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में फ्लिक किया, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री की ओर, दौड़ करके इधर दो रन पूरे कर ले जाएंगे। आपस में टकरा गए दो फील्डर, लेकिन जोरदार कोई ज्यादा टक्कर थी नहीं, दो रन के साथ स्कोर हो गया है अब 87 विकेट के नुकसान पर चेन्नई का, और खाता खुल गया है सिमरजीत सिंह का। सिमरजीत सिंह इस सीजन में उन्होंने डेब्यू किया और अब तक गेंदबाजी में ठीक ठाक प्रदर्शन है इनका, अब बल्लेबाजी में मौका मिला है। इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार पैड पे गेंद टकराई है, जोरदार अपील और रविकांत रेड्डी के उंगली उठता हुआ, और इसके साथ ही कार्तिकेय को मिल गया है एक और विकेट, और 8वां झटका मुंबई की टीम ने दे दिया है चेन्नई को, रिव्यू ले लिया है। आज पहली बार रिव्यू देखने को मिल रहा है, कैसे कैसे दिन आ गए हैं। शुरुआत में अगर मैं पढ़ो तो मैं दो बार आउट दे देता इस बल्लेबाज, क्योंकि इतनी सीधी थी बॉल, तो यहां से रिव्यू ले लिया तो क्या कुछ बचेंगे अंकुश भाई। अभी कितने बजे का है? बस अब रिव्यू है पास में और आ गया है तो ले रहे हैं, लेकिन बल्ले के बिल्कुल करीब से गेंद निकली है, बल्ले का कोई किनारा नहीं है। अब थर्ड अंपायर नितिन मेनन के लिए बहुत मुश्किल ये नहीं होना चाहिए डिसीजन, काफी आगे है और पैड पे गेंद टकराई है, और पैड पे टकराने के बाद गेंद वो भी तो क्या स्टंप्स पे जाके लगेगी, अगर लगती है तो रविकांत रेड्डी का डिसीजन, जो ऑन फील्ड अंपायर हैं उनका डिसीजन सही साबित हो जाएगा। सिमरजीत से कुछ भी हो जाए अंपायर्स कॉल पे तो जाना ही पड़ेगा, जाना कितना भी बॉल मुड़ जाए तो यहाँ से का मतलब आउट हो जाएंगे सिमरजीत सिंह, उनके लिए कुछ इतना बचता नहीं है। अब उन्होंने रिव्यू ले तो लिया है लेकिन किसी काम का नहीं है मेरे हिसाब से, अब देखने में पता चलेगा। स्टंप्स की लाइन में ही गेंद थी मिडिल स्टंप के सामने, भाई साहब ये प्लम है यार, एकदम मिडिल स्टंप को जाके गेंद हिट कर रही है, रिव्यू बर्बाद करने पे ये मास्टर क्लास था एक। सही बात है, रविकांत रेड्डी ने जो निर्णय सुनाया था वो बिल्कुल सही, और आउट करार दिया गया है सिमरजीत सिंह को, तो 8वां विकेट चेन्नई का गिर गया है 80 की रन संख्या पर। सिमरजीत सिंह 2 रन बनाकर जा रहे हैं, सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या 100 रन बन पाएंगे यहां से। सवाल सबसे बड़ा ये कि कैब की टाइमिंग क्या होगी। ये भी है, अभी 80 है स्कोर 12.5 ओवरों के बाद 8 विकेट के नुकसान पे क्रिकेट्स पे, सवाल ये है कि 90 से कम या 91 15 ओवरों के बाद अभी। भाई ये तो 20 ओवरों का ही मान लीजिए आप, अब यार अभी कितना है, अभी है 80 पे 8 12.5 ओवरों के बाद। हाँ यस करिए ना इसको, तो खेल लेंगे 92 तक, 92 आराम से, आराम से ठीक है। तो भाई आप भी खेल सकते हैं क्रिकेट्स पे और आप भी जीत सकते हैं इनाम हमारी तरह ही, जब हम सही होते हैं तो ज़रूर जीतते हैं, जब सही नहीं होते तो नहीं जीते। आप लोग भी क्रिकेट्स पे जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में है, और ज़रूर प्रिडिक्ट करें और ढेरों इनाम जीतें क्रिकेट्स पर। नए ओवर की ये अंतिम गेंद है, सुरक्षात्मक स्ट्रोक खेला है तीक्ष्णा ने, नए बल्लेबाज आए हैं, कोई रन नहीं, धोनी आज पूरी टीम के साथ ही बैटिंग कर लेंगे लग रहा है। सुरक्षात्मक स्ट्रोक के साथ ओवर खत्म, 13 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है चेन्नई 80 8 विकेट के नुकसान पे 13 ओवरों के बाद। तो धोनी 24 पे 21 गेंदे खेली और तीक्ष्णा बिना खाता खोले इस समय बल्लेबाजी करते हुए, और बहती गंगा में कार्तिकेय ने भी हाथ धो लिया, 3 ओवरों में 22 रन और 2 विकेट। बढ़िया एक खोज रहे हैं कुमार कार्तिकेय, और उन्होंने इस टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि लेट उनको मौका मिला है, और जब जितने मौके मिले हैं उन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। आप तमाम श्रोताओं का, दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं क्रिक ब्लास्ट पर, फैक्ट्स टुडे पर। आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके जब हम लाइव आएँ तो आपको सूचना मिल जाए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, आप लोगों से इतनी एक इल्तजार रहती है। और शैलेश भाई हमेशा, शैलेश चौहान भाई हमेशा कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट करते हैं और वो निवेदन ही करते रहते हैं लाइक करने के लिए, तमाम जो हमारे लिसनर्स हैं दर्शक हैं उनको वो रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो शैलेश भाई आपका स्पेशल थैंक्स हम सभी की तरफ से कि आप इतनी मेहनत करते हैं हम सभी के लिए। 13 ओवरों के बाद 80 पर 8 चेन्नई सुपर किंग्स, दबाव जो शुरुआत में बना वो दबाव अभी भी
चेन्नई के ऊपर बरकरार है और इस मुकाबले में जिस तरीके से परिस्थितियां हैं बहुत मुश्किल है कि चेन्नई की टीम यहां एक सम्मानजनक स्कोर भी खड़ा कर पाए। अंकुश हालत तो खराब है ये लेकिन अब देखे के पड़ी कि क्या हुई। किसी ने कहा था कि भोजपुरी में बोल दो राजरानी कहना है, राजरानी का कहना था कि अच्छा। भोजपुरी में अंकुश भाई तो मैंने बोल दिया। महेंद्र सिंह धोनी 24 पे 21 गेंदों का सामना करके और महेश तीक्षणा, क्या बात है, महेंद्र सिंह धोनी महेश तीक्षणा दोनों मैदान पे हैं। तीक्षणा ने अभी खाता नहीं खोला है, धोनी ने 24 रन बनाए हैं और उसके अलावा कार्तिकेय की गेंदबाजी 3 ओवर 22 रन देकर 2 विकेट। तो आज बहती गंगा में सभी गेंदबाजों ने हाथ धोए हैं। सैम्स ने शुरुआत बहुत बढ़िया की थी और 3 विकेट उनके नाम पर हैं। उसके अलावा बुमराह ने भी 1 विकेट निकाला था और फिर बारी कार्तिकेय की आई तो उन्होंने भी विकेट निकाले 88 विकेट के नुकसान पर। 2 विकेट मिले हैं रायली मेरेडिथ को भी। अर्जुन तेंदुलकर कब खेलेगा, बहुत सारे सवाल मैच शुरू होने से लेकर अब तक आ चुके हैं। बहुत सारे फैन नहीं हैं अर्जुन तेंदुलकर के लेकिन कुछ तो हैं जो आते हैं कमेंट बॉक्स में। खेलेंगे इस आईपीएल के बाद खेल सकते हैं, मतलब 14 मैच जब मुंबई के हो जाएंगे उससे पहले खेलेंगे, क्या लगता है? नहीं, 14 के बाद ही। 14 के बाद, चलिए तो अब टाइम आउट के बाद खेल दोबारा से शुरू होगा। स्ट्राइक पर होंगे महेंद्र सिंह धोनी और गेंदबाजी में देखना है कि क्या कुछ बदलाव मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा करते हैं। 80 पर 8 क्या 100 रन पहुंच पाएगी चेन्नई की टीम? क्या महेंद्र सिंह धोनी यहां से अकेले दम पर इस मुकाबले को आगे की तरफ ले जाएंगे? काफ़ी कुछ सवाल हैं और इसका जवाब आने वाले 7 ओवरों में निश्चित तौर पर मिलेगा। लेकिन रोहित शर्मा के मन में क्या रणनीति है, गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं रमनदीप। अच्छा, रमनदीप ही गेंदबाजी करते हैं। पहली गेंद और उस गेंद को स्वीपर कवर की तरफ धकेला, 1 रन लेने का मौका था और महेंद्र सिंह धोनी ने उसमें आनाकानी नहीं की। 81 विकेट के नुकसान पर रमनदीप सिंह पहली गेंद डाल चुके हैं। तो इस वक्त 57 मैचेस खेल चुके महेश तीक्षणा सामना करेंगे। T20 मैचेस में ज़्यादा अनुभव नहीं है इनको, IPL में स्पेशली ये पहला सत्र है उनके लिए और बल्लेबाजी में वैसे भी बहुत ज़्यादा कुछ खास प्रदर्शन उनका रहा नहीं है। शॉट डिलीवरी और इस बार बल्लेबाज को कुछ भी समझ नहीं आया, ग्लव्स के आसपास गेंद लग करके गेंद गई थी लेग स्लिप के आसपास, वहां पर कोई फील्डर हालांकि नहीं था लेकिन बाल बाल बच गए वहां और जिस तरह से बाउंसर का इस्तेमाल किया सत्यम, बिल्कुल सरप्राइज कर दिया बल्लेबाज को। जी, मुझे लगता नहीं होता है हाथ है इस बाउंसर के लिए, वेल बिल्ट हैं यार। कितनी स्पीड डाली थी कुछ दिखा नहीं। इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ तैयार हैं, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार बल्ले पे ढंग से नहीं आई, शॉर्ट कवर पे रोहित के पास आसान सा कैच पहुंच गया, लीजिए एक और विकेट गिर गया। एक बार 81 पे 9 स्कोर हो गया है और 13.3 ओवरों के बाद 81 पे 9 स्कोर। लास्ट पार्टनरशिप अब यहां से लास्ट पेयर मैदान के, बिल्कुल, और 100 के भी लाले पड़ते नजर आते हैं, बिल्कुल पड़ते नजर आ रहे हैं। बहुत मुश्किल में है इस वक्त चेन्नई की टीम। अंगद कश्यप पूछ रहे हैं कि क्या मैं देवघर से हूं? क्या मैं देवघर? अच्छा, क्या आप देवघर? देवघर से तो नहीं हूं लेकिन देवघर के पास से जरूर हूं। देवघर के पास ही एक जिला है गुड्डा, मैं वहां से हूं मेरे मित्र। 81 पर 9 चेन्नई सुपर किंग्स, 14वां ओवर पारी का इस वक्त चल रहा है। काफ़ी नज़दीक है देवघर वैसे मेरे घर से, 50-60 किलोमीटर आई थिंक। हाँ, आप कभी गए हैं पावन नगरी? अरे मैं बहुत, मतलब मेरा आना ही उधर से होता है। अच्छा, पावन नगरी, बाबा धाम। बाबा धाम, सही बात है। 81 पे 9 चेन्नई 13.3 ओवरों के बाद। धोनी को स्ट्राइक क्यों नहीं देते ये लोग? धोनी खुद स्ट्राइक पे नहीं रहना चाहता, सिंगल लेके पहले ही गेंद पर सिंगल ले। ओहो, तो अब मुकेश चौधरी स्ट्राइक पर होंगे, 3 गेंदें इस ओवर में बची हुई हैं और रोहित शर्मा भी कह रहे हैं हाँ भाई गेंदबाजी करना चाहते हो, लो लो हर किसी को गेंदबाजी, चलो अभी रमनदीप थोड़ी देर में रोहित भी आ जाएंगे। हो सकता है आ जाए, हालांकि इनकी गति की हम बात कर रहे थे और एक गेंद उन्होंने 138 किलोमीटर की डाली थी। डिसेंट स्पीड है, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद बार बार डाली जा रही है। इस बार हालांकि गेंद को मुकेश भाई ने जाने दिया विकेट कीपर के पास, स्कोर अभी भी 81 पे 9 चेन्नई का 13.4 ओवरों के बाद। रचपाल बेनीवाल का कहना है, इकबाल भाई समय का पता नहीं लगता, जो पहले हीरो थे आजकल वो जीरो हैं, 2 साल पहले चेन्नई मुंबई और विराट कोहली हीरो थे, आज तीनों ही जीरो हैं, बट दोबारा हीरो बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, और इन 3 में से 1 तो निकट भविष्य में हीरो बनेगा, ऑफ स्टंप के बाहर
सॉरी ऑफ स्टंप के सामने की गेंद सीधे बैट से पुश किया उसको वापस गेंदबाज की ओर, कोई रन नहीं। स्कोर 81 पे नौ चेन्नई का 13.5 ओवरों के बाद। सही बात है, फॉर्म देखिए ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हाई तोपा मचाने वाली बात नहीं है। बड़े प्लेयर्स हैं ये और बड़ी वापसी करेंगे ये तमाम, जिन बल्लेबाजों का आपने नाम लिया स्पेशली कोहली रोहित वगैरह जो भी आप कह रहे थे, ये सब बड़े बल्लेबाज हैं और एक सीजन खराब जाने से ये नहीं होगा कि भैया वो। अरे और इधर किनारा लगा विकेट कीपर के बहुत करीब से, गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो एक चौका मिलता हुआ मुकेश चौधरी को और इस चौके के साथ मुकेश चौधरी का खाता खोला, लेकिन बाल बाल बच गए आउट होने से। न केवल मुकेश चौधरी का विकेट वहां पर सुरक्षित रहा बल्कि अगले ओवर में अब महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर आ जाएंगे, तो चेन्नई की टीम की उम्मीदें कुछ हद तक बंधती हुई कि जब तक धोनी स्ट्राइक पर हैं कुछ भी हो सकता है। और एक पक्के शिष्य की भांति पहली 2 गेंदें खेली थी मुकेश चौधरी ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना रंग दिखा ही दिया। हालांकि अब धोनी स्ट्राइक पर हैं 25 पर 22 गेंदों का सामना करके 14 ओवरों के बाद 85-9 विकेट के नुकसान पर। यहां से कितना स्कोर हो पाएगा, क्या 100 पर पहुंचेगी चेन्नई की टीम, मुश्किल नजर आ रहा है यहां से। अब मुश्किल तो मतलब देखिए धोनी इस ओवर में स्ट्राइक पर हैं, अगर धोनी का बल्ला चल जाता है तो इसी ओवर में आपको 100 के पार चेन्नई की टीम दिखाई देगी। लेकिन यही है कि अगर धोनी सिंगल लेते हैं तो फिर कोई भरोसा नहीं कि मुकेश चौधरी क्या करेंगे। तो डिपेंड करता है महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर अब यहां से कंप्लीटली कि ये स्कोर कहां तक जाएगा, क्योंकि अंतिम जोड़ी मैदान पर है और जाहिर सी बात है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर मैदान पर हैं तो आप चाहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ही स्ट्राइक लें और उम्मीद करिए कि महेंद्र सिंह धोनी ही यहां पर इस ओवर में स्ट्राइक रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन गेंदबाजी कौन करेंगे, क्या डैनियल सैम्स को बुलाया जा रहा है? जी हां, डैनियल सैम्स को संभवतः गेंदबाजी दी जाएगी। 3 ओवरों में 14 रन देकर के उन्होंने 3 सफलताएं हासिल की हैं आज, इन्होंने ही शुरुआत की, झटके पे झटका आज दिया डैनियल सैम्स ने और वहां से उठ ही नहीं पाई चेन्नई की टीम। जो पहला विकेट दूसरी बॉल पर गिरा था, इसके बाद से लगातार अंतराल में चेन्नई की टीम विकेट खोती हुई नजर आ रही है। डैनियल सैम्स नए ओवर के साथ आ रहे हैं, पहली गेंद का सामना करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, पहली गेंद शॉर्ट डिलीवरी, कट किया इस गेंद को, गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की ओर, वहां पर फील्डर मौजूद है। रन क्या महेंद्र सिंह धोनी देंगे? नहीं लिया। तो अब क्लियर है कि जो करना है महेंद्र सिंह धोनी को करना है। तो अब मतलब 20 ओवरों की बैटिंग होगी, अब ऑल आउट नहीं होने वाली है चेन्नई की टीम। हो सकता है अगर बल्लेबाज जो मुकेश चौधरी हैं कभी अगर गलती से उनको स्ट्राइक मिल जाए तो वो धोनी को स्ट्राइक पर ले आए तो आप जा सकते हैं 20 ओवर तक। कम से कम वैसा तो नहीं करेंगे ये जैसा ब्रावो ने करने की कोशिश की, जैसा अन्य बल्लेबाजों ने करने की कोशिश की। इस ओवर की दूसरी गेंद धोनी के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर धीमी रफ्तार की गेंद थी, कट करने के लिए गए लेकिन लेट हो गए और गेंद चली गई 1 टप्पे के बाद विकेट कीपर के ग्लव्स में। 85-9 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स। इस सीजन सबसे ज़्यादा छक्के जॉस बटलर के बल्ले से निकले हैं, सबसे ज़्यादा रन भी उन्होंने ही बनाए हैं 12 मुकाबलों में, 37 छक्के उनके नाम पर, जिसमें 107 मीटर लंबा छक्का उन्होंने लगाया था 85-9 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ डेनियल सैम्स और सामने स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी, एक बार फिर कोई रन नहीं इस तीसरी गेंद पर। धोनी ने उस गेंद को पुल करने की कोशिश की, फिर से स्लोअर वन और एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पर अपने इरादे में कामयाब नहीं होने दिया। जिस तरह से डेनियल सैम्स गेंदबाजी कर रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी उनके तरफ से, 3.3 ओवर की गेंदबाजी, 3 विकेट 14 रन देकर। लेकिन कल का मुकाबला है RCB और पंजाब किंग्स के बीच, ये मुकाबला अपने बॉर्न स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा और बड़ा मुकाबला है कल, क्योंकि दोनों ही टीमें प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जाएंगी। राज ये हंस रहे होंगे। शॉर्ट डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर, इस बार वाइड का इशारा आएगा क्या? अंपायर ने वाइड का इशारा किया, एक अतिरिक्त रन, 86-9 विकेट के नुकसान पर CSK। दोनों लड़के जो इस वक्त हंस रहे हैं ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, माइक पे उड़ाओ यार। क्या क्या रहे आज बताता हूँ मैं, कह रहे हैं लास्ट टाइम इकबाल भाई ने बोला था इकबाल भाई ने जब बोला था कि मुकाबला बहुत मजेदार होगा तो क्या हुआ था हम सबको, हम सबने देखा था, बस वही होगा। मैंने मजेदार शब्द का इस्तेमाल इसलिए जानबूझ के इस बात में किया। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा बड़ा मुकाबला, उस दिन भी आपने ये कहा टीमें जो है, अरे मैंने कहा था कि दोनों मजेदार मैच होगा, इतना भी नहीं घेरना है किसी को यार। अब इस ओवर के चौथी गेंद आ रही है, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, खेला उसको स्वीपर कवर की ओर,
सिंगल ओवर की चौथी गेंद पे भी नहीं लिया गया और स्कोर अभी भी चेन्नई का 86/9 है 14.4 ओवरों के बाद। साहिल आलम का कहना है 140 रन बनने वाले हैं। ये साहिल आलम कब से हो गए? नहीं, ये साहिल आलम कोई और पहले से ही है। ठीक है, तो 140 रन सर बहुत मुश्किल है, नहीं बनने वाले। अगर 20 ओवर चेन्नई खेल भी लेता है ना तब भी इतने रन नहीं बनेंगे। इस ओवर की अब पांचवी गेंद सामने, धोनी पांचवी गेंद पे सिंगल ले लिया और स्ट्राइक पे अब होंगे मुकेश भाई। स्क्वायर लेग की ओर शॉर्ट ऑफ लेंग गेंद ही खेल दिया था उसको धोनी ने। मुकेश भाई के पास बस एक ही काम है कि इस गेंद पे आउट नहीं होना है आपको, नहीं तो आप आउट होंगे तो धोनी को भी आपके साथ ही वापस जाना पड़ेगा। तो उनको अब एक गेंद बस ब्लॉक करनी है, गेंद जैसी होगी उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे क्या करना है, बस आउट नहीं होना है। हालांकि उनके लिए ये भी करना आसान नहीं होने वाला, एक ही गेंद दी है वैसे धोनी ने। हाँ, बस अब गेंदबाज के पास एक ही गेंद है। अगर आपको ये मुकाबला चेन्नई की पारी को दरअसल यहीं पे फिनिश करना है तो एक ही गेंद आपको मिला करेगी, आप ये मान के चलिए। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी शुरुआती पांच गेंदों पर अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कि पूरे ओवर में स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश करें, अंतिम गेंद पर सिंगल ले लें, तो बमुश्किल आपको एक गेंद मिलेगी और उस गेंद पर विकेट लेना है आपको मुकेश चौधरी का। क्या डैनियल सैम्स विकेट ले पाएंगे? यॉर्कर डालेंगे, शॉर्ट गेंद डालेंगे, क्या होगा? आप लोग क्या कहते हैं? अंकुश ठाकुर बताइए, शॉर्ट गेंद यॉर्कर? यॉर्कर डालना चाहिए, गुड लेंथ। यॉर्कर ट्राई किया था बट फुल टॉस हो गई, मिड ऑन पर गेंद, लॉन्ग ऑन पर गेंद जा रही, सिंगल लेंगे नहीं क्योंकि धोनी को अगले ओवर में स्ट्राइक रखनी है। और इस तरह से 15 ओवरों के बाद 87/9 चेन्नई सुपर किंग्स। लीजिए, तो एक और ओवर निकल गया, इसमें दो ही रन है 87/9 विकेट के नुकसान पर। मुझे लगता है कि हमारा प्रेडिक्शन सही करेंगे और उसके बाद आउट हो जाएंगे। मुकेश भाई चार पर खेल रहे हैं, चार गेंदों का सामना किया, अच्छा 15 ओवरों के बाद। ओह, हमने तो 15 ओवर का ही किया था, कोई नहीं, एक और अफसोसजनक पारी हम लोगों की खत्म होती हुई। डेनियल सैम्स ने अपने चार ओवर का कोटा पूरा किया है, चार ओवर 16 रन और 3 विकेट, एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी सैम्स के तरफ से। 87/9 विकेट के नुकसान पर 15 ओवरों का खेल खत्म हो गया है। दलपत पटेल कह रहे हैं कि सत्यम भाई आज बहुत उदास हैं, क्या कम बोल रहे हैं? चेन्नई ऐसा खेल रही है इसलिए सर थोड़ा उदास हो गया हूँ, बट रिकवर कर जाऊँगा एक बार जब कैमरे वैमरे ऑफ हो जाएंगे, तो रिकवरी की उम्मीद कर रहा हूँ। काश हमारा पुराना वाला स्कोर कार्ड भी होता, मतलब नया वाला, तब भी रिकवरी के चांसेस होते सत्यम के पास। पहली गेंद और इस गेंद को पुल कर दिया है चार ओवर के लिए, कोई मौका नहीं वहां पर कार्तिक के पास। मेरेडिथ के ओवर की पहली गेंद तकरीबन कमर की ऊंचाई की थी और उसको आराम से नटराज मुद्रा में खेल दिया इस चौके के साथ 91/9 विकेट के नुकसान पर। तो महेंद्र सिंह धोनी इस चौके के साथ 30 पर पहुंच गए हैं 28 गेंदों का सामना करने के बाद, और काफी उपयोगी रन है ये अपने गेंदबाजों के लिए बना रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। क्या इस स्कोर को महेंद्र सिंह धोनी 125 के आसपास ले जा पाएंगे? और अगर ले जा पाते हैं तो कम से कम एक ऐसा स्कोर ज़रूर होगा जो थोड़ा बहुत मौका ज़रूर देगा चेन्नई के गेंदबाजों को। 91/9 इस ओवर की अब दूसरी गेंद के साथ रायली मेरेडिथ तैयार हो रहे हैं, सामना करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। दाएं हाथ से ओवर द विकेट ये गेंद, इस बार शॉर्ट डिलीवरी, कट किया इस गेंद को लेकिन सीधे गेंद गई है पॉइंट के फील्डर के पास। रन बनाने का मौका नहीं है इस अवसर पर महेंद्र सिंह धोनी के पास। धोनी की स्ट्राइक रेट जो अंत के ओवर्स रहते हैं सत्यम, उसमें काफ़ी ताबड़तोड़ रहती है, और अब तो जो करना है महेंद्र सिंह धोनी को ही करना है और एक ही गियर में अब बल्लेबाजी होगी तो मज़ा आएगा। नहीं होगी एक्चुअली वो लास्ट, अब बैट्समैन ओवर में, लास्ट दो ओवर में कर सकते हैं। हाँ, लास्ट दो ओवरों में भले ही करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे इकबाल, क्योंकि वो पूरे 20 ओवर खेलना चाहेंगे। यहाँ पर मेरा कहने का, अगर विकेटें और होती तो जरूर धोनी जैसे लास्ट के ओवर्स में खेलते हैं वैसे खेलते हैं, लेकिन यहाँ तो विकेटें ही नहीं है ना, आप देखिए क्या कर रहे हैं, वो टुकल कर रहे हैं और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। रन बनाने के लिए जाएंगे तो बाउंड्रीज में रन बनाने की, बाउंड्रीज में रन बनाने के लिए जाएंगे और वो भी कैलकुलेटेड रिस्क ही ले सकते हैं, आप एकदम भर भर के रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, ये तो है कि ऑल आउट तो आप जाएंगे नहीं कि हार या पार, वैसा तो नहीं करेंगे धोनी। यही डिफरेंस है धोनी में और कुछ और जो फिनिशर्स हैं उनमें। सही बात है, धोनी हालात के हिसाब से बैटिंग करते हैं, एटलीस्ट कोशिश करते हैं। 91/9 चेन्नई का स्कोर 15.3 ओवरों के बाद। इस ओवर की चौथी गेंद के साथ तैयार हैं धोनी ने, बड़ा शॉट खेल दिया एक बॉल, इस बार स्लोअर वन थी, पुल कर दिया उसको स्क्वायर लेग की ओर 6 रनों के लिए। वाह क्या बात है, महेंद्र सिंह धोनी इस वक्त जलवा बिखेरते हुए, जब पूरी टीम
निराश करके वापस लौटी है। तो अंतिम जोड़ी के साथ महेंद्र सिंह धोनी जबरदस्त एंटरटेनमेंट पेश कर रहे हैं दर्शकों के लिए। शॉर्ट गेंद धीमी रफ्तार की और उस गेंद को पुल कर दिया था 6 रनों के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने। बढ़िया टाइमिंग और इस छक्के के साथ धोनी पहुंच गए 36 पर और स्कोर चेन्नई का 97 9 विकेट के नुकसान पर। महेंद्र सिंह धोनी हैं तो कुछ भी मुमकिन है यहां पर। अगर पूरे बचे हुए ओवर चेन्नई की टीम खेल जाती है, महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पर लगातार रहते हैं, तो ये स्कोर कुछ भी बन सकता है। इस ओवर की अगली गेंद के साथ रायली मेरेडिथ तैयार। एक ही गेंद चाहिए जिस पर कि विकेट आ सकता है और वहीं पर चेन्नई की पारी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो गेंद महेंद्र सिंह धोनी नहीं आने देना चाहेंगे इस पारी में, कम से कम 20 ओवरों तक, अंतिम गेंद तक नहीं आने देना चाहेंगे। इस ओवर की अब 5वीं गेंद के साथ तैयार गेंदबाज रायली मेरेडिथ, सामना करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। और इस बार बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, इस गेंद को कट किया लेकिन सीधे पॉइंट पर खड़े फील्डर के पास गेंद पहुंची, कोई रन नहीं। धोनी ने डॉट डिलीवरी खेली है और अब अंतिम गेंद उस पर सिंगल लेना लाजमी है। सत्यम ले लिया जाएगा, फील्ड फैली हुई है अभी भी, बाउंड्री पे खिलाड़ियों की संख्या उतनी है जितनी अब से पहले थी। अब हालांकि रोहित अंदर बुला रहे हैं मिडॉन को, बोल रहे हैं अंदर आजा भाई। धोनी के लिए सिंगल थोड़ा सा कठिन करना चाहते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं रोहित शर्मा। सब आ गए भाई, सबको बुला लिया। तो ये टेस्ट मैच वाली रणनीति है, लास्ट बैट्समैन जब बैटिंग कर रहा होता है साथ में एक पुछल्ला होता है तो वहाँ भी यही करते हैं, आप सबको एकदम पास बुला लेते हैं, कहते हैं कि आप खड़े रहेंगे यहीं, आपको इस बॉल पे सिंगल नहीं देने वाले। ये डॉट डिलीवरी हो जाए अगले ओवर में बुमराह को ले आए। हाँ बिल्कुल, इस ओवर की अंतिम गेंद है। और धोनी ने रन लेने का प्रयास किया, डायरेक्ट थ्रो लग गया है, ईशान किशन का डायरेक्ट थ्रो लग गया और मुझे लग रहा है कि रन आउट हो गए हैं मुकेश चौधरी। धोनी ने पहले से मन बना रखा था अगर बैट पे बॉल नहीं भी आएगी मैं भाग लूंगा रन के लिए, आप भी भाग जाइएगा, लेकिन दैट हैज नॉट वर्क्ड इकबाल। बट क्या दिमाग लगाया यार धोनी ने, गेंद खेलने की मंशा नहीं थी, जैसे ही गेंद डाली गई शॉर्ट गेंद उन्हें दौड़ना शुरू कर दिया। तो भाई मुकेश भाई को भी पहले ही दौड़ना शुरू करना चाहिए था, बहुत दूर रह गए मुकेश भाई। क्या तो बात भाई। नहीं की थी मुकेश भाई से, हाँ, इस प्लान का हिस्सा नहीं थे शायद, लगा नहीं कि मुकेश भाई इस प्लान का हिस्सा है। क्यों देखे ना कितना फासला था, धोनी मान के चल रहे थे ईशान किशन अपना लड़का है वो स्टंप्स पे नहीं मारेगा, लेकिन उसने नमक हरामी कर दी थोड़ी सी, वो ईशान किशन ने थ्रो ग्लव्स पहने पहने फेंक दिया। हाय हाय लुक एट धोनी, ही इज सो डिसअपॉइंटेड। नहीं ये नहीं कुछ बोलते। 97 पे ऑल आउट हो गई है चेन्नई की टीम 16 ओवरों के बाद और 100 रन नहीं पूरे हो पाए। महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी निराश हैं वहाँ पर, मुकेश भाई को वो रन पूरा करना चाहिए था, पहले क्रीज को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन क्या है ना कि अब तो वो मांकड़ भी कर सकते हैं जो रनआउट के रूप में अब काउंट होता है, तो रनआउट कर सकते थे, इसलिए क्रीज पहले छोड़ना भी मुनासिब नहीं था और उस समय पहुँचना भी उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि ईशान किशन ने विकेट के पीछे से बेहतरीन थ्रो किया, क्योंकि ग्लव्स पहन के थ्रो करना आसान कतई नहीं होता और बहुत कम मरतबा ही विकेट कीपर स्टंप्स पर लगा पाते हैं थ्रो। यहां पर ऐसा हुआ, 97 पे ऑल आउट हो गई है चेन्नई की टीम। महेंद्र सिंह धोनी नॉट आउट लौटेंगे 36 बनाकर, 33 गेंदों का उन्होंने सामना किया और मुकेश चौधरी रन आउट हुए 4 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करके। तो सबका सार यही है कि चेन्नई की टीम 100 रन नहीं बना पाई है, 97 रन कितने ओवर में राज ये हो जाएगा कहानी। 15 से 16 ओवर तो लगने चाहिए है? 15 से 16 जी। हाँ, और क्या, 100 रन के करीब है यार, इतना भी मतलब 50 नहीं है। नहीं, जीत जाएगी मुंबई लेकिन 10 ओवरों में तो नहीं जीतेंगे। हाँ। लगेंगे उनको भाई, वो 18वें ओवर में भी जीत, वो थोड़ी चाहेगी कि चेन्नई जैसा हाल उनका हो जाए, तो वो तो शुरुआत में थोड़ा सा आराम से ही खेलेगी। तो 97 पे ऑल आउट हो चुकी है चेन्नई की टीम, धोनी ने बनाए 36 रन 33 बॉल खेल के और मुकेश चौधरी ने बनाए 4 रन, तो स्कोर 100 से भी ऊपर नहीं जा सका चेन्नई का और काफी निराश होंगे चेन्नई के सभी फैंस। ये सेकेंड लोएस्ट टोटल है चेन्नई का आईपीएल हिस्ट्री में, इससे पहले था जो था वो दिखा रहे थे बट मैं देख नहीं पाया, आप बता दीजिए अंकुश। रायली मेरेडिथ ने आज 27 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और अच्छी गेंदबाजी रही आज मुंबई की टीम की, बहुत बढ़िया गेंदबाजी सभी गेंदबाजों ने की। आप अगर देखना चाहें, मैंने बैटिंग कार्ड पहले नहीं दिखाया, मैंने बॉलिंग पहले दिखाया क्योंकि बैटिंग में देखने लायक कुछ खास है नहीं। डैनियल सैम्स ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेटें,
जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट, रायली मेरेडिथ ने 2.5 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट, 2 ओवर ऋतिक शौकीन ने डाले 12 रन दिए, कुमार कार्तिकेय ने 3 ओवर में 22 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की और रमनदीप सिंह ने 1 ओवर में 5 रन दिए और 1 विकेट उनको भी मिल गया था। तो अच्छी गेंदबाजी आज नजर आती है मुंबई इंडियंस की। अब बैटिंग देखते हैं, ऋतुराज गायकवाड कॉट, ईशान किशन बोल्ड, डैनियल सैम्स 7 रन बनाए उन्होंने, डेवॉन कॉनवे LBW हुए, डैनियल सैम्स की गेंद पर पहली गेंद वो खेल रहे थे, 0 पर आउट हुए, मोइन अली कॉट, ऋतिक शौकीन बोल्ड, डैनियल सैम्स 0 पर वो भी आउट हुए, रॉबिन उथप्पा LBW हुए, बुमराह की गेंद पर 1 रन बनाया उन्होंने, अंबाती रायडू कॉट, ईशान किशन बोल्ड, रायली मेरेडिथ 10 रन बनाए उन्होंने, महेंद्र सिंह धोनी अंत तक नाबाद रहे 36 रन बनाकर, शिवम दुबे कॉट, ईशान किशन बोल्ड, रायली मेरेडिथ 10 रन बनाए उन्होंने, ड्वेन ब्रावो कॉट, तिलक वर्मा बोल्ड, कुमार कार्तिकेय 12 रन बनाए उन्होंने, सिमरजीत सिंह LBW कुमार कार्तिकेय 2 रन, महेश तीक्षणा कॉट, रोहित शर्मा बोल्ड, रमनदीप सिंह 0 और मुकेश चौधरी अंतिम बल्लेबाज आउट होने वाले जो कि रन आउट हुए 4 रन बना करके। तो ये लेखा जोखा है इस मुकाबले का अब तक। इससे पहले चेन्नई की टीम का जो लोवेस्ट स्कोर था वो 79 था, तो ये दूसरा सबसे कम स्कोर है चेन्नई के लिए। 2013 की बात है जब मुंबई के खिलाफ ही चेन्नई की टीम खेल रही थी और 79 रनों पर सिमट गई थी वहाँ, लेकिन यहाँ पर 98 रन बनाने हैं मुंबई को इस मुकाबले को जीतने के लिए और बहुत मुश्किल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर मुंबई की टीम की बात करें, ईशान किशन है टीम के पास, रोहित शर्मा, शुरुआत देखना है कि क्या धमाकेदार होता है या फिर संभल कर बल्लेबाजी करते हुए नज़र आएंगे, काफ़ी कुछ सवाल है। लेकिन अभी तक जिस तरह का खेल हुआ पहली पारी में, मुंबई के गेंदबाजों ने एक तरफा इस मुकाबले में डोमिनेट किया है और कुल मिलाकर देखें तो अभी तक का प्रदर्शन मुंबई का बहुत ही बेहतरीन रहा। लेकिन अब बल्लेबाजी में बारी है और आसान टारगेट होना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ बचता नहीं है। 109 पे एक बार ऑल आउट हुई थी मुंबई के ही खिलाफ, तो चेन्नई के 3 जो सबसे लोएस्ट स्कोर हैं IPL में वो 3 मुंबई के खिलाफ ही रजिस्टर किया गया है टीम के तरफ से। तो कुल मिलाकर महेंद्र सिंह धोनी की 36 रनों की पारी भी चेन्नई को 100 रनों तक नहीं पहुंचा पाई और अभी 97 पर ऑल आउट हो गई है महज 16वें ओवर में, यानी कि 24 गेंदों का खेल बचा हुआ था और तब आपने अपने 10 विकेट गंवा दिए। बहुत ही ख़राब प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है चेन्नई के बल्लेबाजों की तरफ से, लेकिन मुंबई के पास मौका है इस मुकाबले को जीतने के साथ ही चेन्नई को जो रही सही इधर उधर के जो चांसेज हैं उसको भी ख़त्म करने के, चेन्नई के जो नॉकआउट में यानी कि प्ले ऑफ में पहुंचने के चांसेस बनाए जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इक्वेशन डाला जा रहा है उसकी आज ऐसी तैसी होने वाली है। मोहित यादव जी का सुपर चैट आया है, शुक्रिया बहुत बहुत, हमारे साथ बने रहिए। और चलिए अब बताते हैं आपको कि टीम में क्या कुछ है, मुंबई के बल्लेबाजी, मुंबई की टीम की किस तरह की है। ये रहा आपके स्क्रीन पे मुंबई की टीम, रोहित शर्मा, ईशान किशन, रमनदीप सिंह, तिलक वर्मा, टिम डेविड, क्रिस्टियन स्टब्स, डेनियल सैम्स, शौकीन, उसके अलावा कुमार कार्तिकेय सिंह, जसप्रीत बुमराह और रायली मेरेडिथ। इकबाल भाई, मैं तो देखना चाहता हूँ यहाँ पर कि स्टब्स की तो बल्लेबाजी जाहिर सी बात है कि हम सब देखना चाहेंगे क्योंकि बहुत भरोसा करके इन्हें लाया गया है, लेकिन मिलेगी नहीं बल्लेबाजी, बल्लेबाजी आएगी नहीं, प्रमोशन अगर मिल जाए तो आ सकती है, ऐसे चांसेस नहीं है। लेकिन रमनदीप के पास भी मौका होगा, अगर मौका मिला तो कुछ रन स्कोर कर पाए, विकेट आज उन्होंने एक निकाला और टिम डेविड ने भी पिछले कुछ मैचों में अच्छी पारियां खेली है, तो बारी आनी नहीं चाहिए बाकी के बल्लेबाजों की और टॉप 3-4 के बल्लेबाज ही इस मैच को फिनिश कर दें, मुंबई की टीम यही चाह रही है। तो सचिन तेंदुलकर का बर्थडे इतना कुछ खास सौगात लेकर नहीं आया मुंबई के लिए, रोहित शर्मा का बर्थडे भी कुछ खास सौगात लेकर नहीं आया। कोई बता रहा था कि उस दिन मैच जीती थी मुंबई की टीम, मुंबई की टीम जीती थी, रोहित शर्मा बता रहा था, मैं एक बार चेक करिए यार, हाँ मैं गलत कहीं कोट नहीं कर रहा हूँ, बट आज बर्थडे है किसका, केरन पोलार्ड का, यस, और उनके बर्थडे वाले दिन मुकाबला जीतने की स्थिति में है मुंबई की टीम, लेकिन हाँ जीती थी मुंबई, जीती थी 30 अप्रैल को ना, किसके खिलाफ, राजस्थान के खिलाफ, राजस्थान के खिलाफ मैच जीती थी।
तो ये दूसरा अवसर होगा कि किसी खिलाड़ी का बर्थडे और मैच जीत जाएगी मुंबई की टीम। तो फिलहाल इस वक्त इंतज़ार है दोनों ओपनर्स का और जल्द ही दोनों ओपनर्स आएंगे। रोहित शर्मा और ईशान किशन पारी की शुरुआत करेंगे या यहाँ कुछ चेंज देखते हैं आप? मुझे कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। एक आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं और उस आंकड़े में है ये कि आईपीएल में जो आईपीएल की टीमें हैं उसमें सबसे ज़्यादा बार 100 के नीचे ऑल आउट कौन सी टीम हुई है, तो दिल्ली की टीम 10 बार ऑल आउट हुई है 100 रन से कम में। एक बार दोबारा बताइए। 100 रन से कम में ऑल आउट होने वाली आईपीएल की टीमें सबसे ज़्यादा बार, तो दिल्ली की टीम 10 बार, आरसीबी 9 बार, मुंबई और राजस्थान 5-5 बार, पंजाब की टीम 3 बार और केकेआर और चेन्नई की टीम सबसे सक्सेसफुल है इस मामले में 2 बार। दो बार जी हाँ। तो ये दूसरा अवसर है जब चेन्नई की टीम जो है 100 के नीचे ऑल आउट हो गई है आईपीएल में, पहले बैटिंग करते हुए या ओवरऑल है ये? तो भाई ये तो बड़ा अच्छा आंकड़ा है यार, और आई थिंक चेन्नई को इतना ज़्यादा कोई परेशानी होगी नहीं। हालांकि अगले सीज़न क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि टीम उन्होंने जो बनाई है उसमें काफ़ी वरिष्ठ खिलाड़ी शामिल किए हैं, और अगले साल ये खिलाड़ी कितने फिट होंगे, कितने फॉर्म में होंगे, ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन बहुत दिक्कत हो सकती है चेन्नई की टीम को जिस हिसाब से उनके पास उम्र दराज खिलाड़ी हैं। लेकिन मुंबई की बात करिए तो अगला साल मुझे लगता है इनके लिए ज़्यादा आशा देने वाला हो सकता है। बिल्कुल, मुंबई की टीम ने युवाओं पे इन्वेस्ट किया है और जिन खिलाड़ियों को मौका मिला, डेवाल्ड ब्रेविस को हमने देखा, टिम डेविड को देखा, साथ में रमनदीप तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं, ट्रिस्टन स्टब्स का भी नाम उस लिस्ट में आप ले सकते हैं, हालांकि अभी तक एक भी मैच उन्होंने नहीं खेला। लेकिन जो ये टीम तैयार कर रहे हैं ना मुंबई वाले, वो निश्चित तौर पर अगले साल उनको रिजल्ट देकर जाएगा। रैली मेरेडिथ बात कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ काम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। कह रहे हैं कि कांट कंप्लेन टू मच, वाज अ ट्रिमेंडस एफर्ट फ्रॉम एवरीवन, इट वाज अ ग्रुप परफॉर्मेंस, क्वाइट एन अनबिलीवेबल एफर्ट, गेट सम स्विंग इन द 7th or 8th ओवर, दैट वाज अनयूजुअल बट डेफिनेटली नॉट कंप्लेनिंग, आई जस्ट ट्राई टू गेट ऑन द मार्क, टॉप ऑफ ऑफ एंड द बॉल स्वंग इन अगेंस्ट राइडू आफ्टर दैट बाउंड्री, उसके बारे में उन्होंने कहा, द पेस वाज ट्रबलिंग देम अ लॉट सो वी डिड नॉट टेक द पेस ऑफ। तो रैली मेरेडिथ के कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं विकेट के बारे में भी, सभी का प्रदर्शन काफ़ी सही रहा और 7th-8th ओवर में थोड़ी बहुत उन्हें स्विंग हासिल हुई जो काफ़ी अनयूजुअल था उनके लिए, लेकिन डेफिनेटली वो कंप्लेन नहीं करते हुए दिख रहे हैं। तो अब आपको बता देते हैं कि अब 98 रन बनाने हैं मुंबई की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए, और मुंबई की टीम रोकने के लिए चेन्नई का डगआउट तैयार नजर आ रहा है। जी इकबाल भाई, मैं क्रिस्टियन स्टब्स के आंकड़े देख रहा था और ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा अनुभव तो है नहीं, 21 साल के हैं, लेकिन जो आंकड़े मैं देख पा रहा हूँ वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। T20 फॉर्मेट में स्टब्स ने कुल 17 मैचेस खेले हैं और 506 रन बनाए हैं, 80 नॉट आउट उनका उच्चतम स्कोर है, 39 की एवरेज है और 157 की स्ट्राइक रेट है। वहीं अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो उसमें 8 मैचेस और 465 रन, 46 की औसत वहां पर है, और अगर लिस्ट एक दिवसीय मैचेस की बात करें तो 11 मैचों में 275, एवरेज यहां थोड़ा कम है 27.5 का, और स्ट्राइक रेट लेकिन काफ़ी दमदार है। 3 अर्धशतक ये बना चुके हैं T20 फॉर्मेट में, तो अच्छे खिलाड़ी नज़र आते हैं। इनके आंकड़े अभी शुरुआती दिन हैं, जाहिर सी बात है कोई बड़ा ब्रेक इनको मिला नहीं है अपने करियर में, और ये बड़ा ब्रेक है उनके लिए कि वो यहाँ पर कुछ छाप छोड़ पाएँ। ब्रेक के बाद दक्षिण अफ्रीका के हैं क्रिस्टियन स्टब्स और आज का मुकाबला वो खेल रहे हैं, पहला मुकाबला है ये उनके लिए आईपीएल में और बड़ा दिन है उनके लिए। ये बात और है कि क्या उनको बल्लेबाजी करने की उनकी बल्लेबाजी की आवश्यकता टीम को पड़ेगी, ऐसा लगता नहीं है कि उनकी बैटिंग की ज़रूरत टीम को पड़नी चाहिए, लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि ओपनिंग के लिए किस बल्लेबाज को भेजा जाता है, क्या खुद रोहित शर्मा और ईशान किशन ही आएंगे या कुछ परिवर्तन करेंगे? हाँ बताइए अंकुश। एक्चुअली मेरे पास एक पेपर की कटिंग आई और खबर है, ये खबर मैं खुद आज करके आया हूँ। अच्छा करके आया जी, चलिए अच्छी बात है आपने करके आया। हाँ
क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी जल्द ही एक फिल्म निर्माता के तौर पर, यानी एक फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्ट के तौर पर आपको नज़र आएंगे, और इसके लिए पूर्व कप्तान धोनी ने संजय कोई हैं अभिनेता रजनीकांत के करीबी, उनको नियुक्त किया है। धोनी के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली पहली फिल्म में अभिनेत्री नयनतारा की मुख्य भूमिका निभानी है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के सत्र के बाद महेंद्र सिंह धोनी के इस फिल्म की घोषणा हो सकती है। तो अब महेंद्र सिंह धोनी फिल्म निर्माण में कदम रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, खासकर धोनी के जो फैन हैं। तो मुंबई की टीम अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी। रोहित शर्मा, ईशान किशन, रमनदीप सिंह, तिलक वर्मा, टिम डेविड, ट्रस्टियन स्टाब्स, डेनियल सैम्स, ऋतिक शौकीन, कुमार कार्तिकेय सिंह, जसप्रीत बुमराह और रैली मेरेडिथ, इनके ऊपर दारोमदार है इस मुकाबले को जिताने के लिए मुंबई की टीम को। और मुझे नहीं लगता है कि नंबर 3 या 4 के आगे बल्लेबाजी आनी चाहिए इस मुकाबले में, अगर आता है तो फिर ऐसे मुंबई की टीम इस सीज़न खेली भी ऐसी है कि हो सकता है कि उनकी भी बारी आ जाए, लेकिन आज इस मुकाबले में चेन्नई की बल्लेबाजी बहुत ख़राब रही। हम बार बार इस बात का जिक्र करते रहे हैं। कमेंट आ रहा है कि वेर इज साहिल भाई एंड सत्यम भाई। सत्यम भाई तो हमारे साथ थे, अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए गए हैं, दोबारा आएंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ। और साहिल भाई तो 2 दिन के छुट्टी पे हैं, कल ही इस बात की घोषणा हो गई थी। व्हाट हैपेंड व्हेन सीएसके विन बाय 8 रन्स, श्री श्री का कहना है। श्री श्री, आपने बात भी एकदम श्री श्री जैसी की है, श्री श्री। तो भाई ये मुकाबला चेन्नई की टीम अगर जीत जाती है 8 रन से, श्री श्री जी, तो अपने नाम में एक और श्री आप लगा लीजिएगा, आपको इजाजत है। श्री श्री सुब्रमण्यम, श्री 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 इनका नाम होगा। नहीं नहीं, उनका नाम एक्चुअली है श्री हरि। अच्छा, श्री हरि नाम है, श्री हरि सुब्रमण्यम। काम का हम कचरा कर रहे हैं अंकुश, इसीलिए आपको कहा है कि आप चश्मा पहन करके ठीक से नहीं देख पाते हैं, आप चश्मा उतारिए। चलो भाई, दोनों ओपनर्स आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चलिए, तो अब दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पे हैं, राजबाबू ऑपरेट करेंगे, आंकड़े दिखाएंगे कि क्या कुछ इन दो बल्लेबाजों के नाम पर हैं। एक तो रोहित शर्मा दिख रहे हैं और दूर से ही दिख जाते हैं, बड़ा पाव, और दूसरी तरफ ईशान किशन है, एकदम देहाती लौंडा, मस्त रहता है, अपना क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन रन भी तो बनाने चाहिए। 11 मुकाबले 200 रन, 18 की औसत, 125 का स्ट्राइक रेट, कोई अर्धशतक नहीं, और शतक तो दूर की कौड़ी नजर आ रही है। लेकिन गेंदबाजी में है अब मुकेश भाई गेंदबाजी बहुत अच्छी करते हैं। लास्ट टाइम मुंबई के खिलाफ जब खेल रहे थे तो पहली पारी में गेंदबाजी उन्होंने की थी, चूंकि चेन्नई की टीम पहले बॉलिंग कर रही थी, और वहां पर उन्होंने मुंबई के 4 विकेट झटके थे, कमाल की गेंदबाजी की। 11 मुकाबले 321 रन है ईशान किशन के नाम पर, लेकिन समस्या सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट को लेकर के। जी, 117 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग की है इस सीजन, जो कि कहीं से भी उस स्तर की बल्लेबाजी नहीं है जिस स्तर की बल्लेबाजी की अपेक्षा की जाती है ईशान किशन से। तो दोनों ओपनर्स मैदान पर पहुंच चुके हैं और गेंदबाजी के आक्रमण की शुरुआत करेंगे मुकेश चौधरी, जो कि नई गेंद से अच्छी खासी स्विंग हासिल कर सकते हैं, और यहां पर जो पिच का मिजाज जब तक हमने देखा है उसके आधार पर अगर बात करें तो भाई बहुत बढ़िया स्विंग वो हासिल कर सकते हैं। पहली गेंद के साथ दौड़ना शुरू करेंगे गेंदबाज मुकेश चौधरी, सामना करेंगे उनका ईशान किशन। 11 मैचेस में 13 विकेटें मुकेश चौधरी ने हासिल की हैं। बेटर आज जी, ये तजुर्बे से आता है। 11 मैच खेल के अभी तजुर्बा हुआ कहाँ इनका इतना? मैं जो कह रहा था तुमने फिर वही बात कर दी। चलिए चलिए कहिए। मैंने कहा तजुर्बे से आता है। क्या आता है? अरे तजुर्बे से तजुर्बा आता है भाई। इस ओवर की पहली गेंद के साथ मुकेश चौधरी तैयार हैं और सामना करेंगे अब ईशान किशन, तैयार हैं सामना करने के लिए पहली गेंद का। महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छा खासा समय लेकर के फील्ड पूरी तरह से सेट कर लिया और पहली गेंद मुकेश चौधरी की, 2 स्लिप एक गली के साथ, लेग स्टंप पर गेंद थी, पैड पर टकरा करके गेंद जा रही है ऑन साइड में, सिंगल मिलेगा बल्लेबाजों को। क्या वहां डेलिबरेट पैडिंग थी? हाँ, लगा तो ऐसा ही है। अरे
और रिव्यू लिया धोनी ने, हाँ जी, उन्हें भी ऐसा लगता है कि ये डेलिब्रेट पैडिंग की है बल्लेबाज ईशान किशन ने, छोड़ दिया था पूरी तरह से, उन्होंने बल्ला चलाया भी नहीं था, शॉट ऑफर नहीं किया था, और ऐसी स्थिति में धोनी का एक इंटरेस्टिंग फैसला, क्योंकि पिचिंग फिर इसमें मैटर नहीं करेगा। यस, अब DRS उपलब्ध भी है पहली गेंद के साथ। ईशान किशन बातचीत कर रहे हैं रोहित शर्मा के साथ, और गेंद पड़ने के बाद बल्लेबाज की तरफ घूमी है, काफी क्लोज हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पर अंपायर का डिसीजन क्या होगा? ये शॉट ऑफर क्या हुआ है यार, कसम से, क्या क्या दिमाग वाला बंदा है यार भाई साहब। इस जो उन्होंने किया वहां पर, गेंद को छोड़ करके भाग गए थे बैटिंग करते वक्त, खेलने से कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको सिंगल लेना था लास्ट में जब रन आउट हो गए थे मुकेश भाई, लेकिन यहाँ गेंद टप्पा खाने के बाद काफी अंदर की तरफ स्विंग होती हुई दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा कांटा बदलती हुई गेंद नजर आ रही है, और ऐसे में क्या गेंद स्टंप को हिट कर जाएगी, क्योंकि पिचिंग फिर मायने नहीं रखेगा, और ये देखा जाएगा कि गेंद स्टंप को छू रही है क्या। क्यों पिचिंग आउट भैया, पिचिंग आउटसाइड लेग, शॉर्ट खेल रहे थे, अंपायर का मानना शॉर्ट ऑफर किया गया, ऑफर किया था क्योंकि बल्ला आ रहा था पास में, उन्होंने छोड़ा नहीं था चेतेश्वर पुजारा की तरह। चलिए फिर तो एक जो धुकधुकी आ गई थी वो जाती रही, बिल्कुल, और जाती रही दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव, खिलाड़ी वहां पर एक शॉर्ट कवर पर था और एक मिड ऑफ पर, दोनों के बीच से गेंद को निकाला, और उस तरफ जो एक सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी एक पानी लेकर तैयार रहता है उसके पास गेंद पहुंची बाउंड्री पार। इस चौके के साथ स्कोर खाता खुल गया है मुंबई की टीम का 4 बिना किसी नुकसान के। पहली गेंद पर LBW की अपील हुई थी, ऐसा लगा कि ईशान किशन ने जानबूझकर वहां छोड़ा था, लेकिन यहां दो गेंदों के बाद 4 बिना किसी नुकसान के। जिराज, तो मुंबई की अच्छी शुरुआत, एक चौका लगा पहली बॉल पे, अब रिव्यू लिया गया था लेकिन रिव्यू वेस्ट हुआ, इसी बीच अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, उसको कट किया, गेंद सीधे जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट पे, वहाँ सिमरजीत सिंह मौजूद, और जब तक थ्रो आएगा फील्डर का तब तक दो रन तेजी से भाग के ले लेंगे, और स्ट्राइक पे फिर से रहेंगे ईशान किशन। चेन्नई का, मुंबई का स्कोर होता हुआ 6 बिना किसी नुकसान। बट सवाल मेरा ये है अंकुश जी, कि पहली बॉल को अगर डेड मतलब वो डेलिबरेट पैडिंग नहीं माना अंपायर ने, तो फिर सिंगल क्यों नहीं लेने दिया? सिंगल उस गेंद पर लिया था, लिया तो था, तो सिंगल देना चाहिए ना, तो वो तो डेलिबरेट पैडिंग माना, फिर आउटसाइड पिचिंग, तो इसका मतलब ये है कि रूल में, या तो आप देखिए एक बार दोबारा, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इस गेंद पर बल्ला चलाया ईशान किशन ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में, 6 बिना विकेट के नुकसान के मुंबई इंडियंस का स्कोर। चेन्नई की टीम को मुकाबला मुंबई को मुकाबला जीतने के लिए 98 रनों की आवश्यकता है। जी कुछ कह रहे थे आप राजबाबू जी? नहीं, मैं बस ईशान किशन की बल्लेबाजी आज देखना चाहता हूं, क्योंकि आज के मैच में कोई प्रेशर नहीं है, तो आज इनको अपना स्ट्राइक रेट के बारे में सोचना चाहिए। तो इस बीच अगली गेंद आ रही है लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, क्या बल्ले का किनारा लगा है? जी हाँ लगा है, अंपायर ने आउट दे दिया, ईशान किशन को जाना होगा। मैं बात कर रहा था कि आज उनको उनके पास मौका है अच्छा खेलने का, लेकिन उसको बुना नहीं पाए और बल्ले का बाहरी किनारे दे बैठे वो, और धोनी के हाथ में एक आसान सा कैच। तो 6 पर एक विकेट गिर चुका है मुंबई इंडियंस का इस बॉल ओवर की 5वीं बॉल पर, एक बॉल अभी भी बचा है मुकेश चौधरी का। जी इकबाल भाई, बहुत बेहतरीन शुरुआत चेन्नई ने भी कर ली है जी। विकेट प्राप्त कर लिया है पहले ही ओवर में, और मुकेश चौधरी जो नई गेंद से स्विंग हासिल करते हैं, यहां पर ईशान किशन का विकेट ले उड़े हैं उस स्विंग में, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की गेंद पर बल्ला चलाया था, और किस्मत खराब रही वहां पर ईशान किशन की कि वो बल्ले से गेंद को स्पर्श दे बैठे, और नतीजा ये हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी को एक आसान सा कैच मिला। बैटिंग ऑर्डर में एक बड़ा बदलाव, डैनियल सैम्स को नंबर 3 पर उतारा जा रहा है, पहले टिम डेविड नजर आ रहे थे लेकिन अब डैनियल सैम्स आए हैं। एक जिस तरह का प्रयोग कल रविचंद्रन अश्विन के साथ राजस्थान ने किया था, तकरीबन उस तरह का प्रयोग यहां पर डैनियल सैम्स के साथ किया जा रहा है, और सैम्स बैटिंग कर सकते हैं। हमने कई बिग बैश के मैचेस देखे हैं जिसमें सैम्स के बल्ले से लंबे चौड़े तगड़े शॉट खेले गए थे, लेकिन
आईपीएल में इंडियन पिचेस पर किस तरह का प्रदर्शन उनका रहता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें प्रमोशन मिला है। अच्छी बात तो ये होती कि स्टब्स को आगे भेज देते, लेकिन उनके लिए पहला अनुभव है। मुकेश चौधरी चले इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ सामने स्ट्राइक पर और सैम्स ने गेंद को खेलने की कोशिश की, गेंद उनके शरीर से टकराने के बाद विकेटकीपर के पास गई, एक हल्की सी अपील, लेकिन उस अपील में कोई दम नहीं। एक ओवर के बाद 6-1 विकेट के नुकसान पर और पहला झटका लग चुका है मुंबई को। ईशान किशन आउट हो चुके हैं, डेनियल सैम्स हैं, रोहित शर्मा हैं और स्वागत है सत्यम भैया। शुक्रिया बहुत बहुत। बहुत सारे लोगों को निराशा हुई आज चेन्नई की बल्लेबाजी से, क्योंकि चेन्नई 100 रन भी नहीं बना पाई, 97 रन बनाकर चेन्नई ऑल आउट हो गई 16 ओवरों में, और ये दूसरा सबसे छोटा स्कोर है आईपीएल में चेन्नई की टीम का। सिर्फ दूसरा ही मौका जब 100 रन भी नहीं बना पाई चेन्नई अपने 20 ओवरों में, यहाँ तो वो 16 ओवरों में ऑल आउट हो गए। 4 ओवर और खेलते तो 25-30 रन तो बनाते ही, बट ऑल आउट होने पे वो आपको हमेशा नुकसान होता है, और नुकसान चेन्नई को भी हुआ। कितनी जल्दी मैच खत्म हो रहा है, अभी 9:27 का समय है, 10:30 एक घंटे में 92 रन बनेंगे आप लोग कह रहे हैं, नहीं हो ही नहीं सकता, नहीं बनेंगे। एक घंटे में 92 रन कहाँ बनते हैं? एक घंटे में 15 ओवर डाले जाते हैं सत्यम, और ये T20 मैच है। देखो ये होता जब आप बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिल कर देते हो। नए ओवर की शुरुआत हो रही है, सिमरजीत सिंह के हाथ में गेंद है, एक खिलाड़ी लॉन्ग लेग पर नजर आ रहा है और एक वाडिश थर्ड मैन पर। इस ओवर की अगली गेंद और गेंद को खेला पॉइंट की तरफ, रोहित शर्मा ने रन लेने का मौका नहीं था, अपने सामने वाले बल्लेबाज को मना किया, डेनियल सैम्स हैं उनके साथ में, 6-1 विकेट के नुकसान पर 1.1 ओवर के बाद। 1:30 ग्रामर किंगडम का कहना है कि 1.5 घंटा और लगेगा अभी। इस ओवर की दूसरी गेंद आने वाली है, सामने होंगे रोहित शर्मा, बिना कोई रन बनाए इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि डैनियल सैम्स का भी खाता अभी नहीं खुला है। वर्स्ट मुकाबला इस सीजन का, सबसे वाहियात मुकाबला कौन सा था? इस ओवर की दूसरी गेंद, यहाँ से ओवर द विकेट, बाउंस एक्स्ट्रा पिच पे और बैट के ऊपर से गेंद निकल गई रोहित शर्मा के, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। 6-1 मुंबई 1.2 ओवरों के बाद। था ना जो इकबाल भाई को अपना कैब रीशेड्यूल करना पड़ा था पंजाब और दिल्ली के बीच, जो पंजाब ने 115 के आसपास बनाए थे और दिल्ली ने 10 ओवर में मैच जीत लिया था, तो वो बुरा नहीं है, मतलब जल्दी खत्म होने वाला मुकाबला था। मैं कह रहा हूँ कि सबसे वाहियात, सबसे बोरिंग कौन सा मैच रहा है? सबसे बोरिंग मैच तो यार वो था SRH वाला, जिसमें हम कहते केन विलियमसन की ड्रीम शुरुआत है, मतलब उनको अच्छा लगता है ऐसे शुरुआत करना। और वो एक मैच था बैंगलोर वाला, जिसमें बैंगलोर 60 कुछ पे ऑल आउट हो गया था ना, हाँ जी 68 पे ना, 68 पे ऑल आउट हो गया था। वो इसलिए भी इतना बोरिंग नहीं था सत्यम, कि वहाँ एक्साइटिंग चीजें हो रही थी, वहाँ लगातार बूम बूम, ओपोजिशन जो है जल्दी जीत गया। अब ये हो सकता है एक ऐसा मैच जो आपको बोर कर देगा कि भाई ये 98 बनाना है, लेकिन ये जाएंगे 17 ओवर 18 ओवर तक, फिर आपको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है। इस ओवर की अगली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट, रोहित ने सीधे बैट से उठाया उसको, मिड ऑफ की दाएं ओर से गेंद निकल जाएगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए 10-1 मुंबई का स्कोर 1.4 ओवरों के बाद। और इस वक्त सिमरजीत की गेंदबाजी पर महेंद्र सिंह धोनी ने जो फील्ड सजाई है, 3 खिलाड़ी स्लिप में नजर आ रहे हैं, और अगर किसी प्रकार का कोई किनारा बल्लेबाज देता है तो वहां पर विकेट कीपर के अलावा 3 और फील्डर, लेकिन रोहित शर्मा ने थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ शफल करते हुए गेंद की लाइन पर आकर के गेंद को उठाया था लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही सेफ शॉट रोहित शर्मा के बल्ले से, खाता खुला रोहित का और स्कोर मुंबई का 10-1 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर पारी का चल रहा है। इस ओवर की अगली गेंद और इस बार थोड़ी खिंची हुई लेंथ की गेंद, ऑन साइड में इस गेंद को फ्लिक किया मिड विकेट पर, गेंद को जब तक फील्ड किया जाता 1 रन दौड़ करके पूरा किया बल्लेबाज रोहित शर्मा ने, और इस 1 रन के साथ मुंबई का स्कोर 11-1 विकेट के नुकसान पर। सिमरजीत सिंह का भी करियर काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिकेट इन्होंने नहीं खेली है, लेकिन फिर भी अभी स्कोर आपको बता देते हैं, 1.5 ओवर के बाद 11-1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं सिमरजीत सिंह। U19 वर्ल्ड कप के लिए इन्हें एशिया कप की टीम में शामिल किया गया था और वहाँ अगले दिन इन्हें रवाना होना था। इस गेंद के बाद इस कहानी को पूरा करते हैं। इस बार बल्ले के काफ़ी करीब से विकेट कीपर धोनी के पास पहुंची और सुबह में इनकी फ़्लाइट थी 7 बजे की, रात को कॉल आता है 10:30 बजे कि आप टीम से बाहर हैं,
क्यों? क्योंकि आयोजकों ने ऐसा कहा है कि जो खिलाड़ी पिछले साल पार्टिसिपेट कर चुका है वो दोबारा नहीं करेगा। तो उसके बाद ये एक तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। फिर इनके माता पिता ने बहुत समझाया और इसके बाद दोबारा से क्रिकेट के फील्ड पर इनकी वापसी हुई और काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हैं उसके बाद से। तो दो ओवरों के बाद 11 एक विकेट के नुकसान पर 87 रनों की ज़रूरत है 108 गेंदों में, और बहुत आसान काम होना चाहिए। मुकेश भाई ने पहले ओवर में विकेट लिया था, दूसरा ओवर ठीक ठाक रहा सिमरजीत सिंह का, उसमें उन्होंने 5 रन खर्च किए। तो धीमी शुरुआत लेकिन ठीक है, 87 रन ही और चाहिए। साहिल कपूर का एक बहुत ही निराला सा कमेंट है, 10.4 ओवर तक जो है मुंबई की, 10-40 तक। अच्छा 10-40 तक, आपने निराले ढंग से पढ़ा उसे। हाँ यार, मैंने तो और निराला बना दिया उसको। पारी का तीसरा ओवर शुरू हो रहा है, मुकेश चौधरी के सामने है रोहित शर्मा, इस समय 5 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, 5 ही गेंदे खेली हैं रोहित शर्मा ने। 2 स्लिप के खिलाड़ी हैं रोहित के लिए, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मुकेश चौधरी, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। स्टंप्स की लाइन में गेंद थी, अपील की गई LBW की अंपायर पे, हालांकि उस अपील का कोई प्रभाव नहीं, स्कोर 11-1 हो जाएगा मुंबई का क्योंकि एक सिंगल नहीं लिया गया, अभी भी 11-1 स्कोर है। धोनी रिव्यू नहीं लेंगे, ऐसा लगा है कि लेग स्टंप के बाहर गेंद टपा खाई और उसकी वजह से अंपायर पे कोई प्रभाव नहीं उस अपील का, और धोनी भी अग्री कर रहे हैं अंपायर के साथ कि नॉट आउट है, और साफ तौर पर गेंद जो है लेग स्टंप के बाहर मिस भी कर देती है लेग स्टंप को, और गेंद मिस भी कर रही थी, अंदर की तरफ आने वाली गेंद थी टप्पा खाने के बाद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए, तो गेंद संभवतः लेग स्टंप को मिस भी करती। धोनी का एक बहुत सही निर्णय कि उन्होंने रिव्यू नहीं लिया इस ओवर के। अब दूसरी गेंद के साथ तैयार हैं मुकेश चौधरी, सामना करेंगे कप्तान रोहित शर्मा जो कि 9 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार रोहित शर्मा ने रूम बनाया और इस गेंद को मिड ऑफ के सर के ऊपर से उछाल दिया, लेग स्टंप की तरफ खेल हटे और ऑफ साइड में गेंद को उछाला 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर हो गया मुंबई का 15 एक विकेट के नुकसान पर। फुल लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर, लेग स्टंप की तरफ हटते हुए रूम बनाते हुए इस बल्लेबाज ने इस गेंद को खेल दिया था बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मिड ऑफ के सर के ऊपर से, कोई मौका नहीं। बॉलर का जैसे दिमाग पढ़ लिया हो कि कहां गेंद डालने वाले हैं, वो लेग स्टंप की ओर हटते हुए रूम बनाकर इनसाइड आउट वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को खेला, बहुत जबरदस्त। इस ओवर की अब तीसरी गेंद, पहली पे अपील हुई थी कोई रन नहीं मिला था, दूसरी पे चौका, तीसरी गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट, रोहित ने इस बार सीधे बैट से सीधे वापस गेंदबाज की ओर गेंद को धकेला, रन कोई नहीं, स्कोर अभी भी मुंबई का 15-1 2.3 ओवरों के बाद। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद, और रोहित शर्मा अपने चिरपरिचित अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अब तक बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आए नहीं हैं। 15-1 विकेट के नुकसान पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये मुकाबला चल रहा है, मुंबई का होम ग्राउंड, गढ़ कह सकते हैं उसे, और वहाँ मुंबई की टीम मैचेस हारती नहीं है इस सीजन, हालांकि प्रदर्शन उस अनुसार नहीं रहा लेकिन फिर भी इस मुकाबले को कम से कम जीतती हुई दिख रही है। इस ओवर की तीसरी गेंद, और इस बार रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंद को खेल दिया है सीमा रेखा की तरफ, बॉलर के बाईं तरफ से, किसी के पास कोई मौका नहीं है, मिड ऑफ का खिलाड़ी दौड़ रहा है, मिड ऑन का खिलाड़ी दौड़ रहा है लेकिन कोई नहीं रोक पाएगा, शिवम दुबे का एफर्ट बेकार जाता हुआ, और इस चौके के साथ मुंबई की टीम 19 पे जा पहुंची है एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में पहली 4 गेंदों पर आ चुके हैं 2 चौके, 0 चौका, 0 चौका। तो ये मैच इतना भी बोरिंग होने नहीं वाला, क्यों? रोहित शर्मा एंटरटेन कर तो रहे हैं। अच्छा, लाइक दैट। मुंबई के फैंस के लिए तो काफी अच्छी बात है ना कि उनको रोहित शर्मा का बल्ला चलते हुए देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग तब होगा जब इस मैच में मुंबई का भी स्कोर हो जाए 50-6, नहीं तो ये मैच चाहे जो हो जाए इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है। हाँ, एंटरटेनिंग हो सकता है, इंटरेस्टिंग नहीं होगा। रोहित शर्मा को थोड़ा रन बनाते हुए देख लेंगे हम। या काफी टाइम से वो भी खामोश हैं। आई टेक दैट। इस ओवर की 5वीं गेंद आ रही है, सामने होंगे रोहित शर्मा, 10 गेंदों पे 13 रन बनाकर बैटिंग करें, 3 चौके लगा चुके हैं, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के सामने की गेंद पे सुरक्षात्मक स्ट्रोक, कोई रन नहीं। इधर स्टूडियो में प्रवेश मंटू भैया का चाय का जखीरा लेकर आए हैं, जखीरा आइए मंटू भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ये मेरी है, थैंक यू वेरी मच। कोई और बोल लो थोड़ी देर, कोई और बोलो, हेलो हेलो हेलो, चाय की तरफ ही है, ले लीजिए, बांट लीजिए आपस में। चलिए इस ओवर की अगली गेंद के साथ अब आखिरी गेंद होगी मुकेश चौधरी की, 1.5 ओवर की गेंदबाजी, 14 रन देकर एक विकेट उन्होंने लिया है, और जिस अपील की हम बात कर रहे थे वो आउटसाइड लेग पिचिंग ही था, तो इस मैटर में
अंपायर के पास कुछ था और मिस भी कर देती लेग स्टंप को गेंद, वो दिखा नहीं रहे ना, वाइड इधर एक टल गई है, बहुत ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के वो गेंद थी और गेंद को खेलने का प्रयास जरूर किया रोहित शर्मा ने, लेकिन बल्ले पे ले नहीं पाए और गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। फेयर कॉल अंपायर का वाइड का, और इस अतिरिक्त रन के साथ मुंबई का स्कोर हो गया है 20-1 2.5 ओवरों के बाद। और इस पहली चाय की सिप के साथ मुझे याद आ गई साहिल कपूर की, क्योंकि आज अच्छी चाय बनी है। या बिल्कुल, कल साहिल कपूर थे तो वो कह रहे थे कि मंटू भैया ने आज मतलब अच्छी चाय नहीं बनाई, मज़ा नहीं आया। इस ओवर की अब अंतिम गेंद स्टंप्स की लाइन में पुश किया है, इस गेंद को ऑन साइड में गेंद जा रही है, स्क्वायर लेग की और एक सिंगल, और इस सिंगल के साथ ओवर खत्म हो जाएगा 3 ओवरों के बाद 21-1 मुंबई। तो इस ओवर की समाप्ति हो गई है। डेनियल सैम्स ने अभी केवल 2 ही गेंदें खेली है, ऐसा लग रहा है काफ़ी समय से खेल रहे हैं। 2 ओवर उनके आने के बाद से लगभग 13 गेंदों का खेल हुआ है, लेकिन उन्हें केवल 2 ही गेंदें मिली है। आबिद का कॉमेंट है, कह रहे हैं चाय कम पिया करो। काहे भैया, चाय के ऊपर जब कोई सवाल करता है, कह रहे हैं चाय कम पिया करो, होठों की शान चली जाएगी, कहीं और कमेंट्री मत किया करो वरना हमारी जान चली जाएगी। इकबाल भाई आपके लिए, आप बात कर दिया आपने, क्या बात कर दिया, क्या नाम है आपका? आबिद भाई, आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो चाय नहीं पीने की बात की ये दिल पे लगा, क्योंकि चाय से हमारा गहरा नाता है, आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। शॉट सीधे बैट से गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑफ की ओर, चौका है ये, कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। इस चौके के साथ रोहित 18 और 25-1 मुंबई का स्कोर 3.1 ओवरों के बाद। सारे जो चौके लगाए हैं रोहित ने, कोई भी गलती से नहीं लगाए, बिल्कुल सारे फर्म हिट्स रहे इकबाल, और बिल्कुल फ्रंट ऑफ द विकेट भाई, क्योंकि एक एक चिड़िया भी उड़ रही थी वहां उनके सामने, बच गई वो चिड़िया अंपायर के सामने। ज्यादातर फील्डर्स पीछे, उन्होंने एकदम अटैकिंग फील्ड लगा रखी है धोनी ने, पहले तो 3 स्लिप थे, अब 2 स्लिप में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद के साथ सिमरजीत तैयार होते हुए सामना करेंगे रोहित शर्मा, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, रोहित शर्मा के लिए बेहतरीन गेंद इस बार, टप्पा खाने के बाद गेंद जो कि ऑफ स्टंप के बहुत आसपास थी थोड़ा बाहर की तरफ निकली, और रोहित शर्मा थ्रू द लाइन खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, बहुत नजदीकी मामला और गेंद चली गई विकेट कीपर धोनी के ग्लव्स में। तो रोहित शर्मा पहली बार बीट होते हुए नजर आए इस पिछली गेंद पर, 73 रनों की जरूरत यहां से 100 गेंदों में, आसान सा टारगेट नजर आ रहा है। 4 चौके अब तक रोहित शर्मा अपनी पारी में लगा चुके हैं, फिर से चौके के बाद एक डॉट खेला, अब बारी चौके की है, क्या लगेगा। इस ओवर की 3री गेंद और इस बार एक सिली मिड ऑफ पर भी खिलाड़ी है, लेकिन इस बार चौका बल्ले से नहीं आया, शॉर्ट पिच गेंद, रोहित शर्मा को देखा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और शॉर्ट पिच गेंद डाली, महेंद्र सिंह धोनी भी इस गेंद को नहीं रोक पाए और गेंद निकल गई है थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो वाइड प्लस 4 यानी इस गेंद पर आ गए 5 रन 31 विकेट के नुकसान पर 3.3 ओवरों के खेल की समाप्ति पर। सिमरजीत सिंह ने दिमाग तो अच्छा लगाया था राज यहाँ पर, लेकिन उनका दांव जो है वो विफल हो गया जी, और कीपर के ऊपर से निकल गया बॉल और चौका मिल जाएगा, तो इसमें पूरे 5 रन मिलेंगे, एक वाइड का और एक चौके का। तो सिमरजीत सिंह अपनी चौथी गेंद को लेकर तैयार, लाइटा में विकेट और बल्ले का बाहरी किनारा और धोनी के हाथ में एक आसान सा कैच, तो थोड़ा मैच तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है अब 32 विकेट के नुकसान पर। और बेहतरीन शब्दों के द्वारा इसे नवाजा है सत्यम भाई ने, 32 विकेट। इकबाल भाई माइक बहुत सेंसिटिव है, कई बार मेरे को डर लगता है, ये माइक एक्चुअली बहुत सेंसिटिव है, दूर दूर से आवाज कैच करता है, मत क्या करो भाई ऐसे। 30-2 मुंबई का स्कोर 3.3 ओवरों के बाद। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, किनारा लेते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के पास, और विकेट कीपर कौन है, डैडी महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने ये कैचेस जिंदगी में कभी ड्रॉप किए ही नहीं और यहाँ भी नहीं करेंगे। तो रोहित आउट हो गए 14 गेंदों पे 18 बनाकर 30-2 मुंबई का स्कोर 3.3 ओवरों के बाद। इकबाल विकेट गिरा है लेकिन भाई इतने रन बनाए नहीं है चेन्नई ने कि कुछ किया जा सके। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी रोहित शर्मा की, वो मानो वो जल्दी खत्म करवा देते, लेकिन अब जो आपने जिस टाइम पे कैब बुक की है ना, वो टाइम एकदम सही साबित हो जाएगा। बट एक और चिंता जो मुंबई के फैंस, कहीं वो जल्दी ना आ जाए कैब वाला वो तो खैर आता ही है, बट वो इंतजार कर लेता है।
जो गेंदबाजी हो रही है इस वक्त चेन्नई की तरफ से, बल्लेबाजों के लिए आसान होगा नहीं सत्यम। अरे रोहित शर्मा कैसे भी हो, वो बन जाएंगे रन, ये रन तो बन जाएंगे, लेकिन कितनी मुश्किल से ये देखना होगा भाई। आज भाई को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। मुझे रिजल्ट तो मिल ही जाएगा, मिल ही गया है, मिल ही गया है भाई, क्या है उसमें अब। तो एक बार बोली दीजिए फिर जो आपका पेटेंट वाला शब्द है। नहीं नहीं, वो हर रोज उसकी गरिमा कम नहीं करते, हर रोज बिना मतलब यूज करके वो नेचुरली निकलेगा बहुत जल्द, मुझे लग रहा है निकलने वाला है। आप लोग चाय फिनिश करें पहले आराम से। सैम्स स्ट्राइक पर होंगे क्योंकि ध्यान रखिएगा उसको अलंकृत ना कर दे। सब्स के लाइन में गेंद पुश किया था उसको तिलक वर्मा ने डाउन द ग्राउंड, मिड ऑफ की ओर गेंद को खेलकर एक सिंगल ले लिया और इस सिंगल के साथ मुंबई 31 पे 2.34 ओवरों के बाद। भाई ये जितने लोग भी कह रहे हैं फिक्स है फिक्स है फिक्स है, चेन्नई बुरा खेली आज, एक अंपायर का गलत फैसला था लेकिन उसके अलावा तो सब विकेटें आपने खुद गंवाए ना। तो आप क्या कहना चाहते कि आपकी टीम जो है उसको खरीदा जा सकता है? आप कह रहे हैं चेन्नई ने मैच क्योंकि हारने वाली टीम मैच फिक्स करती है ना, जीतने वाली कैसे करेगी? वही तो। तो भाई मतलब क्या आप अपनी खुद की टीम को फिक्सर बता रहे हैं कि फिक्स करते हैं मैच? मैं नहीं मानता ये बात, सॉरी। आपने देखा कमेंट सेक्शन में हर तीसरा कमेंट है फिक्सिंग फिक्सिंग, तो भाई क्या आप ही की टीम फिक्सिंग कर रही है? मतलब आप अपनी टीम को खुद ही फिक्सर बता रहे हैं, जबकि मैं आपकी टीम का फैन नहीं हूं तब भी नहीं मानता आपकी बात। सही बात है यार। और नहीं यार देखो क्रिकेट में तो मतलब उतार चढ़ाव तो होते हैं भाई, हर रोज एक जैसा नहीं होगा। अगर कोई टीम 400 रन भी बना ले तो बहुत मुमकिन है कि अगले मुकाबले में वो 100 के अंदर आउट हो जाए, यही तो क्रिकेट की खास बात है। तो इसमें फिक्सिंग का कहां से कोई ताल्लुक है? और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि लाइट जो चली गई वो जानबूझ के कराया गया फिक्सिंग के लिए। अरे भैया इससे पहले के ईडन गार्डन्स में एक मैच था सत्यम, याद है आपको? मैच के दौरान लाइट चली गई थी यार, तो क्या करें वहां पर? कुछ लोगों का मानना साहिल भाई पिलास लेके गए थे कार काटने के लिए। इस बात पे हमें शक है जरूर कि वो इतनी मेहनत करेंगे, मुझे नहीं लगता। इस ओवर के अंतिम गेंद आ रही है, सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की गेंद थी, छोड़ दिया, जाने दिया उसको विकेट कीपर के पास। मुंबई का स्कोर है 32 पे 2.4 ओवरों के बाद। चाय में शुगर होता है भाई साहब, तो इकबाल भाई आप ही के लिए होगा। वो किसी ने कमेंट किया पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं, कम पिया करो ऐसा उनका कहना होगा। यार दिन की एक चाय है यार, क्या बात कर रहे हो यार, उसको तो शांति से पी लेने दो। नहीं कोई बात नहीं, शुगर होता है, बॉडी को थोड़ा शुगर भी चाहिए होता है सब। यस बिल्कुल चाहिए होता है। तो ये इनफ है मेरे लिए, अबाउट 40-50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स यू नीड एवरी डे भाई, ये एटलीस्ट 50 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स इज नीडेड। आपने जो बात की अब भाई ने एकदम ग्राम्स में बता दिया कि मारक। 32 विकेट के नुकसान पर 4 ओवरों के बाद, और अभी तक ये LBW एक्सपर्ट थे, अब फिटनेस एक्सपर्ट भी है, तो आप सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल आप भी ले सकते हैं। मैं बाहर गया था तो जो मैं चबाते हुए जो आया था उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी आप आराम से रुकिए भैया, तो मैं बात करेंगे इस पे, लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा अंपायर का एक अतिरिक्त रहना। तो मैं भाई के जो एक सप्लीमेंट है, जो मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं यार, खाना तो है लेकिन वो नॉर्मल खाना नहीं है, जो आम जिंदगी में आप खाना पसंद नहीं करेंगे रेगुलरली, वो मैंने ट्राई किया। हालांकि शुरू में भाई ने तो मेरे को डरा ही दिया था कि आपको पसंद नहीं आएगा, बट आई लाइक्ड इट, गुड फॉर यू, यू कैन आल्सो ट्राई इट, यू गेट अ स्मॉल बॉक्स एंड इफ यू लाइक इट यू कैन गेट द बिगर वन। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्ला तो बहुत तेज चलाया था डैनियल सैम्स ने लेकिन बैट पे गेंद आई नहीं, बैट और पैड के बीच से गेंद निकल गई विकेट कीपर के पास। मुंबई का स्कोर है 33 पे 2.41 ओवरों के बाद। मुंबई की टीम 33 विकेट के नुकसान पर। एक कमेंट आ रहा है ग्रैंड शनि सिंह राजपूत का कहना है, ब्रांड शनि सिंह राजपूत कह रहे हैं इसका चश्मा उतारो यार। ये मेरा चश्मा पहन के गलतियां कर रहा है। इस बार फुल टॉस ड्राइव किया उसको, कवर पे खिलाड़ी के पास कोई रन नहीं और स्कोर अभी भी मुंबई का है 33 पे 2.42 ओवरों के बाद। चल भाई बता कमेंट क्या है। उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर 2011 वर्ल्ड कप में 18 रन पे आउट हुए थे 14 गेंदों में, 4 चौके उन्होंने लगाए थे और कॉट बाय कुमार संगकारा, सेम आज रोहित के साथ। क्या मेमोरी है भाई यार, क्या ये सेम दिन पे हुआ था? आई डोंट थिंक सेम दिन तो नहीं हुआ था, वो अप्रैल उनको बस उस पारी की याद आ गई भाई। क्या मेमोरी है आपके पास यार, क्या खाते आप, क्या खाते हो भाई मुझे ये बताओ। मुझे ये मेमोरी चाहिए इकबाल यार। हां बिल्कुल चाहिए बाबा। इस ओवर की अब तीसरी गेंद आ रही है और सामने होंगे
सैम्स, डैनियल सैम्स पांच गेंदों पे एक रन बनाकर बल्लेबाजी करें बाएं हाथ से ओवर द विकेट, पैड पे अपील आउट दे दिया। इस बार आउट है इकबाल, इस बार रिव्यू लेंगे भी बचेंगे नहीं। मुकेश भाई को एक विकेट, 33 पे 3 मुंबई 4.3 ओवरों के बाद। तो सैम्स को भेजने का दांव विफल साबित होता हुआ मुंबई का, और चर्चा कर रहे हैं तिलक वर्मा के साथ और रिव्यू लेने का फैसला किया डेनियल सैम्स ने। देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी गार्जियन तो है नहीं, तो जो करना है कर लें। तिलक वर्मा भी उन्हें कुछ कह रहे हैं, अब कहेंगे ही क्या करें, लेकिन अब रिव्यू ले लिया गया। 33 पे 3 है अगर इस विकेट को हम मान लेते हैं, क्योंकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ये विकेट हो जाएगा क्योंकि गेंद स्टंप लाइन पर टकराई है पैड पे। बट द क्वेश्चन इज डिड इट पिच आउटसाइड द लेग स्टंप, आई डोंट थिंक सो। नहीं नहीं, लग तो नहीं रहा, पिच 10 लाइन, अंपायर्स कॉल तो होगा ही होगा, एंड देन द बॉल विल गो ऑन टू हिट मिडल एंड ऑफ। हिटिंग में तो कहीं कोई समस्या ही नहीं नजर आ रही, इतनी हाइट भी नहीं है तो बैट भी नहीं है इन्वॉल्वड, बैट पे गेंद आई नहीं है, क्या ये क्या सोच रहे हैं, रिव्यू बर्बाद करवाएंगे और कुछ नहीं है, रिव्यू बर्बाद करेंगे और एक और विकेट गिरेगा मुंबई इंडियंस का। पिचिंग में अंपायर्स कॉल होता है, पिचिंग में अंपायर्स कॉल नहीं होता, इधर आउटसाइड लेग होगा या इन लाइन होगा, है ना, है ना भाई भाई भाई, पिचिंग इन लाइन। ओह ये तो यार प्लंब है भाई, बैट इन लाइन, ओह विकेट्स हिटिंग, हिटिंग है, घर जाइए भाई घर जाइए। डैनियल सैम्स के लिए मिडल और लेग स्टंप पे गेंद पिच हो रही थी और जाके टकरा भी मिडल और लेग स्टंप पे रही है, प्लंब है एकदम। 33 पे 3 मुंबई का स्कोर 4.3 गेंदों के बाद, एक ओवर में एक रन बनाकर डैनियल सैम्स आउट, और थोड़ा और मुश्किल होता हुआ ये काम मुंबई की टीम के लिए। थोड़ी देर में कहीं अब मुंबई के फैंस ना बोलने लग जाएं कि फिक्स है, कि फिक्स है, मत बोलिएगा ऐसे यार, आप लोग बस दिल की भड़ास निकालने के लिए ये शब्द तो यूज मत किया करो। तो कुछ और तरीका निकालो इकबाल भाई, अगर टीम के हारने पे दुख हो रहा है तो किसी और तरीके से बिल्कुल उसको रिलीज करने की कोशिश कीजिए। अपनी टीम को ही फिक्सर बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल सत्य वचन है आपके सत्यम भाई, 65 रनों की यहां से और आवश्यकता है 93 गेंदों पर, रिक्वायर्ड रेट बहुत ही कम है, लेकिन समस्या जो सबसे बड़ी इस वक्त नजर आ रही है, ताश के पत्तों की तरह विकेट आज हमने गिरते हुए देखा दोनों पारियों में। पहले मुंबई चेन्नई ने विकेट गंवाए लगातार, और अब मुंबई की टीम पावर प्ले में ही 3 विकेटें गंवा चुकी है 33 की कुल रन संख्या पर। रोहित शर्मा के वो 18 रन अगर आप निकाल दें तो ये स्कोर भी आपको बहुत खराब नजर आएगा, चेन्नई की भांति ही आप देखेंगे या हो सकता है उससे बुरा आपको नजर आए। तो इस वक्त स्टब्स आए बैटिंग करने के लिए, पहली बार आईपीएल में कोई मुकाबला खेल रहे हैं ये 21 साल के दक्षिण अफ्रीकी मूल के खिलाड़ी, दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं और विकेट कीपिंग की भूमिका भी निभाते हैं। फुल टॉस गेंद थी, अंदरूनी किनारा लगा, ओह किस्मत वाले हैं स्टब्स, पहली गेंद पर अंदरूनी किनारा, लेकिन फाइन लेग का फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर है, ठीक उन्हीं के पास गेंद पहुंची और रन बनाने का मौका नहीं था। और यहां स्टब्स पहली गेंद पर पूरी तरह से उनके चारों खाने चित हो गए। इनके आंकड़े अगर आप देखें तो 18 मुकाबले 506 रन, हम बता चुके हैं आपको 157 का स्ट्राइक रेट, T20 करियर ओवरऑल, क्योंकि ये पहला ही मुकाबला आईपीएल में खेल रहे हैं स्टब्स। और उसके अलावा ये लगभग प्रत्येक पांचवी छठी गेंद पर एक बाउंड्री स्कोर करते हैं, और उसके अलावा औसत इनका 38 का है जो काबिले तारीफ है। इस ओवर की अगली गेंद और एक और विकेट, ऐसा लग रहा है गिर जाएगा, पैड पे गेंद टकराई है, क्रिस गेफनी ने उंगली उठा दी और स्टब्स उसी रास्ते जा रहे हैं जिस रास्ते अभी आए थे, और मुकेश भाई ने एक बार फिर मुंबई को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया है। मैच का जो भी हो, चेन्नई का जो भी हो, लेकिन दीपक चहर के न होने से मुकेश चौधरी के वारे न्यारे हो गए हैं इकबाल। इस लड़के को इतने मौके मिलते नहीं अगर चहर अवेलेबल होते, अगर फिट होते, बट उनकी गैर मौजूदगी में जो गेंदबाजी इन्होंने कर दी है, जितना इम्प्रेस कर दिया, प्लम लग रहा है बैट्समैन बाय द वे। अब जब दीपक चहर वापस भी आएंगे तो ड्रॉप सिमरजीत सिंह होंगे या कोई और होगा, सिमरजीत होंगे, है ना, इनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता, नो वे, इनको अब आप ड्रॉप नहीं कर सकते। 2.5 ओवरों की गेंदबाजी, 17 रन 3 विकेटें, ये मुकेश चौधरी की गेंदबाजी के आंकड़े। 33 पे 4 मुंबई 4.5 ओवरों के बाद, क्या मुंबई हार जाएगा इस मुकाबले को, 91 गेंदों पे 65, ये तो गिरते पड़ते कैसे भी बन जाने चाहिए, लेकिन जो गेंदबाजी हो रही है उस हिसाब से तो एनीथिंग इज पॉसिबल, अभी भी मतलब आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि मुंबई जीत ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है, और जिस तरीके से खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं मुकेश चौधरी, गेंदों को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जिस प्रकार से गेंद हिल रही है, एक ओवर इसके बाद और भी रहेगा इनके पास, तो चुनौतियां तो भरपूर पेश कर रही हैं इस वक्त चेन्नई की गेंदबाजी।
ऋतिक शौकीन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तिलक वर्मा के साथ वो पारी को संभालेंगे। चेन्नई की, मुंबई की एक बार टीम लेके आई है स्क्रीन पर राजबाबू, 65 रन चाहिए, गेंदें कितनी हैं वो कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि कोई भी खिलाड़ी रुकने को राजी नहीं है क्रीज के अंदर। रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा तो अभी खेल ही रहे हैं, रमनदीप सिंह भी अभी बचे हुए हैं, टिम डेविड भी हैं और डैनियल सैम्स को भी आउट कर दिया गया है, ऋतिक शौकीन को भेजा गया है। मिडल ऑफ लेग स्टंप की गेंद थी, फ्लिक किया उसको ऑन साइड में, कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट ऑफ अ लेंथ गेंद थी जिसको उन्होंने खेला था स्क्वायर लेग की ओर, सिंगल मिला हालांकि लेग बाई का इशारा अंपायर का। 34 पे 4 मुंबई 5 ओवरों के बाद। अब मुंबई को भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो जानते हैं हार के भी कुछ गंवा नहीं रहे गंवा और जीत के भी कुछ मिलना नहीं है, तो लेकिन अगर ये मैच फुल ऑन एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं सत्यम भी, अगर ये मैच हार गए तो ऐसा नहीं होगा कि अपनी आन बान खो के ये मैच हारे, क्योंकि अगर आप ये मैच नहीं जीतते तो फिर आप कौन सा मैच जीतेंगे। हाँ, ये मैच जीतना चाहिए यार, चाहे आप जो एक्सपेरिमेंट कर लीजिए इकबाल, ये मैच जीतना बनता है उनका। हाँ बिल्कुल बनता है, और देखिए इस मैच को मुंबई की टीम बहुत, वैसे आपने सही कहा कि मतलब कोई जिंदगी और मौत का मुकाबला लेके नहीं चल रही है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में बैटिंग ऑर्डर में भी कितना हम चेंज देख रहे हैं, नंबर 3 पर डैनियल सैम्स आ जाते हैं, इसके बाद रमनदीप सिंह और टिम डेविड के ऊपर में ऋतिक शौकीन आ जाते हैं, तो साफ तौर पर ये एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। रमनदीप सिंह माफ कीजिएगा सिमरजीत सिंह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद बीट कर दिया ऋतिक शौकीन को, ऑफ स्टंप के बाहर सीधी रहती हुई गेंद लगभग, इस गेंद पर सुरक्षात्मक ढंग से ही खेलने के लिए आगे बढ़े थे ऋतिक शौकीन, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं। 4 मैचेस में 25 रन बनाए हैं ऋतिक शौकीन ने आईपीएल में 96 की स्ट्राइक रेट के साथ, ज़्यादा बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं है और अगर मिला है तो उसको भुना नहीं पाए हैं। इस ओवर की अब दूसरी बॉल बहुत मूव कर रही है बिल्कुल, और चेन्नई की पारी के दौरान हमने गेंदबाजों को उतना क्रेडिट दिया नहीं जितना हमें देना चाहिए था, हमें लगा कि चेन्नई की ख़राब बल्लेबाजी भी उतनी ही जिम्मेदार है, लेकिन है पिच में काफ़ी कुछ गेंदबाजों के लिए। और अब मुंबई की बल्लेबाजी के दौरान भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है, मुंबई के बल्लेबाज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस ओवर की अब दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से और बाहर निकलने वाली, एक्स्ट्रा बाउंस भी था, बैट आगे लेकर जा ही रहे थे शौकीन की, उनको बीच रास्ते में याद आ गया बैट हटा लेना बेहतर होगा, हटा ली गेंद की लाइन से अपना बैट हटा लिया और जाने दिया उसको धोनी के पास। स्कोर 34 पे 4 5.2 ओवरों के बाद। फिक्सिंग वाले कमेंट्स बंद हो गए, जब से उनको समझ आया कि अपनी टीम को फिक्सर बुला रहे हैं और अब ये लगने लगा कि यार ये तो जीतने जा रही है टीम। हाँ तो अब फिक्सर बोलोगे तो अब तो इट मेक्स नो सेंस, जीतने वाली टीम तो फिक्स करती नहीं है। अंपायर कॉल पे आउट हो गए, वैसे बल्लेबाज बिल्कुल बेल्स को छूती हुई गेंद जा रही थी, लेकिन अब अंपायर ने आउट करार दिया था तो कोई फैसला बदला नहीं जा सकता। अगली गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक करने की कोशिश, कॉट बिहाइंड की अपील, ओ पहले वाइड देना चाहते थे और इसके बाद उंगली उठा दी अंपायर ने। ये अंपायर बहुत वाहियात अंपायरिंग आज करते नजर आए हैं, पहली दफा जब इन्होंने आउट दिया था ना डेवन कॉनवे को, हां जी, तो यही अंपायर थे इकबाल याद कीजिए, और यहां भी इनको पहले लगा कि वाइड देने का मन कर रहा है, बीच रास्ते में उंगली अचानक से ऊपर इन्होंने उठा दी और बैट्समैन ने तुरंत छूटते ही यार शौकीन ने रिव्यू लेने का फैसला कर लिया। यू नेवर नो, हो सकता है बैट लगा हो सकता है ना लगाओ, बट ये तो है कि अंपायर कन्विंस्ड नहीं था खुद से पहले ही कि आउट ही दूंगा, उनको पहले नहीं पता था उनको क्या देना है, पहले वाइड देने जा रहे थे और फिर अचानक से आउट दे दिया, बट ये नॉट आउट है मेरे हिसाब से। बिल्कुल यार थाई पैड को छू करके गेंद जा रही है ऐसा लग रहा है, बल्ले का किनारा नहीं है, नहीं है बैट है ही नहीं, मुझे लगा था हाई पैड पर गेंद लगी है, तो वो जो आवाज आई धोनी को और जो बाद में अंपायर ने भी सोचा कि आवाज आई थी नॉट आउट है, अब वाइड भी नहीं दिया जाएगा, नहीं तो पैड पे तो है ना वैसे भी, हाँ जी, हाँ जी। और वैसे भी अगर पैड पे नहीं भी होती तो वाइड नहीं दी जाती, जबकि ये करेक्शंस होने चाहिए, जब आपको दिख गया कि ये पैड पे पैर पे नहीं है गेंद तो वाइड दो उसको आप, अगर रिव्यू लिया गया है। 34 पे 4 मुंबई 5.3 ओवरों के बाद। इस ओवर की अगली गेंद चौथी गेंद है ये, ऑफ स्टंप के सामने पुश किया उसको वाइडिश मिडॉन की ओर एक सिंगल, और इस सिंगल के साथ मुंबई 35 पे 4 5.4 ओवरों के बाद। तो मुंबई इंडियंस की टीम यहां पर जूझ रही है एक छोटे से लक्ष्य को चेज करने के लिए, जिस तरीके से 98 रन बनाने हैं उनको
बहुत मुश्किल लग रहा है कि ये बहुत बड़ा लक्ष्य चेज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है। ये हालांकि अभी भी रिक्वायर्ड रेट जो है ना वो राहत वाली बात है मुंबई के लिए। बिल्कुल, अगर ये बस ऑल आउट नहीं होंगे तो इनको जीतने से रोका ही नहीं जा सकता। 15-16 ओवरों में ये जीत जाएंगे। इस ओवर की अब पांचवी गेंद आ रही है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। दाएं हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के सामने की गेंद थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस था, पुश किया उसको पॉइंट की ओर, एक सिंगल नहीं मिल सका एक्चुअली। डॉट गेंद 35-4 मुंबई 5.5 ओवरों के बाद। और इकबाल क्या लगता है, जो मैंने आपको सलाह दिया कि कैब थोड़ा लेट का बुक कीजिए, फैसला सही था या गलत था? बिल्कुल सही था, मान लिया करो मेरी बात भाई, सही बात बताता हूँ मैं। अरे बिल्कुल इसमें तो कोई शक ही नहीं है। 35-4 मुंबई 5.5 ओवरों के बाद। मैंने सुना आप लोगों ने खाना खाने से इनकार कर दिया, आज खाना नहीं खाएंगे। हाँ खाना नहीं खाएंगे, लेकिन लेग स्टंप पर थी, ऑन साइड में खेला, एक रन ने दौड़ करके पूरा कर लिया गया मिड विकेट की दिशा में, और इस एक रन के साथ स्कोर हो गया 36-4 विकेट के नुकसान पर। मंटू भैया बहुत खुश हैं, कह रहे आज खाना नहीं बनाना है कह रहे थे मुझे कि जो पहले की चीजें बची हुई है ना वो सब बना के मिक्स वेज बना देते हैं। तो मैंने उनको निर्देश दिया है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, भले ही सिर्फ राज खाएगा लेकिन आपको खाना बनाना पड़ेगा, मतलब फ्रेश बनाना पड़ेगा। बना रहे ना, सही बात है। 36-4 मुंबई 6 ओवरों के बाद। खुशी में आपने खलल डाल दिया, ये तो काम है मेरा खलल आपने खलल नहीं डाला, आपने खलल डाल दी। तिलक वर्मा 2 पर। अरे यार अंकुश जी, कितने ओवर में? यार ये मेरे मन में भी सवाल उठ रहा था। 18 परेशान था पहले ही, मेरे मुंह से निकल चुका है 18 ओवर। घंटी बज गई है किस बात के लिए पूछो तो सही, बताइए तो। मुंबई इंडियंस के लिए खतरे की घंटी है। अच्छा 6 ओवरों के बाद 36-4 विकेट, 18 ओवर लगेंगे इनको जीतने में। 12 ओवरों में बनेंगे 62 रन, आप देखना। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर, छोड़ दिया, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के पास। स्कोर मुंबई का है 36-4। मैं रिवाइज करना चाहूंगा, 18 नहीं 16 ओवर। 16 हाँ ये सही है यार, नजदीक है। हाँ 16 ओवरों में जीतेंगे, जितने ओवरों में ऑल आउट हुई ना चेन्नई उतने ओवर में ये भी खेलेंगे, बस ये ऑल आउट ना हो जाए, क्योंकि ऑल आउट ये भी हो सकते हैं। हाँ ये हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं यार, 6 विकेटें ही तो बचती हैं। लेकिन मुकेश चौधरी जो आज गेंदबाजी कर रहे हैं सत्यम, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, और ना सिर्फ इस मैच में बल्कि ओवरऑल इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो बहुत ही प्रभावशाली उनका प्रदर्शन रहा है। अगली गेंद तिलक वर्मा के लिए, अंदरूनी किनारा, गेंद जा रही है फाइन लेग की ओर, कोई फील्डर वहां नहीं है, बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद चली गई 4 रनों के लिए। बहुत राहत भरने वाले ये रन है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ गेंदबाज की कोई गलती एक्चुअली है नहीं, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद खुद ही चली गई सीमा रेखा के बाहर और चौका मिल गया बल्लेबाज को। तो इस चौके के साथ 40-4 मुंबई हो गया है 6.2 ओवरों के बाद। फील्ड फैल गई है, अब सिंगल्स डबल्स लेना थोड़ा आसान हो जाएगा, चौके छक्कों में वैसे भी डील करने का कोई इतना मन तो है नहीं मुंबई के बल्लेबाजों का। तो एक्चुअली पावर प्ले के ओवर्स के बाद फील्ड फैलना, इट विल हेल्प मुंबई, बिकॉज नाउ यू कैन रोटेट स्ट्राइक इजिली। वो धोनी की काबिलियत है, धोनी ने अभी भी 2 ही फील्डर बाहर रखे हैं, बिकॉज धोनी ऑल्सो नोज कि जैसे ही फील्ड में फैलाऊंगा इनके लिए सिंगल्स डबल्स लेना बहुत ईजी हो जाएगा। बिल्कुल, तो वो वैसा नहीं कर रहे, ये पावर प्ले वाली फील्डिंग ही है अभी भी, पावर प्ले जबकि खत्म हो चुके हैं, 2 ही फील्डर 30 गज के घेरे के बाहर। कमाल की कप्तानी है महेंद्र सिंह धोनी की, और होना भी यही चाहिए भाई। अगर आप जीतना चाहते हैं, छोटे से टोटल को डिफेंड करना चाहते हैं, तो आप आक्रामक फील्ड सेट के साथ ही, आक्रामक गेंदबाजी के साथ ही जीत पाएंगे। अगर डिफेंसिव गए तो फिर ये रन इत्मीनान के साथ बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या तिलक वर्मा और ऋतिक शौकीन धोनी के इस प्लान को नेस्तनाबूद कर पाने में कामयाब होंगे। इस ओवर की अब तीसरी गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं गेंदबाज मुकेश चौधरी, 3 स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑफ साइड में खेला, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जा रही है, जब तक इस गेंद को सिमरजीत सिंह बाउंड्री लाइन से आकर के फील्ड कर पाते, एक रन बना, और इस एक रन के साथ तिलक वर्मा पहुंच गए 7 पर, और स्कोर हो गया है मुंबई इंडियंस का 42-4 विकेटों के नुकसान पर। मुकेश चौधरी सीजन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं, 16 विकेट उनके नाम पर है। Yes, और इस मुबारक हो। और इस सीजन सबसे ज्यादा पावर प्ले में जो विकेट है वो भी मुकेश चौधरी के नाम है, 11 विकेटें उन्होंने ली है। और नंबर 2 पे जो मौजूद हैं मोहम्मद शमी, उनके 10 विकेट है, रबाडा उमेश के 8-8 और प्रसिद्ध कृष्णा और चमीरा के 7-7। वाह,
42 चार विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर के बाद 56 रनों की जरूरत बची हुई 81 गेंदे, मुकाबला कितनी जल्दी खत्म होगा ये सवाल तो है ही हमारे मन में, लेकिन इसका जवाब मुंबई की टीम दे नहीं। कौशल मीना जी कह रहे हैं कि पहले चेन्नई का स्कोर देख के मैं पढ़ाई करने चला गया, फिर सोचा कि एक बार स्कोर चेक कर लेता हूँ, और उसके बाद फिर आपकी कॉमेंट्री सुनने आ गया। RIP स्टडी 42/4 मुंबई 6.4 ओवरों के बाद एक और डिफेंसिव शॉट खेला गया इधर दाएं हाथ के बल्लेबाज के द्वारा, शौकीन के द्वारा, 6/1 उनका स्कोर इस समय 42/4 मुंबई का स्कोर, 80 गेंदों पे 56 रनों की जरूरत यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर की 5वीं गेंद है, सामने होंगे ऋतिक शौकीन दाएं हाथ के बल्लेबाज, 98 रनों का लक्ष्य है मुंबई की टीम के सामने, लेकिन आसान नजर नहीं आ रहा। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, फुलर लेंथ की गेंद थी, सीधे बैट का प्रयोग, मिड ऑन पे रोक लिया गेंद को खिलाड़ी ने, और स्कोर अभी भी मुंबई का 42 चार विकेट के नुकसान पे। इन्हीं परिस्थितियों में मुंबई इंडियंस चेन्नई सुपर किंग्स के 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन मुंबई की टीम के 4 विकेट गिरे हैं, और रनों के मामले में भी चेन्नई की टीम थोड़ा पीछे चल रही थी और मुंबई थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 रनों का फर्क, जो कि बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। इस वक्त अंतिम गेंद के साथ मुकेश चौधरी तैयार हो रहे हैं, सामना करेंगे ऋतिक शौकीन। जॉस बटलर का फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, इस IPL में लीडिंग रन स्कोरर हैं, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों से उनका भी फॉर्म जो है थोड़ा डगमगाता हुआ नज़र आया है, और जैसा कल के मुकाबले में मैंने एक सवाल भी पूछा था कि जब पिचेस का मिजाज बदल रहा है, ऐसे में क्या जॉस बटलर को भी थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है अपने अप्रोच में। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, छोड़ दिया इस गेंद को, जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। मुझे लगता है कि डेविड वार्नर जिस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं हर परिस्थिति के साथ, सत्यम, उनसे सीखने की जरूरत है हर बल्लेबाज को, चाहे वो आप नए क्रिकेटर हों या पुराने क्रिकेटर हों। डेविड वार्नर ने जिस तरीके से, आप उनको देखिए, उछाल वाली पिच हो, तेज पिच हो, स्लो पिच हो, इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, भाई हर जगह रन बनाता है ये, और अब ऐसे हो गए हैं। बिल्कुल, डेविड वार्नर अब धीरे धीरे मैच्योर हो गए हैं और अब इस तरीके के बल्लेबाज बन गए हैं। पहले वो भी एक ही गियर में खेलते थे इकबाल, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब वो परिस्थितियों के हिसाब से बैटिंग करते हैं, और आई थिंक ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद ही आपको बल्लेबाजों में देखने को मिलता है। पहले धोनी याद कीजिए, धोनी भी पहले एक ही गियर में बैटिंग करते थे, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता गया, उनकी बल्लेबाजी में हमने देखा कि गियर्स ऐड किया उन्होंने। इस ओवर की पहली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट, सिमरजीत सिंह की गेंद थी, लेंथ बॉल थी, सीधे बैट से खेल दिया उसको वापस गेंदबाज की ओर, कोई रन नहीं, और स्कोर अभी भी मुंबई का है 42/4 7.1 ओवरों के बाद। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुकेश चौधरी के ओवर्स खत्म हो चुके हैं, और सिमरजीत को भी, जी, 4 ओवरों में 23 रन 3 विकेटें, और सिमरजीत को भी उनके 4th ओवर के लिए बुला लिया गया है। तो जो दो इनके एक्चुअली नए बॉल के बॉलर्स हैं, उनसे इनके ओवर्स निकलवा लिए गए हैं, अब इनको नक्की कर दिया गया है कि भाई अब आपका हो गया, आप चिल कीजिए, और इन्होंने अपना काम भी कर दिया है। बिल्कुल, अब यहाँ से स्पिनर्स की बारी है, अब यहाँ से जो बाकी के गेंदबाज हैं उनकी बारी है। इस ओवर की दूसरी गेंद, सिमरजीत दाएं हाथ से ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए शॉर्ट गेंद, बाउंसर, जाने दिया उसको विकेट कीपर के पास, स्कोर अभी भी मुंबई का 42/4 7.2 ओवरों के बाद। 42 विकेट के नुकसान पर 7.2 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है। सिमरजीत सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं अपने आखिरी ओवर के साथ, 3.2 ओवर की गेंदबाजी, 18 रन, 1 विकेट। अब चेन्नई की टीम सोच रही होगी कि काश कुछ और रन बना लिए होते, 20 ओवर तक खेल ली होती टीम, तो निश्चित तौर पर स्थिति यहाँ पर कुछ और ही होती। हालांकि अभी भी 56 रनों की ज़रूरत है मुंबई को इस मुकाबले को जीतने के लिए, 76 गेंदे बाकी, पिछली 5 गेंदे डॉट गेंद आई है। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार गेंद को पैड पर थी, उस गेंद को ग्लांस कर दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। वहाँ शिवम दुबे मौजूद थे, और हम जानते हैं कि शिवम दुबे जब रहते हैं तो थोड़ा सा बल्लेबाज के पक्ष में एडवांटेज देना चाहिए, और ये चौके के साथ स्कोर अब 46 4 विकेट के नुकसान पर। सिमरजीत सिंह की गेंद पर चौका लगता हुआ, और काफी समय के बाद एक बाउंड्री स्कोर किया गया। सौरभ का कहना है कि पहली बार होगा जब दो बॉलर्स लगातार 4-4 ओवर डाल रहे होंगे और 8 ओवरों में उनके कोटे के ओवर्स निकल जाएंगे। हां यार, ये मुझे याद नहीं आता कि कभी पहले ऐसा हुआ हो। हमारे श्रोता बहुत जानकार हैं, अगर आप में से कोई जानता है कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ कि 8 ओवरों में 4-4 ओवर दो ही गेंदबाज डालते नजर आए हो, प्लीज लेट अस नो। डॉट गेंद इधर आई है सिमरजीत की, और स्कोर 46/4। स्टंप्स की लाइन में गेंद थी, सीधे बैट का प्रयोग किया गया था और पुश किया था उसको वापस गेंदबाज की, और 46/7 मुंबई 7.4 ओवरों के बाद।
इकबाल भाई आपसे सवाल है प्रियांशु राजपूत का, कह रहे हाउ यू गाइस हैव अमेजिंग वॉइस, इतनी अच्छी आवाज कैसे है आपके पास यार? बस है मतलब, हाँ, है। मतलब कुछ लोग बहुत गुड लुकिंग होते हैं, हम नहीं हैं वैसे ही। कुछ लोगों को भगवान कुछ कुछ देता है, कुछ को बहुत अच्छे बाल देता है, कुछ को बहुत अच्छे दांत देता है, हमें आवाज भगवान को जो स्टॉक में अच्छा लगा उस टाइम पे वो देकर हिस्से में ही हमारे हिस्से में ही आया। स्टंप्स की लाइन में गेंद थी, पुश किया उसको कवर की ओर, कोई रन नहीं। मुंबई 46 पे 4 7.5 ओवरों के बाद। तिलक वर्मा 11 पर और ऋतिक शौकीन 1 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। और सिमरजीत सिंह ने जो गेंदबाजी की है अब तक 3.5 ओवर में सिर्फ 22 रन और 1 विकेट, कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं ये भी। हालांकि इस ओवर में एक चौका लगा और गलती गेंदबाज की थी कि जिस प्रकार की फील्ड दे रखी है कप्तान ने उनको, उसके विपरीत गेंदबाजी की। लेग स्टंप पर आप भटक ही नहीं सकते थे क्योंकि ऑन साइड में काफ़ी गैप है बिहाइंड द विकेट और ऐसे में वहाँ चौका निकल गया था। आपको ऑफ स्टंप और उसके आसपास गेंदें रखनी हैं ये कहा होगा कप्तान ने, लेकिन गलती हो गई थी उस बार गेंदबाज से। इस बीच अगली गेंद इस ओवर की अंतिम गेंद और इस अंतिम गेंद को भी सुरक्षात्मक ढंग से खेला बल्लेबाज ने, रन कोई नहीं बना, स्कोर हो गया है अब 8 ओवरों के बाद 46-4 विकेट पर। तो पूरी तैयारी है इस मुकाबले को अंत तक ले जाने की मुंबई इंडियंस की। तिलक वर्मा 13 पर 13 गेंदें खेली है उन्होंने 11 रन बनाने के लिए, जबकि ऋतिक शौकीन 1 पर खेल रहे हैं और उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया। तो पूरी तरह से धीमी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के तरफ से। हालांकि सिमरजीत सिंह ने अपना ओवर कंप्लीट कर लिया है, 4 ओवरों की गेंदबाजी 22 रन 1 विकेट। वहीं दूसरी तरफ जो गेंदबाजी कर रहे थे मुकेश चौधरी, उन्होंने भी कमाल की गेंदबाजी की है, 3 विकेट उन्होंने दूसरी तरफ से निकाले। और जैसे ही दो तेज गेंदबाजों के ओवर ख़त्म हो गए, वेन ब्रावो को याद किया महेंद्र सिंह धोनी ने और अब फ्रेश ओवर की शुरुआत होगी ड्वेन ब्रावो की तरफ से। उनके आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे कि किस कैलिबर की गेंदबाज हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रदर्शन इनका इस सीजन क्या कुछ रहा है अभी हम आपको आपके स्क्रीन पे बता देते हैं। देखिए आप अपने स्क्रीन पे 9 मुकाबले और कुल मिलाकर तकरीबन 32 ओवरों की गेंदबाजी की है और 16 विकेट लेने में कामयाब हुए। 9 ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर किनारा लेकर काफी फाइन थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। किस्मत साथ देता हुआ ऋतिक शौकीन का के किनारा लगा तो स्लिप के पास गेंद नहीं गई, उनकी दाईं ओर से होते हुए सीमा रेखा के उस पार चली गई और उनको चौका मिल गया। वो 5 पे पहुंचे और 50 पूरे हो गए मुंबई के 8.1 ओवरों के बाद। रन गति इस समय 6.12 की है। तो अगर इस तरीके की बैटिंग भी होती रहेगी, कोई बहुत तेज़ बैटिंग नहीं हुई है लेकिन जो बैटिंग हुई है वो भी पर्याप्त बैटिंग है। अगर आउट नहीं करते आप मुंबई के बल्लेबाजों को, ऑल आउट करना पड़ेगा चेन्नई को, मुंबई के बल्लेबाजों को, मुंबई की टीम को अगर उनको जीतना है, क्योंकि इतनी टाइट गेंदबाजी तो हो ही नहीं सकती अंकुश, बिल्कुल, कि आप 71 गेंदों पर 48 नहीं बना पाएंगे। अच्छी फील्डिंग डीप पॉइंट पे खिलाड़ी द्वारा तीक्षणा, महेश तीक्षणा की रिले थ्रो आ रहा है और 2 रन लिए गए हैं इस मौके पे 52 पे 4 मुंबई 8.2 ओवरों के बाद। एक हमारे श्रोता है एवी डिविलियर्स, कह रहे हैं कि दोनों चैनल एक ही नाम से है, दरअसल एक चैनल एक ही है, अलग अलग वीडियोज हैं। हाँ, तो आप जिसमें कमेंट कर रहे हैं, कमेंट तो सभी वीडियो से लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने अब आपका कमेंट ले लिया गया है। इस ओवर की अगली गेंद कवर की तरफ खेला, रन लेने का मौका बिल्कुल नहीं है, कॉपी बुक फॉरवर्ड डिफेंसिव पुश, रन लेने का मौका नहीं था, 46 रनों की ज़रूरत बची हुई 69 गेंदें। तो जानबूझ के इस मुकाबले को अंत तक ले जा रही है मुंबई की टीम, हमें पूरा एकदम जितना देर काम करना है वो करवा के ही रहेंगे। हाँ चलिए, तो अब इस ओवर की तीसरी गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं ड्वेन ब्रावो। अब तक इस ओवर से आ चुके हैं 6 रन, चौथी गेंद पर एक सिंगल आता हुआ क्योंकि वहाँ पर शौकीन ने एक सिंगल बटोर लिया है ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ड्राइव करके पॉइंट की तरफ। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पे खिलाड़ी मौजूद है, रन लेने का मौका था, पूरा हुआ, 52 से 53 स्कोर हो जाएगा 4 विकेट के नुकसान पर 8.4 ओवर के बाद। तो अंकुश तुम्हें शिकायत क्यों हो रही है कि इस बात की कि काम जितना देर तक काम करवाना है करवा लेंगे? अरे भैया अब तक का ये काफ़ी समय बाद सबसे बढ़िया ओवर है, 4 बॉल पे 7 रन आ गए तब भी कंप्लेन कर रहे हो तुम? एक मतलब अभी तक जो हुआ है उस पर कंप्लेन कर रहा हूँ, इस ओवर में तो ठीक ठाक हुआ है, खुश होइए ना। हाँ
खुश यस इस ओवर की पांचवी गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इस गेंद को कट किया, गेंद गई है पॉइंट बाउंड्री की ओर, सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर हो गया है अब 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 44 रनों की आवश्यकता है, 67 गेंदें बची हुई हैं, 12 रन तिलक वर्मा के और 8 रन बना करके ऋतिक शौकीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। टिम डेविड का भी आना बाकी है और रमनदीप सिंह का भी आना बाकी है। तो फिलहाल 5 गेंदों पर 8 रन दे चुके हैं इस वक्त ड्वेन ब्रावो और अंतिम गेंद करने के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज ड्वेन ब्रावो के सामने होंगे अब ऋतिक शौकीन। 12 गेंदों पर 8 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं तिलक वर्मा। अंतिम गेंद इस ओवर की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग क्षेत्र में, 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया है अब 55 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 9 ओवरों का खेल इसके साथ ही समाप्त हो गया है। तो ड्वेन ब्रावो ने अपने पहले ओवर में 9 रन खर्च किए और कोई सफलता उनको नहीं मिल पाई है। बिल्कुल, और जो आप दीप में कंफ्यूज हो रहे थे तो अधिकतर जो दीप है वो हॉकी के प्लेयर हैं। हाँ, रमनदीप, अमनदीप, गगनदीप, चलिए मनदीप कप्तान है अभी टीम के। 55-4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवरों का खेल खत्म हो गया है। 43 रनों की ज़रूरत है 66 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए। तिलक वर्मा है 12 पे, शौकीन खेल रहे हैं 9 पर। ड्वेन ब्रावो ने पहले ओवर की गेंदबाजी पूरी कर ली है और उसके अलावा अभी देखना है कि क्या गेंदबाजी में दूसरे तरफ से किसे आमंत्रित किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब हमारे पास कुछ बताने का समय है और समय है बताने का कि हमारे स्पॉन्सर क्रिकएक्स हैं। क्रिकएक्स एक क्रिकेट बेटिंग एक्सचेंज ऐप है जहां पर आप लाइव आईपीएल मैचेस देखकर लाइव बेट कर सकते हैं। साइन अप बिल्कुल फ्री है और लाइव चैट सपोर्ट 24 घंटे उपलब्ध है। पेटीएम से मिनिमम 200 रुपये का आप टॉपअप कर सकते हैं और विड्रॉ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। 100% ट्रस्टेड एंड सिक्योर वेबसाइट है, तो अभी रजिस्टर करिए और फ्री आईपीएल का मज़ा लीजिए www.cricx.com पर। लिंक डिस्क्रिप्शन चैट बॉक्स पर पिंड किया हुआ है, जाइए रजिस्टर कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं और साथ में ढेरों इनाम जीत सकते हैं। प्रेडिक्शन करके पहुँचिए क्रिकएक्स ऐप पर भी या फिर उनके साइट पर और वहाँ आप निश्चित तौर पर बहुत कुछ पा सकते हैं। आपके पास सुनहरा मौका है। और तो शौकीन 9 पर खेल रहे हैं, तिलक वर्मा है 12 पे, ड्वेन ब्रावो ने पहले ओवर में 9 रन खर्च किए, तो एक अच्छा ओवर इकबाल भाई काफ़ी समय के बाद आया। बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया ओवर रहा, 9 रन आए इस ओवर में और कुल मिलाकर के अगर बात करें ऋतिक शौकीन की तो वो 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, 1 चौका उन्होंने लगाया है, जबकि तिलक वर्मा ने 14 गेंदों पर 12 रन बनाए हैं, 2 चौके उनके बल्ले से आए हैं। इस साझेदारी के रूप में 22 रन बने हैं अंकुश और 25 गेंदें अब तक ली गई हैं इस साझेदारी के रूप में। अब यहां से 43 रन बनाने हैं और 66 गेंदें बची हुई हैं, तो रिक्वायर्ड रेट अभी भी कोई बहुत बड़ी समस्या नज़र नहीं आती है। रिक्वायर्ड रेट अभी भी 3.91 की है, जो कि आप आँख बंद करके भी T20 में खेलेंगे तो आप जीत जाएंगे, ऐसा रिक्वायर्ड रेट है ये। लेकिन क्या विकेट हाथ में रख पाएगी मुंबई की टीम? क्या जो झटके इस वक्त दिए दो गेंदबाजों ने दोनों तरफ से, पहले 8 ओवरों में बहुत कसी हुई गेंदबाजी हुई, उसको जारी रख पाएंगे अन्य गेंदबाज? क्योंकि अब यहाँ पर ओवर पूरा हो चुका है मुकेश चौधरी का और दूसरे गेंदबाज कौन से सिंह है, ये सिमरजीत सिंह, इन दोनों के 4-4 ओवर्स पूरे हो गए हैं, तो अब अन्य गेंदबाजों को यहाँ पर हाथ दिखाना होगा। और कल बेंगलोर और पंजाब दोनों के बल्लेबाजों, गेंदबाजों, हर किसी को अच्छा करना होगा क्योंकि दोनों टीमों के लिए जीतना ज़रूरी है। हालांकि बेंगलोर के लिए जीत उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि पंजाब के लिए इस टूर्नामेंट में अपनी आशाएं जीवित रखने के लिए। 9 ओवरों के बाद 55-4 विकेट के नुकसान पर और अब आ गए हैं महेश तीक्षणा गेंदबाजी करने के लिए 10वें ओवर के साथ, और इस बार गेंद को पॉइंट की तरफ धकेल कर रन लेने का कोई मौका नहीं था। हम देखते नहीं कि तीक्षणा काफ़ी लेट से आए, लेकिन विकेट इस कदर गेंदबाजों को सपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर तेज गेंदबाजों से ही लगातार महेंद्र सिंह धोनी ने स्टिक करना उचित समझा। इस ओवर की दूसरी गेंद सामने स्ट्राइक पर शौकीन, उन्होंने 1 रन के लिए गेंद को दिशा दिखाई, लॉन्ग ऑन की तरफ ड्राइव करके वो रन पूरा किया और अब स्ट्राइक पर आएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा
देखना है कि तिक्षणा की गेंदों को किस तरह से खेलते हैं। लास्ट टाइम इस आईपीएल में जब चेन्नई का सामना हुआ था मुंबई से, तो वहाँ भी मुंबई के बल्लेबाजों को मुकेश चौधरी ने बहुत परेशान किया था और आज भी वही रिपीट होता हुआ नजर आया। तिक्षणा आ गए अब गेंदबाजी करने के लिए, पहली बार हमें एक्शन में नजर आ रहे हैं। दो गेंदें डाली हैं, एक रन उन्होंने अभी दिया। 56-4 मुंबई का स्कोर 9.2 ओवरों के बाद 64 गेंदें, 42 रनों की जरूरत। रिक्वायर्ड रेट 4 से भी कम का है अब 3.94 का। 27 गेंदों पर 23 रनों की जो ये साझेदारी हुई है, इसने मुंबई की हार के खतरे को काफ़ी कम कर दिया है। स्टंप्स की लाइन में गेंद पंच किया है लॉन्ग ऑन की ओर तिलक वर्मा ने एक सिंगल के लिए, और इस सिंगल के साथ अब मुंबई का स्कोर 57-4 9.3 ओवरों के बाद। ऊपर का कहना है धोनी को बॉलिंग करनी चाहिए, अब कुछ बचा नहीं है इस मुकाबले में। एंटरटेनमेंट के लिए लोग शगल तलाशते हुए, लेकिन धोनी बॉलिंग करने नहीं आने वाले। 57-4 मुंबई 9.3 ओवरों के बाद। चौथी गेंद महेश तीक्ष्णा दाएं हाथ से ओवर द विकेट, एक स्लिप के साथ बहुत ज़्यादा बाहर, ऑफ स्टंप की गेंद, उसको उछाला है स्वीपर कवर की ओर, खिलाड़ी हैं वहाँ, मिस फील कर बैठे हैं। रॉबिन उथप्पा पीछे मुड़ के जाएंगे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे और चौका मिल जाएगा ऋतिक शौकी इनको। 61-4 मुंबई 9.4 ओवरों के बाद। फ्री में दिया गया चौका ये रॉबिन उथप्पा के द्वारा। आराम से इस गेंद को रोक सकते थे, गेंद के पास थे बिल्कुल, एकदम कंफर्टेबल हाइट पे गेंद आई थी, लेकिन रॉबिन उथप्पा अनमने ढंग से ऐसा लगा कि इस गेंद को रोकना चाहते हैं और महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया हमेशा की तरह। इस ओवर की अगली गेंद एक रन के लिए गेंद को खेला है वहाँ मिड ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, अपनी बाईं तरफ जाकर गेंद को उठाएंगे और रन पूरा हो गया। आप जीतने के लिए चाहिए 36 रन, 61 गेंदें बाकी है। आमतौर पर इन परिस्थितियों में मुकाबले ऐसे होते हैं कि 36 गेंदों में चाहिए होता है 61 रन और तब हम कहते हैं कि आज मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ सीन काफ़ी उल्टा है। फिर भी अभी भी मुंबई की टीम लक्ष्य के नज़दीक तो पहुंचती हुई नज़र आ रही है और जिस तरह से चेज हुआ है निश्चित तौर पर खुश नहीं होगी मुंबई की टीम और उनकी टीम मैनेजमेंट। इस ओवर की अगली गेंद तिलक वर्मा के लिए, इस ओवर की आखिरी गेंद होगी और इस गेंद को इनसाइड आउट जाकर शॉट खेलने की कोशिश की, बल्ले का किनारा, स्लिप और शॉट थर्डमैन के खिलाड़ी के बीच से गेंद सीमा रेखा की तरफ चली जाएगी 4 रनों के लिए। कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के पास। 66-4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवरों का खेल खत्म। लीजिए इकबाल भाई, ये भी बढ़िया ओवर आ गया आपके लिए 11 रन देकर। बिल्कुल, तो अब बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है इस मुकाबले में। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए हालांकि 32 रन चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2-3 ओवर्स निकले हैं, 2 ओवर स्पेशली, पिछला ओवर ड्वेन ब्रावो का जिसमें कितने 5 और 4 9 रन आए थे, और इसके बाद इस ओवर में 11 रन दिए महेश तीक्ष्णा ने, तो अब थोड़ी सी जल्दबाजी में नज़र आ रहे हैं बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के इस मुकाबले को फिनिश करने के लिए। तो शौकीन 15 पर इस ओवर की शुरुआत में सामना करेंगे ड्वेन ब्रावो की गेंद का, और अब धीरे धीरे मुंबई की टीम जीत के करीब पहुंचती हुई। 32 रनों की ज़रूरत है 60 गेंदों में, इतना समय नहीं लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया टीम ने तो तारीफ करनी होगी। पहली गेंद और इस गेंद को खेलने के लिए तैयार है शौकीन, ड्राइव किया, स्क्वायर ड्राइव, गेंद पहुंच रही है पॉइंट की तरफ, एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट जाएंगे बैकवर्ड पॉइंट पर जब तक पहुंचते महेश तीक्ष्णा, और इन दो रनों के साथ बीच में 67 आया नहीं, सीधे 68 पे पहुंच गया स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। राज बाबू कितने ओवर और यहां से 5 ओवर जी, जिस हिसाब से खेल रहे हैं उस हिसाब से 5 ओवर और लगेंगे इनको। हमने शुरुआत में ही कहा था कि 15 ओवर तक ये मैच जाएगा, तो यहाँ से जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है इकबाल भाई। 14वें ओवर में मैच फिनिश, चलिए अच्छी बात। इस ओवर की अगली गेंद पॉइंट की तरफ खेला, रन लेने का फिर से कोई मौका नहीं। 68-4 विकेट के नुकसान पर 30 रनों की जरूरत है 58 गेंदों में, और शौकीन 17 पर सामना करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद का। तो 58 गेंदें हैं, 30 रनों की आवश्यकता है। मुंबई इंडियंस की टीम वानखेड़े पर जीत के आसपास अब पहुंचने जा रही है। बहुत आसान जीत तो नहीं है ये, लेकिन जीत तो जीत है। राज बाबू जी, इस ओवर की अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप पर गेंद थे, फ्लिक किया, गेंद जा रही लॉन्ग लेग की ओर, एक रन मिलेगा। इस एक रन के साथ शौकीन पहुंचा 18 पर और स्कोर हो गया है 69 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
तो आइए, स्वागत आपका। आखिरकार इकबाल भाई, मुंबई इंडियन की तरफ से एक साझेदारी हुई जिसने मुंबई इंडियन की पारी को संभाल लिया। तिलक वर्मा और शौकीन द्वारा एक अच्छी पारी खेली जा रही है अभी भी, और इन दोनों बल्लेबाजों पे अब काम होगा कि ये विकेट ना गवाए और ये मैच फिनिश करे, क्योंकि अब कितने विकेट देखेंगे उनकी तरफ से, हम चार तो वैसे गिर गए इस छोटे से मैच में। अब और गिराएंगे तो यहाँ से और लंबा खींचेंगे उसको। तो अब सिर्फ 57 बॉल पे 29 रन चाहिए मुंबई को जीतने के लिए। कितना गिरोगे जब तक कोई आए ना उठाने के लिए 29 रन चाहिए, 57 गेंदें बची हैं। डीजे ब्रावो, अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप की गेंद को ऑन साइड में फ्लिक किया, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, वहां पर मुकेश चौधरी ने गेंद को उठाया, सिंगल, और इसके बाद दूसरे का भी मौका था, दूसरा भी पलट कर पूरा कर लिया, और इस तरह से स्कोर अब हो गया है 71 चार विकेट के नुकसान पर। रन की जो स्पीड है दोनों टीमों की वो लगभग लगभग एक जैसी है, दोनों ही टीमों का रन रेट जो है वो लगभग एक जैसा ही चल रहा है। फर्क इतना है कि चेन्नई की टीम इस परिस्थिति में 6 विकेट गंवा चुकी थी और मुंबई की टीम 4 विकेट गंवा कर खेल रही है, और 97 तक पहुंचते हुए अंतिम 4 विकेट भी चेन्नई ने गंवा दिए थे। लेकिन अब यहाँ क्योंकि आपके सामने एक लक्ष्य है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आप गिरते पड़ते वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। फील्डिंग की बात करें तो अब 4 खिलाड़ी, बल्कि 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहे हैं। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर है, मिड विकेट बाउंड्री पर है, एक खिलाड़ी लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, एक खिलाड़ी को डीप थर्ड मैन बाउंड्री पर, और एक स्वीपर कवर पर तैनात किया गया है तिलक वर्मा के लिए। गेंदबाजी कर रहे हैं ड्वेन ब्रावो, ये उनका दूसरा ओवर है, अब तक उन्होंने 14 रन दिए हैं, सफलता उनको नहीं मिल पाई है, चेहरे में कुछ निराशा भी देखने को मिल रही है कुछ फैंस के जो पीली जर्सी में नजर आ रहे हैं। लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा, अंपायर का शर्तिया होगा, एक अतिरिक्त रन मुंबई को और मिलेगा, मुंबई का स्कोर 72 चार विकेट के नुकसान पर। चलिए कहाँ चलें, अरे मैच तो खत्म होने दीजिए, चलिए इतनी जल्दी इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी खत्म, चलिए अब चलिए फिर से चलिए, अरे लेकर आप चलते हैं, जो मिला है इसका तकिया कलाम है, चलिए इसको कल बोला यार, ये जो तुम बोलते ना, कोई जैसे चुप है सब, कोई पहले इंतजार करके देखता है कोई बोल रहा है, तो जब देखता है कोई नहीं बोला, कहता ठीक है चलिए तब इसका कहने का मतलब वही होता है कि चलिए अब मुझे ही बोलना पड़ेगा। चलिए अंकुश, चलिए चलिए इस ओवर की 5वीं गेंद के साथ ड्वेन ब्रावो सामने स्ट्राइक पर, तिलक वर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज, और उन्होंने गेंद को बॉलर बोलते रहे जब तक कोई रोके ना, बोलते रहे रन लेने का कोई मौका नहीं। 72 चार विकेट के नुकसान पर, 26 रनों की जरूरत है बची हुई है 55 गेंदों में, और आराम से इस मुकाबले को जीतना चाहिए मुंबई को। अब यहाँ से कोई विकेट गंवाना कम से कम टाइम के लिहाज से सही नहीं, यहाँ टाइम खोटी ही होगा अगर विकेट गिरता है तो, क्योंकि मुंबई की टीम अब हारने नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो दूसरी टीम बनने वाली है आज की रात इकबाल, प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर होने वाली चेन्नई, मुंबई हो चुकी है रात, यस चेन्नई का भी पत्ता साफ। इस ओवर के अंतिम गेंद सीधे बैट का प्रयोग, फुल लेंथ की गेंद थी, खेला उसको लॉन्ग ऑन की ओर एक सिंगल के लिए, और मुंबई का स्कोर 73 पे 4 11 ओवरों के बाद। कौन कह रहे हैं, सत्यम भाई के लिए कह रहे हैं, जो व्लॉग्स कह रहे हैं, सत्यम भाई खुश, कुछ तो बोलो आज, चेन्नई हार रहा है भाई इसलिए खुश नहीं हूं मैं, सदमे में है, चेन्नई हार रहा है इसलिए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कोई नहीं, हमारी संवेदनाएं हैं आपके साथ, बैठना पड़ रहा है, क्या करें क्या करेंगे उन संवेदनाओं का भाई, तो बैठना यहाँ पड़ रहा है भाई, ये सब देखना पड़ रहा है। अगर मैं सिर्फ फैन होता, चेन्नई का कमेंट्री नहीं कर रहा होता, टीवी बंद कर देता, आराम से चिल करता, कुछ और देख लेता, लेकिन आप लोगों की सेवा में ये सब भी देखना पड़ता है। और सोचिए अंकुश, जिस दिन आपकी टीम हारेगी आपको कैसा लगेगा, ऐसे जैसे आज चेन्नई हार रही है, आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? बहुत, मुझे भी बहुत बुरा लगा, मैं तो सिर झुका लूंगा शर्म से। तो मेरा भी नहीं, शर्म से तो नहीं झुकाऊंगा क्योंकि मैं थोड़ी खेल रहा हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए, मुझे किस बात की शर्म आएगी, बट दुख होता है। इस ओवर की पहली गेंद दाएं हाथ से राउंड द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर पुश किया उसको बैकवर्ड पॉइंट की ओर, और कोई रन नहीं, स्कोर अब मुंबई का है 73 पे 4 11.2 ओवरों के बाद। भाई कुछ लोग तो गुड नाइट बोल रहे हैं, अरे यार सुन तो लो, अभी मैच खत्म होने तो दो यार, तब जाना आप लोग, अभी क्या इतना इतनी जल्दी भाग रहे हैं ये लोग, इन लोगों ने भी कैब पहले की बुक कर लिया आज इकबाल भाई, ना ये आप गलत ट्रेंड स्टार्ट कर देते हो। मैंने ट्रेंड गलत नहीं स्टार्ट किया, देखिए आपसे सजेशन लिया था मैंने, हाँ
और तो मैंने आपको 11 बजे का बोला था, 10:30 बोला था मैंने, नहीं तुरंत ही मैंने उसको 11 कर दिया था। इस ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया, उसको जाने दिया विकेटकीपर के पास। स्कोर मुंबई का है 73-4 11.2 ओवरों के बाद। अगर ये लोग मजाक में बोलते हैं कि फिक्स है अंबानी ने खरीद लिया है तो ठीक है, लेकिन क्या है कि टेक्स्ट देख के आपको पता नहीं चलता ना कि ये मजाक में बोला हुआ है कि ये सीरियस हो गया कोई बोल रहा है। लेकिन अगर कोई सीरियसली ये बोल रहा है तो मुझे दुख होगा कि भाई आप किन कॉन्स्पिरेसी थियोरीज में भरोसा करते हैं। रिवर्स स्वीप और चौका एक बाल 77-4 मुंबई 11.3 ओवरों के बाद। तिलक वर्मा इस चौके के साथ 24 पर पहुंच गए, अब 21 रनों की आवश्यकता। लेकिन फैंस तो फैंस हैं सत्यम, जो मुंबई की हालत इस सीजन है और इसके बावजूद अब मुंबई की तरफ से जो रन्स बन रहे हैं या जीत के जो करीब वो पहुंच रहे हैं, तो जो झूम रहे हैं फील्ड वहां पर फैंस, उसको देख करके लगता है यार कि फर्क नहीं पड़ता, दे आर लिविंग इन द मोमेंट। हाँ, उनको फर्क नहीं पड़ता कि टीम क्वालिफाई नहीं करने वाली है, वो आए हैं आज जीतते हुए देखना चाहते हैं। स्टंप्स की लाइन में गेंद, पुश किया उसको कवर की ओर, एक सिंगल और स्कोर हो जाएगा। अब दूसरा भी लिया, 11.4 ओवरों के बाद इस समय स्कोर। धुरानाम कुमावत जी भी जुड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें भी चमत्कार का ही इंतजार है सर, इंतजार की घड़ियां लंबी होती जाएंगी और फिर घड़ी बंद हो जाएगी क्योंकि मैच खत्म हो जाएगा ना। 79-4 मुंबई, इसका मतलब ये कि 50 गेंदों पे 19 रनों की जरूरत, इतने कम रन चाहिए मुंबई, अब बहुत देर बाद दिखा है। इस ओवर की पांचवी गेंद दाएं हाथ से राउंड द विकेट, अंदर आने वाली गेंद थी, बीच में साउंड इफेक्ट्स आते हैं मेरे। हाँ, लॉग आउट की ओर गेंद को खेला, एक सिंगल और इस सिंगल के साथ मुंबई 80-4 11.5 ओवरों के बाद। वो एक्चुअली इतना ही साउंड इफेक्ट जो है डिजर्व करता है। ये मुकाबला ज्यादा साउंड इफेक्ट डिजर्व नहीं करता, नहीं सही कह रहे हैं। 84 विकेट के नुकसान पर MI, 27 पर तिलक वर्मा, MI फोन की कंपनी भी है ना, 18 पर जी। तो ओवर की अब एक बार मुंबई इंडियंस को बुरा लगा होगा या अच्छा जब MI नाम की फोन की भी चाइनीज कंपनी आ गई मार्केट इस में। सीजन तो अच्छा ही लगा होगा। इस बार MI कंपनी को बुरा लग रहा है। सुरक्षात्मक स्ट्रोक कोई रहा नहीं, 12 ओवर पूरे हुए हैं, 80-4 है मुंबई, जीतने के लिए 48 गेंदें, 18 रनों की जरूरत, विकेटें अभी भी 6 बाकी हैं, आराम से जीतेगा आज मुंबई इंडियंस। चलिए अंकुश की टीम, चलिए नितेश राजपूत कह रहे यार एक बार बोल देना, चलिए मजा आएगा, चलिए चलिए। तो नितेश राजपूत कह रहे हैं ठीक है, मुंबई इंडियंस की टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच अच्छे से नहीं जीती है। वो तो है, लेकिन अगले सीजन में बहुत सारे मैच जीतेगी इसलिए तैयार रहिए। अगले साल चैंपियन है मुंबई। चलिए आप फील्ड के साथ बोल दीजिए मोइनाली, मोइनाली आ गए गेंदबाजी करने के लिए। मोइनाली ये आप भी बोल सकते हैं, देखिए मैं आपको स्लो बोल के दिखाता हूँ, कोई मौका नहीं, 84 विकेट के नुकसान पर। शिवम पंडित कह रहे हैं आप सभी को, हम सभी को राधे राधे। इस ओवर की दूसरी गेंद, मोइन अली तैयार, सामने उनके तिलक वर्मा, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, 25 गेंदों पे 27 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, जबकि 21 गेंदों पे 18 रन बनाए हैं ऋतिक शौकीन ने। एक स्लिप अभी भी है बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, दाएं हाथ से राउंड द विकेट, लेग स्टंप पे गेंद फ्लिक किया ऑन साइड में, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी के पास गेंद गई, एक सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ मुंबई 81-4 12.2 ओवरों के बाद। कितने ओवर खत्म हो गए ब्रो, ये 13वां ओवर है ब्रो, अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा मुकाबला, सिर्फ 17 रनों की जरूरत है मुंबई को, और 46 गेंदे और 17 रनों की जरूरत है उस मुकाबले को जीतने के लिए। भाई राज के बारे में कमेंट्स आ रहे हैं जी, कि राज बहुत खुश लग रहा है आज। क्या लोग सही कह रहे हैं, क्या आप खुश हैं? मतलब ठीक ठाक ही हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये दुखी है लड़का, चेन्नई को सपोर्ट कर रहा था। ये तो हमेशा चेन्नई को सपोर्ट करता है धोनी की वजह से। नहीं ऐसा नहीं है, अगर RCB की टीम होगी तो मैं RCB को सपोर्ट करूंगा। अच्छा, कोहली की वजह से। लेग स्टंप पे क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है स्वीप करने के लिए गए थे लेकिन लेग स्टंप पे जाकर गेंद टकराई और लीजिए मोइन अली को विकेट मिल गया।
81 पे 5 मुंबई का स्कोर हो गया। ऋतिक शौकीन सुस्त बल्लेबाजी करके 23 गेंदों पे 18 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इकबाल जो साझेदारी इनकी रही तिलक वर्मा के साथ, उसने इंश्योर कर दिया कि मुंबई यहां से हारेगा नहीं इस मुकाबले को। तो अपना काम करके जा रहे हैं, मैच के कॉन्टेक्स्ट में ही आप पारियां देखते हैं, इतने छोटे से स्कोर का पीछा करते हुए अगर आप 18 रन बना देते हैं, लगभग 50 रनों की साझेदारी निभा देते हैं, तो बस जॉब डन है भाई। बिल्कुल अच्छी साझेदारी, 48 रनों की साझेदारी 47 गेंदों पर ऋतिक शौकीन और तिलक वर्मा ने निभाई, और इस साझेदारी के दम पर अब मुंबई की टीम बहुत नज़दीक आ चुकी है इस मुकाबले में जीत के। सिर्फ 17 रन चाहिए इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए, और ये तीसरी जीत होगी मुंबई इंडियंस की सीजन। टिम डेविड नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, तो अब रह क्या गया जो ख़त्म करेंगे। बहुत आसान ये मैच है उनके लिए, बहुत ही आसान सा लक्ष्य है उनके लिए 17 रन बनाना राज, क्योंकि जिस हिसाब से ये हिट करते हैं भाई, एक ओवर में अभी कितनी गेंदें बची हुई हैं, इस ओवर में 2 गेंदें, चलिए इस ओवर में तो नहीं हो सकता, लेकिन अगले ओवर तक उम्मीद करिए कि टिम डेविड जो है मुकाबला फिनिश कर देंगे। आंकड़े बताना चाहेंगे इनके? जी हाँ, देख लिया हमारे मित्रों ने, 5 मैच 90 रन, 30 की औसत, 180 का स्ट्राइक रेट। अब ब्रेक के बाद जब खिलाड़ियों को वापस लाया जा रहा है तो काफी कमाल का काम कर रहे हैं, पहले डेनियल सैम्स और उसके बाद अब टिम डेविड, लेकिन यहाँ जल्दी मैच फिनिश करें, 17 रनों की जरूरत है 44 गेंदों में जी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? लेकिन हमारा जो हमारे जो खिलाड़ी हैं ब्रेक के बाद आने के बाद और ठस पड़ जाते हैं। इकबाल साहिल कपूर पे तंज कसते हुए कह रहे हैं कि आते हो तुम ब्रेक के बाद भी तो भी एनर्जी लेके नहीं आते। नहीं ऐसा नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। साहिल कपूर तो खैर नहीं, अभी तो ऐसी बातें मत ही कीजिए, वो सुन रहे हैं। आपस की बात है, हम बाद में करेंगे ये बात। इस ओवर की 5वीं गेंद आ रही है, अब क्या चल रहा है? टिम डेविड को इतना लेट भेजे आप भाई, इससे पहले डैनियल सैम्स को भेज दिया नंबर 3 पे। एक लेग स्लिप है, एक फॉरवर्ड शॉर्ट लेग है, धोनी फील्ड में आ रहे हैं धीरे धीरे। धोनी पुराने दिनों की यादें ताजा करना चाहते हैं, जब वो टेस्ट टीम के कप्तान हुआ करते थे। ओहो, ऑन साइड में गेंद को खेला है, इस साउंड इफेक्ट की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सिंगल मिल जाएगा बड़े प्यार से, और इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा मुंबई का 82 पे 5 12.5 ओवरों के बाद। एक्चुअली ये साउंड इफेक्ट जो है एंटीसिपेशन में था कि वहां फील्डर होगा जहां गेंद जा रही है, लेकिन फील्डर बहुत दूर था। ये धोनी को डेडिकेट कर दिया हमने, ये जो साउंड इफेक्ट ताना बाना उन्होंने जो बुना था, जी जी जी, T20 में टेस्ट मैच की फीलिंग जो ला रहे हैं वो, तो लगा एक क्षण को कि बिल्कुल सही कि मिड विकेट पर एक खिलाड़ी कहीं लगा ना दिया उन्होंने कैच करने के लिए। 12.5 ओवर 82 रन 5 विकेट, मुंबई इंडियंस को अब 16 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। मोइन अली इस ओवर की अब अंतिम गेंद के साथ तैयार हैं, सामने है बल्लेबाज तिलक वर्मा, फ्रंट फुट पर आकर एक बढ़िया दिखने वाला शॉट खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की ओर, सिंगल मिला अंतिम गेंद पर, ओवर समाप्त हुआ 13-83 पर 5 मुंबई इंडियंस। अब यहां से 15 रन चाहिए 42 गेंदों पर। इस टूर्नामेंट में तिलक वर्मा ने न जाने कितने मर्तबा मुंबई की टीम को संभाला है उन परिस्थितियों से जहां पर संघर्ष करती हुई नजर आई है, क्योंकि हमने देखा है इस साल तिलक वर्मा मुंबई की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाया उन्होंने। बिल्कुल, और आपने देखा कि शुरुआत में ईशान किशन का बल्ला चल नहीं रहा, रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला है पूरे टूर्नामेंट में, तो उसके बाद दारोमदार किस पे आता है? मिडिल ऑर्डर पे, जहां पर आपको तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव दो नाम दिखते हैं। तो सूर्य कुमार यादव पहले तो 3 मैच के ब्रेक के बाद आए, और उसके बाद 4-5-6 मैच खेलने के बाद दोबारा से वो ब्रेक पर चले गए, तो ऐसी स्थिति में तिलक वर्मा पर जो जिम्मेदारी आई थी उसको अब तक उन्होंने निभाया है। महेश तीक्ष्णा आ गए हैं गेंदबाजी करने के लिए तीसरे ओवर के साथ, और इनके बारे में एक फैक्ट दिखाया जा रहा था कि 12 विकेट जो इस IPL में उन्होंने लिए हैं उसमें से 11 विकेट कैरम बॉल पर लिए। वाह, और 1 विकेट इस ओवर की पहली गेंद है ये, ऑफ स्टंप के सामने की गेंद, तिलक वर्मा ने गेंद को टर्न किया, ऑन साइड में धोनी भाग रहे हैं उसके पीछे, स्क्वायर लेग अंपायर के पास जाकर गेंद को उठाया, सिंगल मिल गया। दूसरे के बारे में इच्छा तो थी दूसरे रन की, लेकिन वहाँ था नहीं, तो 1 ही रन लेकर खुश। 84 पे 5 मुंबई 13.1 ओवरों के बाद। 41 गेंदें हैं, 14 रन बनाने हैं अब यहाँ से, और टिम डेविड इसी ओवर में मुकाबले को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन महेश तीक्ष्णा को मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि वेरिएशन काफ़ी है इनके पास, लेकिन क्या इन अंतिम क्षणों में भी मुंबई की तरफ से कुछ जांबाजी देखने को नहीं मिलेगी? क्या डेविड टिम डेविड भी उसी अंदाज में खेलते हुए नजर आएंगे जो सारे बल्लेबाज करते हुए नजर आए, एक्सेप्ट रोहित शर्मा? अगली गेंद तीक्ष्णा की, इस बार बैकफुट पर अड़ते हुए इस गेंद को कट कर दिया, गेंद जा रही स्वीपर कवर की ओर,
सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ टिम डेविड पहुंचे 2 पर और स्कोर हो गया है अब मुंबई इंडियंस का 85 5 विकेट के नुकसान पर। टू बॉलर्स फिनिशिंग देयर कोटा इन द फर्स्ट 8 ओवर्स ऑफ एन आईपीएल इनिंग, मोहित शर्मा और एलबी मॉर्कल चेन्नई के लिए, मिचेल स्टार्क और रवि रामपाल आरसीबी के लिए, चहर और हरभजन फॉर सीएसके एंड मुकेश एंड सिमरजीत फॉर सीएसके। तो चौथा अवसर है जिसमें तीन बार सीएसके ने किया है। वही कर सकते हैं, एक बार किसने किया है? आरसीबी ने, स्टार्क और रामपाल। सोचिए यार, एक छोर पे स्टार्क है और दूसरे पे रवि रामपाल। बट उस मैच में रवि रामपाल ने शायद, अगर मुझे याद आ रहा हो सही ढंग से, तो बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे स्टार्क के साथ। एक मैच तो बहुत अच्छा गया था, आई डोंट नो वो मैच था या कोई और मैच था। ओए, इस बार बाहरी किनारा बल्ले का लेकर के गेंद जा रही है थर्ड मैन की ओर, सिमरजीत सिंह ने गेंद को उठाया, थ्रो किया, तब तक इधर दोनों बल्लेबाज दूसरे के लिए पलटे हैं। दूसरा रन पूरा भी कर लिया तिलक वर्मा ने और इन दो रनों के साथ स्कोर हो गया है अब 87 5 विकेट के नुकसान पर। क्या आप निकाल सकते हैं वो मैच जिस पर? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए, 87-5 मुंबई 13.3 ओवरों के बाद 11 रनों की जरूरत है। बहुत सारी गेंदें बाकी रहती हैं, इनफ गेंदें बाकी रहती हैं। महेश तक्षणा की चौथी गेंद पे एक सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ मुंबई का स्कोर हो जाएगा 88-5। दो स्लिप लगा रखे हैं धोनी ने, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पंच कर दिया था डाउन द ग्राउंड सिंगल के लिए। और यहां से अब इस सिंगल के बाद 10 ही रनों की जरूरत रहती है, 38 गेंदें अभी भी बाकी हैं। ये मैच खत्म होने के पहले अगर अंकुश ये स्टैट निकाल पाए तो आई विल बी इम्प्रेस्ड। उन्होंने निकाल लिया वो स्टार्ट, जिस स्पीड से मैच चल रहा है ऐसा तो लग रहा है कि निकाल लेंगे। अब टिम डेविड स्ट्राइक पे, स्लिप और लेग स्लिप के साथ ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद टर्न ही नहीं हुई, तक्षणा की गेंद, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा छोड़ती हुई चली गई विकेट कीपर के पास 88-5 मुंबई 13.5 ओवरों के बाद। रोहित शर्मा भी फैल के बैठे हैं एकदम, ठीक है आराम से नहीं, जब आपका साइज ऐसा होता है ना तो आप सिमट के बैठ भी नहीं पाते। मैं तो आपको बता सकता हूं अंदर की बात, आई बीन थ्रू ऑल ऑफ दिस। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पंच किया है, गेंद जा रही है डीप पॉइंट के खिलाड़ी के पास, एक सिंगल और इस सिंगल के साथ मुंबई 88-5 से बढ़ के 89-5 14 ओवरों के बाद। तो 2014 आईपीएल में जो मुकाबला खेला गया था जिसमें रवि रामपाल और मिचेल स्टार्क ने पहले 8 ओवर में अपना कोटा पूरा किया था, वो मुकाबला पहले आरसीबी 20 ओवरों में ख़त्म हो गई उनकी कहानी 70 पे। ओके, और राजस्थान ने उस मुकाबले को जीत लिया था 6 विकेट से 71 बनाकर। उसमें मिचेल स्टार्क ने 4 में 29 देकर 2 विकेट लिए थे, रवि रामपाल ने 4 ओवर में केवल 16 रन दिए थे और विकेट हालांकि उन्हें नहीं मिला लेकिन उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। यस, और ये वही मैच था जिसमें बढ़िया गेंदबाजी प्रवीण तांबे ने करी थी, 4 विकेट उन्होंने लिए थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे। यस, तो फिलहाल इस वक्त 14 ओवरों के बाद 89-5 मुंबई इंडियंस का स्कोर है और अभी भी 9 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए मुंबई की टीम को। पूरा पैसा वसूल मैच है यार ये, मतलब टाइम तो खैर उतना ही लिया इन्होंने और छक्का मार दिया भाई टिम डेविड ने। स्लॉट में गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसको लपेट दिया था उन्होंने डाउन द ग्राउंड, गेंद को रोकने वाला कोई नहीं और इस छक्के के साथ स्कोर हो गया मुंबई का 95-5 14.1 ओवरों के बाद। तो अब यहां से सिर्फ 3 रनों की जरूरत, 95-5 हो गया है मुंबई का स्कोर। मैं सही होने वाला हूँ? जी हाँ, आपने कहा था कि 15वें ओवर में जीत गए, वैसे ही आपने 14वां कहा था। मैंने, चलिए कोई नहीं, माफ किया। चलो प्लस 2 प्लस 3-4 रखते हैं ना। अंकुश भाई, टीम डेविड हमारी मदद कर रहे हैं मैच को जल्दी खत्म करने में, टीम पर पूरा भरोसा है। और तारीफ करनी पड़ेगी आपसे तिलक वर्मा की, बिल्कुल जो खड़े रहे, 33 रन बनाए उन्होंने, धीमी गति से ही सही लेकिन जो आवश्यकता थी उनको वो करके दिखाया। अगली गेंद पर एक सिंगल लेकर अब नॉन स्ट्राइकर रन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन बहुत ही शांत दिखने वाले और बहुत ही आराम से बल्लेबाजी करते हैं टीम डेविड की, ये खासियत आपको नजर आएगी क्योंकि बहुत ज्यादा हड़बड़ाते नहीं है अगर आप देखें तो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमने इनको 6 या 7 पारियों में इस सीजन देख लिया है बैटिंग करते हुए और बहुत इत्मीनान से खेलते हैं, आपने नोटिस किया होगा। इत्मीनान से कितना, चलिए कल का मुकाबला है चलिए के लिए कहाँ, आरसीबी और पंजाब पीवीकेएस। ओवर की अगली गेंद तिलक वर्मा के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उसको पहले कट करना चाहते थे बता दे भाई, लेकिन गेंद पहुंची है कवर पॉइंट के पास। कल का मुकाबला है आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेज पंजाब किंग्स,
तो एक साउथ इंडिया की टीम एक नॉर्थ इंडिया की, दोनों के बीच मुकाबला है। दो रनों की ज़रूरत है इधर। इस ओवर की अगली गेंद, इस बार आगे बढ़ के गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की तरफ, एक रन पूरा किया और एक रन से संतुष्ट होंगे, लेकिन मैच अब हो चुका है टाई और टीम डेविड करेंगे अब इसको बबाए जिस सिंगल के साथ। लेंगे सिंगल या बाउंड्री? यार मैं बहुत क्लोज था, मैंने 16वां ओवर प्रेडिक्ट किया था और वो छक्का नहीं लगा होता ना तो ये 16वें में जाता। यस 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 यस, अभी 15वां तो चल ही रहा है, क्या पता दो गेंदे डॉट हो जाएं, हु नोज, बट मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल नहीं, टिम डेविड हैं तो भाई 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 स्लिप लेग स्लिप लगा रखा है, मिड ऑन मिड ऑफ लगा लो भाई। हवा में गेंद एक बाल और ये है 6 रन भाई, लिखा हुआ है इस पे छक्का। जीत गई है मुंबई की टीम, 6 रन मार दिए इस गेंद पर टिम डेविड ने और 100 रन पूरे हो गए हैं मुंबई के इस छक्के के साथ। 103 पे 5 हो गया मुंबई का स्कोर 14.5 ओवरों के बाद और उन्होंने 5 विकेटों से इस मुकाबले को जीत लिया है। तो भाई आज के लिए इतनी बोरियत बहुत है, कल बाकी का जो बचा खुचा है वो पूरा होगा, है इकबाल? हाँ बिल्कुल, कल वैसे होगा नहीं, कल नहीं होगा, कल नहीं होगा, आरसीबी का मैच है कल, कल आरसीबी की टीम धमाकेदार जीत दर्ज करेगी पंजाब के ऊपर, मेरा ये मानना है। ठीक है, आपको आपका क्या मानना है अंकुश? आपने क्या मेरा मानना है? कल का कल देखूंगा मैं। ठीक है, वैसे आज 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 आपका दिन बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत क्लोज 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 ही हैं आप। हाँ यार सही तो कर ही सकते हैं लगे हाथों। कल जीतेगा बेंगलोर, कल कोहली की 50 है ये, या तो कोहली की 50 है या कल कोहली ड्रॉप कर दिए जाएंगे, लेकिन कोहली ड्रॉप नहीं किए जाएंगे, वो मजाक था, वो 50 मारेंगे कल। यस, जो भी हो मैच के बाद क्या है, 40 गेंदों पे 50 रनों की पारी होगी कल विराट कोहली की। चलिए और उसके बावजूद बैंगलोर जीत जाएगा। कुछ तुम अपने बारे में जल्दी बताओ, कौन से पंजाब जीतेगा? चलो भाई, चलिए भाई, कल मुलाकात होगी 7:15 बजे आप लोगों से, तब तक अपना ख्याल रखिए।